नॉवेल्स फॉर एवर में खुश आमदीद। आज के हमारे नावल का नाम है यारम और इसकी राइटर है सुमैरा हमीद। ये नावल इतना कोई अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसके जितने भी करेक्टर्स हैं सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने ये नावल नहीं सुना या पढ़ा तो आप लोग ज़रूर इस नावल को फुल तरीके से इंजॉय करने वाले हो। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले तो मैंने वैसे खुद ही पढ़ा था, और एक तरह से होता है ना कि आपने बहुत छोटी उम्र में पढ़ा होता है, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, आपका तब पढ़ने का थोड़ा वे भी इतना पुख्ता नहीं होता, तो आपको कुछ अल्फाज की समझ आती है तो कुछ की नहीं आती। लेकिन अब मैं दोबारा पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नावल मुझे दोबारा से एक नए, वो कहते हैं ना, एक नई दुनिया में लेकर चला जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ये तो खैर आप लोगों की प्रेजेंस ही बताएगी कि आप लोग इस नावल को सुनने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इस नावल को पढ़ने या सुनने के बाद आप बिल्कुल वो नहीं कहेंगे कि यार वक्त ही ज़ाया किया, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। ये नावल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये मेरा, वो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी कलेक्शन आपने बनाई होती है नावल्स की, तो ये उन्हीं कलेक्शन में एक नावल है जो कि इंतहाई ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है इतनी तारीफें बहुत ज़्यादा होती है एक नावल के लिए। तो चलिए अब जल्दी से इस नावल को स्टार्ट करते हैं। ये किसी की फरमाइश पर नहीं है, ये मेरी खुद की फरमाइश पर है। और मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने सुना भी हो या कुछ लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस नावल को फुल तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस नावल को शुरू करते हैं। इश्क एक दास्तां है, मोहब्बत के इसरार की, अनवार के क्याम की, अमरहा और आलियान की। अमरहा, प्रेम का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो शर्मा की धूप होता, पर सुरखाब पर उड़ कर आती, राज हंसो संग झूमती, सुनहरी जरों से मर्तसम शर्मा की धूप, उसके स्याह बालों से शनासाई बरतती लाड करने लगी। माहम मेहरबानियां धरती पर क्याम के लिए उससे अपनी इब्तदा पर मसरूर हुई, सब्जे की वुस्सत पर फिदा होती इस नाजनीन को उसने सर उठाकर देखा और इस मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी जो उसके इख्तियार में तो रहा करती थी लेकिन इस्तेमाल में नहीं। नए वक्तों की आमद ने उसकी समातों के पर्दे पर वो सरगोशियाँ की जो वो वक्त की गुजरगाहों से एहतरामन चुरा लाई थी। उसकी वो जो अमरहा है लॉन के कोने में, वो ऐसे बैठी है जैसे ज़िंदगी की बसात पर वो ऐसा बेनाम मोरा हो जिससे मात दी जाए ना चाल चली जाए, जो कोनों में ही बैठती है क्योंकि उसे आम नज़र आने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसे डराया जाता रहा है। और फिर उसकी हैसियत अपने ही घर में कुछ ऐसी है जैसे झाड़ू की होती है, ज़रूरी भी और छी गंदी भी। एक तरफ बैठी दादी जेरे लब बुड़बुड़ाते हुए अपने बालों का खुद ही मसाज कर रही हैं, उन्होंने दानिया से कहा था लेकिन उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, दादी ने कहा ही नहीं, और वो कामिल तवज्जो से रिसाला पढ़ती रही, साथ माल्टे की फांग के भी मुंह में डालती रही, और ये सब करते वो कुछ ऐसी नज़र आ रही थी कि जैसे बेचारी लड़की दानिया कल ही तो अपने एमफिल से फारिग हुई है और आज कुछ ज़रा सी दुनियादार सी नज़र आ रही है। अम्मा फ़ोन पर बात कर रही हैं और हमाद कानों में एयरफोन लगाए नया नया रैप म्यूज़िक से मुतारिफ हो रहा है क्योंकि उसे चलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है, और उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे मुड़ मुड़ कर लहरा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता उसे टहलते टहलते मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। और वो कोनों में खुद को छुपाने वाली मोबाइल इंटरनेट पर मसरूफ़ है, नहीं नहीं वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं है, वो किसी से चैट भी नहीं कर रही, अरे नहीं वो गूगल इमेजेस पर डिज़ाइनर्स के कपड़ों की डिज़ाइन भी नहीं नोट कर रही, वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी के ग्रुप लीडर के ईमेल पढ़ रही है और उसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी अभी उसे फ्रीज़र से निकालकर धूप में रखा गया हो, या जैसे उसके कान में कहा गया हो कि जहाँ तुम बैठी हो ठीक वहीं ख़जाना दफन है, चुपके से निकाल लो। और अब वो ये ख़जाना चुपके से निकाल ही लेगी, उससे अपनी चीख दबाए नहीं दब रही, और ये उसने हल्की सी चीख मार ही दी। सबसे पहले तो दादी ने ही अपना हाथ रोककर उसे नागवारी से देखा, फिर सिवाय दादा के सब ने उसे कोई अहमियत नहीं दी और अपने अनहमाग को कायम रहने दिया। दादा जो तैबतुल नुसु पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसके पास आए, अमरहा क्या हुआ?
प्यारे दादा, सिर्फ वही पूछते थे। वो दादा के कान में खुसर फुसर करने लगी। थोड़ी देर बाद दादा तौबतुन्नुसु सीने से लगाकर खड़े हुए और सबको सुनाने जैसे अंदाज में कहने लगे, आमले लेने हैं मंडी से, मुझसे कहा उठाए जाएंगे इतने, अमरहा तुम आ जाओ साथ, इसे लिए जा रहे हैं, मिल गए फिर मंडी बंद हो जाएगी या फिर आग लगी होगी मंडी में। दादी ने उसके मुतलिक अपने ख्यालात के इजहार में देर नहीं की। हम दूसरे शहर की मंडी में चले जाएंगे, अगर वहाँ भी आग लगी हुई तो हमारा इंतज़ार ना करना, हम शहर शहर मंडी मंडी आग लगा कर आएंगे। शहर शहर क्यों, मुल्कों मुल्क क्यों नहीं? हाँ भाई, अब तैयार रहना सब, दुनिया में आग भड़कने वाली है। अब की कब की भड़क चुकी, दादी ने ऐसे कहा जैसे ऐसा अजीम सच ना बोला तो उन पर कुफर का फतवा लगा दिया जाएगा। बीबी अमहरा ने ज़रा घूर कर दादी को देखा और दादी ने अपना रुख बदल लिया। तो क्या अब मुझे भी भस्म करेगी, उन्होंने खुद पर आयत मुबारक पढ़कर फूंकी। बहुत खौफ ज़्यादा रहती थी उसकी नज़रों से दादी, सभी रहते थे, तबाही और बर्बादी थी ना वो, नेक शगुनी की दुश्मन, बद शगुनी की दोस्त, क्योंकि ऐन उसकी पैदाइश के दिन बड़े ताया चल बसे थे। पुप्पी पुप्पा का कार एक्सीडेंट हो गया, छोटी पुप्पो के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सारे साजो सामान को निगल गई। चचा की बेटी की मंगनी उस दिन होना थी, ताया की वफात से मलतवी हो गई, बाद हजार रिश्ता ही ख़त्म हो गया और मामू के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में पूरे 400,000 की चोरी हो गई। मामू सदमे से 4 दिन अस्पताल रहे। अमरहा से बड़े अली की छत से गिरकर बाएं टांग की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से पूरे 2 साल लंगड़ा कर चलता रहा। साथ के घर की मलाइका अप्पा बेवा हो गई, उनके शौहर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। सामने के घर वालों की बहू के मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई और भी बहुत कुछ। फहरिस्त काफ़ी लंबी थी और दिन ब दिन लंबी होती जा रही थी। मसलन अगर कोई कहता, बस अम्मा जी अपने ध्यान में थी, पता नहीं चला कब हाशिर अपना हाथ जला बैठा। दादी पूछती, क्या दिन था? मंगल का दिन था, आज ही के दिन बिलक बिलक कर रोया मेरा बेटा, मैं भी धाड़े मार मार कर रोने लगी। अच्छा मंगल, और तारीख क्या बनी? तारीख यही 2। अच्छा 2 और ऊपर से मंगल। मदीहा बेटा, मंगल की 2 को हमें ये वबाल नसीब हुआ था, इस दुनिया पर अमरहा अजाब बनकर आई थी। हमारे ख़ानदान में तो हर तारीख 2 और हर दिन मंगल, क्या करें, गुनाहों के अजाब भी तो भुगतने ही पड़ते हैं ना। अगली बार जनाब हाशिर के हाथ जलने का किस्सा भी इस नजस जन्म पुत्री में शामिल कर दिया जाता। अम्मा भी ज़रा खाइफ सी रहती उससे। इत्तफाक से हर साल लगभग उसी दिन मामू के स्टोर पर 3 बार चोरी हो चुकी थी। तंग आकर मामू ने स्टोर ही बेच दिया और दूसरा कारोबार करने लगे। अम्मा को भूलता ही नहीं था कि कैसे उनके भाई का चमकदार दमकता शानदार स्टोर बिक गया और भाई साहब कंगले हो गए। एक दादा थे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और सिर्फ अल्लाह से डरते, अहादीस पर अमल करने की कोशिश भी करते, जालहाना बातों और ख्यालात से दूर ही रहते। वरना जुमेरात के जुमेरात उनके घर चिराग जलते, 3 या 5 बस ताक जुफ नहीं। दादी मरने वालों के नाम मखसूस जगह चिराग रोशन करवाती। ला मजहब हो सब के सब, क्या कभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिराग जलते देखे हैं? क्यों जलाफ मजहब ऐसे काम करते हो? दादी हाथ से इशारा करती कि जाइए अपना काम करिए। बाबा ने आज़म मार्केट में कलीन स्टोर की नए सिरे से आराइश करवाई तो इफ्तिताह के वक्त नारियल फोड़ा। आज़म मार्केट के दूसरे मालकान महफूज होते रहे और बाबा सिर्फ इतना ही कहते रहे कि वो फिल्मों में देखते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। क्या हुआ जो कर लिया? तो तुम सब तो किसी लो खुश को भी नहीं देख सकते, बाबा ने ऐसे कहा जैसे उनकी दरीना ख्वाब तकमील का मजाक उड़ाया गया। उन्हें पसंद ना आया। जुमेरात के जुमेरात बिरयानी की देगे तकसीम करने की रवायात भी बाबा को बड़ी अजीज़ थी। दादा ने एक बार कहा, घर के कामों में मदद के लिए जो आपा आती हैं उनकी बच्ची के कान का ऑपरेशन है, बच्ची बहुत तकलीफ़ में, ज़्यादा नहीं तो 2-3 जुमेरातों की बिरयानी की देगों के पैसे दे दो, कुछ का इंतज़ाम मैं कर दूँगा, ऐसे उसका ऑपरेशन हो जाएगा। बहुत बहस हुई, बाबा ने दादा को ला दीन करार दे दिया और दादा ने बाबा को बेहिस। खैर देगे तो पकती रही, आपा की बेटी का कैसे भी करके दादा ने ऑपरेशन करवा दिया। तो बस ये माहौल था घर का और ये हाल था घर वालों का, गलत बातों को पकड़कर बैठे रहते। दादा तो बहुत बेजार उकताए उकताए रहते लेकिन किसी पर बस ही नहीं चलता था।
ज़्यादातर किताबें पढ़ते रहते या दादा पोती दोनों लाहौर की सड़कों को शर्फ़ चहलकदमी बख्शते रहते। नहीं मिले ना आमले। जब दोनों खाली हाथ वापस आए तो दादी ने तंजन नहीं कहा, बल्कि वो तंजन हो गया। दादा और अमरहा दोनों जेरे लब हंस दिए। जिस काम से वो गए थे वो हो गया था। हमें तो कह कर गए थे दुनिया में आग भड़काकर ही वापस पलटेंगे, अब ऐसे कैसे वापस आ गए? या आग लगी है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। दादा पोती दोनों खामोशी से मंजर से गायब हो गए। ऐसा नहीं था कि एक दादी ही उसे मनहूस मानती थी। दादी और अम्मा की देखा देखी, अली, हमाद और दानिया भी दादी के कहे पर यकीन करने लगे थे। कुछ इसलिए भी कि उनकी अमरहा से बनी ही नहीं थी, और इसलिए भी कि अमरहा ने उनसे बनाकर रखी ही नहीं थी। अली की हैवी बाइक के साथ कुछ हो जाता तो उसका गुस्सा निकाल लेता। वो भी अली को दो सुनाकर चुप कर रोने लगती और खुद को कोसती जाती, मैं ही मनहूस मारी। दानिया अम्मा को चुपके से कहती, मेरे कपड़े लाया करिए तो अमरहा को मत दिखाया करें। पहनने से पहले जब उसकी नज़र पड़ जाती है तो मुझे जहर लगने लगते हैं। किसी ताज़ा हुई अपनी और अमरहा की लड़ाई पर वो ऐसे ही गुस्सा निकालती थी। अमरहा गुस्से में कपड़ों पर चिकनाहट के स्याही के धब्बे लगा देती और वहाँ लगाती जहाँ से साफ़ होकर भी साफ़ ना होता, और फिर रात भर को कहीं बैठ के रोती रहती, मैं मनहूस मारी। इस मनहूस मारी को बस दादा ने ज़रा संभाला। इन्हीं के कमरे में एक तरफ उसका बेड रखा था, वो ही उसके अम्मा अब्बा बहन भाई बन गए थे। उसकी बातें सुनते, उससे बातें करते, वो रात रात भर बैठकर उसके फजूल और बेसुरूपा से शिकवे सुनते और रात दिन किस किस ने दिल दुखाया इस बात पर मिल के आंसू बहाते रहते। वो उन्हीं के साथ रहती, उन्हीं से पैसे लेती, उन्हीं के साथ सहेली के घर जाती, वो अमरहा के साथ उसी सब में मसरूफ़ रहते। एक रात उसने बाबा को अम्मा से कहते सुन लिया, स्टोर पर 4 लाख का लकड़ी का काम करवाने जा रहा हूँ, किसी को बताना मत, ख़ास अमरहा को। वो रात भर रोती रही, हिचकियाँ लेती रही और बददुआ देती रही कि वो मर जाए या साजो सामान को आग लग जाए। पर ना वो मरी ना आग लगी, बल्कि बाबा के पैसों में से 1.5 लाख रुपए कम हो गए। छोटी फुफ्फो आई और किसी ज़रूरत का कहकर पैसे ले गई। बाबा अम्मा से चिढ़ गए, कहा भी था किसी को मत बताना, लो अब हो गया काम, सारा अजाब अमरहा पर ना आ जाए, इसलिए दादा ने दोस्त से पैसे लेकर दिए। तब कहीं जाकर स्टोर के आगे नारियल फूटा। तो ये हैसियत है हमारी अमरहा की पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक। ऐसे हज़ारों बार हुआ है, वो बोल लेती, बहन भाइयों से लड़ भी लेती और फिर सारी सारी रात बैठ के रोती रहती। उसका दिल चाहता कहीं भाग जाए, छुप जाए, किसी को याद न रहे कि उसकी पैदाइश के दिन दादी के पाँव की मोच निकली थी। बाद हज़ा उनकी कमर दर्द यही लाहक हो गया था। दानिया, हमाद, अली कभी जलकर, कभी मजाक में, कभी उसको रोता देखने के लिए उसकी नहुसत के किस्से सुनाते रहते कि वो भूल ना जाए कि वो कौन है। स्कूल में एक बार टीचर की कुर्सी का पाया जो अरसे से टूट जाने के करीब था टूट गया और टीचर जी धड़ाम से नीचे आ गिरी तो वो फौरन खड़े होकर रोने लगी और उसने हाथ जोड़ दिए, टीचर मैंने कुछ नहीं किया, ये कुर्सी खुद ब खुद टूटी है, मैं सच बोल रही हूँ। टीचर कभी सर पर हाथ रख कर कहती कि सर में दर्द, तो वो सहम जाती, मैंने आपके सर को नहीं देखा, सच बिल्कुल नहीं देखा। ख़ानदान की तकरीबात में वो इन्हीं कारनामों की वजह से जाती नहीं थी जो सारे ख़ानदान में ऐसे मशहूर थे, जैसे शॉलों में कश्मीरी शॉल और मेवों में चलगुज़ा। एक बार वो गई तो बारात जिसे दिन 2 बजे दूसरे शहर से आना था आई ही नहीं, शाम से रात हो गई। उनकी गाड़ियां मोटरवे पर ख़राब खड़ी थी, दूल्हा बारातियों के बगैर आने के लिए तैयार नहीं था। जब तक लाहौर से नहीं कारें भेजी गई और वो सब उसमें बैठ कर आए, रात के 12 बज चुके थे, सब मेहमान जा चुके थे और सिर्फ करीबी अजीज़ ही मौजूद थे। वो भी दादा के साथ चुपके से घर वापस आ गई और अपने नए डिज़ाइनर ड्रेस को आग लगा दी। उसके सब कज़न्स उसके गिर्द घेरा बनाए उसका मजाक उड़ाने में मसरूफ थे। नाना ज़रा पूछिएगा खाना जल गया या बच गया, अमरहा आई है ना आज, बिजली के कनेक्शन भी चेक करवा लीजिएगा, शॉर्ट सर्किट से आग ना भड़क उठे। किसी एक ने कहा, मैं तो दुआ करती हूँ कि दूल्हा भाई खैरियत से आ जाए, खूबसूरत नज़र आने वाली कोशिश करती खालाजात बोली। मुझे तो दुल्हन की फिक्र हो रही है, उफो अड़ी थी कि 2 लाख का लहंगा चलते चलते बचा। अदाए नाजनीन अपनाते दूसरी खालाजात ने भी बोलने में देर नहीं की, लहंगा तो बच गया लेकिन दुल्हन के बाल जल गए, वैसे आयरन मशीन बाल जलाती तो नहीं लेकिन आह कुछ भी हो सकता है आज तो, कोई तीसरा बोला।
हम सब तो मजाक कर रहे थे, अमरा तो संजीदा हो गई, वो रोने जैसी हो जाती तो कोई कह देता। 3 घंटे बाद उसका खालाजाद तने हुए हिसाब के साथ ऐसे आया जैसे किसी को फांसी घाट ले जाने आया। 4-5 घंटे से पहले बारात नहीं आएगी, सब अमरहा से माजरत करो, इसने हमारी माजरत कबूल कर ली तो शायद बारात जल्दी आ जाए। बकवास बंद करो सब अपनी, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि 10-12 का ग्रुप सा हो गया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी हसन, उसने बामुश्किल खुद को रोने से रोककर चिल्लाकर कहा। मुंह तो तुम्हारा तोड़ना चाहिए जो अपनी सारी नहुसत लेकर मेरी बहन की शादी ख़राब करने आ गई। अमरहा का जी चाहा वो सारे पंडाल को आग लगाकर भड़का दे, काश वाकई शॉर्ट सर्किट हो जाए और सारे रोशन कुमकुमे बुझ जाएं, ताकि उसके धाड़े मार मार कर रोते तारीख चेहरे और कपकपाते वजूद को कोई ना देख सके। वो कब से सबके मजाक में छुपे तंजों को झील रही थी। वजू करने के बाद मस्जिद में जाने से पहले खुद को आईने के सामने खड़ा करके ज़रूर देखना, शायद दोबारा कभी मुझे ये सब कहते तुम्हारी ज़बान लड़खड़ा जाए और तुम्हें ये बात समझ आ जाए कि कुछ भी बर्बाद और आबाद करने की ताकत इंसान के हाथ में है ना, इख्तियार में। हुक्म कुन और अमल फाया कुन रब की खूबी है, उसके बंदों की नहीं। बामुश्किल खुद को रोने से बचाते उसने 5 वक्त के नमाजी हसन से कहा और बाकी सब की तरफ अफसोस से देखा। दादा को लेकर वो चुपके से घर आ गई। उसकी सगी खालाजाद की शादी थी, उसके दिल में भी अरमान थे शादी को लेकर, उसने ख़ास इस शादी के लिए बहुत तैयारियां की थी, लेकिन सब ना सिर्फ बेकार गया बल्कि उसे दुख देकर गया। उसने एक सफ़ेद कागज़ पर मैं किसी तकरीब में नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, वादा लिखकर अपनी अलमारी की अंदरूनी दीवार पर चिपका दिया। जब कभी उसका कहीं जाने का दिल चाहता वो अलमारी खोलकर अपने वादे को याद कर लेती। ये सब वो करती तो गई लेकिन बहुत अकेली होती गई, वो आसानी से रो पड़ती, उसे आसानी से रुलाया जा सकता। जैसे कि क्वेटा वाले मामू साल में भी एक बार आ जाते तो मैं दबक कर कॉफ़ी का बड़ा मग पीते हुए कहते बुलाओ ज़रा अमरहा को, उसे रुलाएं, वो ना जाती तो मामू खींच कर ले जाते, हंस हंस कर सब लूट पूट होते। वो धाड़े मार मार कर रो रही और मामू उसकी नहुसत का एक किस्सा हवाला जात के साथ सुनाए जाते। अम्मा उसे डांटती मजाक कर रहे हैं मामू, अमरहा क्यों ऐसे धाड़े मार मार कर रो रही हो। दादा आते सबको डांट कर उसे ले जाते, जाहिल लोग हैं अमरहा, इन पर तवज्जो ना दिया करो। वो कौन सी आलिम थी जो खुद को अच्छी तरह समझा लेती, नौ उम्र दुखी और खुद को खुद ही मनूस समझने वाली, बस रो देने वाली लड़की ही तो थी। और फिर हर बार खुद को फलसफों से मुतमईन तो नहीं किया जा सकता था। सब जाहिल हैं, पुरसुकून हो जाओ, सब पागल हैं, हाँ ये ठीक है, ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं हो पाता। रिज़ल्ट अगर 100% होता भी तो अगली बार 0 ज़रूर हो जाता है। वो जितना खुद को ये सब जाहिल हैं कहकर बहलाती उतना ही अगली बार इन सब जाहिलों की बातों पर हिचकियों से रोती। दादा की बातें उसे थपक थपक कर सुलाती थी तो उसी नींद में वो इन सब को बातों पर कराती थी। अमरहा दुखियों में सबसे दुखी, अमरहा तन्हाओं में सबसे तन्हा। दादा गवर्नमेंट पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, स्कूल की छुट्टियों में वो सारा दिन पंजाब लाइब्रेरी में घूमती रहती थी। वैसे भी दादा उसे घर में कम से कम रहने देते थे, वो स्कूल से पैदल चलकर लाइब्रेरी आ जाती, दोनों दोपहर का खाना वहीं खाते। इसी मुलाजमत के दौरान दादा ने किताबें पढ़ी थी और इसीलिए वो जुमेरात को मरने वालों के नाम के दिए नहीं जलाते थे। शाम को दोनों चहलकदमी करते लाहौर माल रोड की लंबी सड़कों से होते, सर्दी गर्मी भुने चने और राख पकी छली खाते रात गए घर आते। अमरहा का दिल चाहता कि रात को भी घर ना जाए और भले से माल रोड के फुटपाथ पर सो जाए। घर पर नज़र पड़ते ही दादा आह सूरत कहते लो आ गई जेल, पागल हो गए हो तुम, किताबें पढ़ पढ़ कर तो ढंग की नौकरी मिल जाती तो अकल तो ना जाती। दादी सुन लेती तो कहती दादा को ढंग की नौकरी ना मिली लेकिन ढंग से अकल ज़रूर मिल गई। बाबा ने अपने वक्त की 10 को भी जैसे अपने स्टोर पर रख कर बेच दिया कालीनों के साथ, पता ही नहीं चलता था कि 10 जमातें पढ़े हैं कि 10 तक गिनती। अली बड़ा था और कमाल का बड़ा था, हर जमात में सीनियर ही रहता, 2 साल ज़रूर ही लगाता। फिर हमाद था, उसे दुनिया भर के गाने वालों, नाचने वालों और उन्हें नचाने वालों के नाम, घर, कौमियत, मज़हब, शादी, बच्चों, अफेयर्स के बारे में तो मालूम था लेकिन ये नहीं कि FA के बाद की डिग्री को क्या कहते हैं और उसे पास कैसे करते हैं। कितना चाहा दादा ने कि एक इंजीनियर बन जाए या फिर कॉलेज में लेक्चरर, वरना एक अस्पताल में डॉक्टर और एक पाक आर्मी में कप्तान,
लेकिन दादा के सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, वैसे उनके कहने से भी कुछ नहीं हुआ। फिर अमरहा का नंबर था, कम वो भी नहीं थी, पर क्योंकि बेचारी सी थी इसलिए हर वक्त रोती रहती थी। बड़ी मुश्किल से दादा ने उसे 8 जमातें पास करवाई। ताज़ा ताज़ा किसी वाक्य पर रोते हुए उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। और अमल भी सारा सारा दिन दादा के साथ लाइब्रेरी रहती। दादा ने मन्नत की, अमरहा मैट्रिक कर लो, इससे क्या होगा, तलीम से क्या नहीं हो सकता, सब मुझे पसंद करने लगेंगे क्या। इस्तेज़ाई अंदाज, तुम्हें यह फ़िक्र क्यों है कि सब तुम्हें पसंद करने लगे, तलीम तुमने अपने लिए हासिल करनी है, अपनी ज़िंदगी को तामीर करने के लिए। मेरी ज़िंदगी मेरी नहोसत ने तमीर कर दी है। अब तंजिया अंदाज, तुम्हें इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे हथियार फेंक दो। मुआशरा, माहौल या लोग कैसे भी हों, हमें अपने रास्ते बनाने नहीं छोड़ने चाहिए और इन रास्तों पर रोशनी के इंतज़ाम में लगे रहना चाहिए। ऐसी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं दादा, किताबें नाजा हैं, ऐसी बातों की मलकियत पर हमें भी इन पर अमल करके नाजा होना चाहिए। अमरहा, मैं जो कहती हूँ वो आप समझते नहीं, कितनी बार कहा है कि भाग चलते हैं कहीं दूर, बहुत दूर। वो हर बात को इसी एक बात पर ख़त्म करती, उसे बस कहीं अपने माहौल से दूर जाना था, जहाँ रोना भी पड़े तो उसकी तमहीद कुछ और हो, जहाँ उदासी आया ही करे तो अपने साथ मसरत को छुपा लाया करे, जहाँ दिन हो, शाम हो, रात हो, पर आह ना हो। दादा जान के पास जो थोड़े पैसे थे उससे वो उसे भगा ले गए अपने एक दोस्त के घर बलोचिस्तान। 10 दिन वहाँ गुजार कर आए। ख़ानदान में तो वो कहीं जाती नहीं थी, वहाँ बहुत खुश रही। फिर दादा से कहने लगी, दादा आप दुबई चले जाओ, फिर मुझे भी वहाँ बुला लेना, दोनों बहुत खुश रहेंगे। वो इस उम्र में दुबई क्या जाते, हाँ फिर भी वादा कर लिया, मैट्रिक कर लो फिर चला जाऊँगा दुबई। और उसने दुबई जाने के लिए मैट्रिक कर लिया, खूब जी जान लगा कर, पर इतनी जी जान लगा कर भी कुछ ज़्यादा बड़ा धमाका ना कर सकी। वही आम आम हुई सेकंड डिवीज़न जो हर किसो नाकिस के हिस्से में आ जाती है। इन्हीं दिनों नया नया वाक़या हुआ था कि दादा का हाथ बाबा का हाथ जल गया। दादी अपनी फितरत से मजबूर उस पर तंज करने लगी, वो आगे से जवाब देने लगी तो बाबा ने गुस्से से जला हुआ हाथ उसके मुंह पर थप्पड़ बना के मार दिया, और मजीद गुस्से से उसने अपना सर दीवार में ज़ोर से दे मारा, सर से खून निकला, सर में बहुत दर्द हुआ और खून को भुलाकर वो बाबा के थप्पड़ को रोती रही रात के पहले पहर से आखिरी पहर तक। फिर अपने स्कूल बैग में अपने चंद कपड़े रख कर घर से निकल गई, चलती गई चलती गई। हद तो ये कि पहली बार सड़क पर यहाँ वहाँ फिरते आवारा गंदे कुत्तों से बिल्कुल नहीं डरी, आंखों में अश्क लिए गंदे पर स्कूल बैग लटकाए ऐसे चलती जा रही थी जैसे खुदा न खास्ता दुनिया में अकेली हो। कुछ दूर आगे जाकर समझ में ना आया कि अब कहाँ जाए, तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ कर रोने लगी। थका डाला तुमने मुझे अमरहा, दादा उसी फुटपाथ पर उसके साथ बैठ गए, हाथ में पानी की बोतल थी, पहले खुद पिया फिर उसे पिलाया। मैंने घर छोड़ दिया है, पानी पीकर वो चिल्लाई, एक दिन तो तुम्हें वो घर छोड़ना ही है, वो तुम्हारा घर है भी नहीं बच्चे, जाते क्यों नहीं हैं आप दुबई, कर लिया है ना मैंने मैट्रिक। दादा गड़बड़ा गए, मैं बूढ़ा कमज़ोर बीमार शिमार रहने वाला बंदा अब कहीं जाऊँगा मुल्क से बाहर, वो भी काम करने, खुद सोच बच्चे कितना बूढ़ा हो गया हूँ मैं, बहरा भी तो हो रहा हूँ, तो वादा क्यों किया था। बाबा के मारे थप्पड़ को भूलकर वो इस बात पर हिचकियों से रोने लगी कि दादा ने वादा पूरा नहीं किया। दादा बहुत देर तक चुप ही रहे, नौउम्री फिर अमरहा जैसा दुखी दिल अब कोई झूठी तसल्ली उसे नहीं दी जा सकती थी। तुम क्यों नहीं चली जाती अमरहा, कहाँ, एक बड़ी हिचकी लेकर उसने कंधे से स्कूल बैग उतारा। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, फ्रांस। मैं अमेरिका, फ्रांस, वो और धाड़े मार मार कर रोने लगी कि दादा को कैसे कैसे लतीफ़े याद आ रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये कोई वक्त है मजाक उड़ाने का, और वो भी ऐसा भयानक। हाँ ना, मिर्ज़ा कमाल की नवासी ने FSC में टॉप किया है इस साल, उसे स्कॉलरशिप मिला है, 2 दिन हुए वो कैनेडा चली भी गई। अमरहा तुम FSC में टॉप कर लो, मैं फिर वही भयानक मजाक का अंदाज, उफ़ ये दादा। हाँ अमरहा बच्चे टॉप करो और चली जाओ, मिर्ज़ा कमाल की नवासी 7 साल बाद आएगी वापस, बल्कि समझो आएगी ही नहीं, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसे कनाडा में ही 3 साल सर्विस करनी होगी, हो गए ना 10 साल, 10 साल वो भी कनाडा में, वहाँ 20-25 लाख लगाकर जाया जाता है, वो मुफ्त में चली गई है, देख लो अमरहा तलीम के कितने फ़ायदे हैं, अब खुद को मनवा लो तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है। रात के आखिरी पहर
सड़क के किनारे बैठे दादा उसे अव्वल अरस्तू से कम नहीं लग रहे थे, जो सिकंदर आजम को तारीखी फातहों की फतूहात बड़े सलीके से समझा रहा था। और फिर सिकंदर आजम भी तो फाते रहा था, और यूँ उसने बहुत दिल से दादा के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। रात दिन पढ़ाई, बस पढ़ाई, टॉप करना उसने खुद पर लाजिम कर लिया, बल्कि फ़र्ज अव्वल मान लिया। उसे इतना यकीन था खुद पर कि वो खुद ही सब दोस्तों और हम जमातों को बताने लगी, मुझे तो कनाडा जाना है, पूरे 10 साल रहूँगी वहाँ। उसका अंदाज़ ऐसा होता जैसे किसी और दुनिया का बाशिंदा हो और कह रहा हो कि मुझे अपनी दुनिया में जाना है, यहाँ हादसाती तौर पर आ गया हूँ। हाँ, बस कभी कभी किस्मत ऐसे ही ख़राब हो जाती है। डॉक्टर बन जाऊँगी, मज़े से ज़िंदगी गुजारूँगी, ये कहते वो ऐसी शहज़ादी बन जाती जो बूढ़ी मलका के मरते ही खुद मुल्क बन जाती। और अब बस उसने बूढ़ी मलका के दिन भी गिनना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स में शुरू से यही शामिल था, मुझे यूरोपियन ममालिक में ही ज़िंदगी गुजारनी थी। यूरोप को वो सिर्फ कनाडा तक ही जानती थी और मानती थी, और कहे ऐसे रही थी जैसे 7 बरेआज़म को घूम कर एक यूरोप का इंतखाब किया, बस ये 2 साल हैं, जल्दी से इम्तिहान हो और मैं जल्दी से जाऊँ। सूरज को इतनी जल्दी धूप लाने की और चांद सितारों को रोशनी लाने की इतनी नहीं जल्दी होगी जितनी उसको यहाँ से भागने की। इन 2 सालों में वो बहुत खुश रही, उसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली थी कि खुद कैनेडियन भी इतना नहीं जानते होंगे। दादा ने उसको वो सारी किताबें ला दी जिसमें कनाडा लफ्ज़ कहीं ना कहीं आता था। और फिर रिजल्ट आ गया, टॉप भी हो गया, पर अफसोस किसी और का, वो A+ भी ना ले सकी। रो रो कर उसने अपना हशर बुरा कर लिया। दादा छुपे छुपे नज़रें चुराए फिरते थे, जैसे पेपर उन्होंने दिए थे और सही से मेहनत नहीं की थी। चंद जगहों पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मगर जहाँ A+ वालों की भरमार हो वहाँ A ग्रेड्स को कौन पूछता है। दादा को इन दिनों मालूम हुआ मुल्क में कितनी तादाद लायक तुलबा की है। जहाँ जहाँ वो उसका फॉर्म जमा करवाने गए थे वहाँ मौजूद जमे गफीर देखकर उन्हें खुशी तो होती, साथ ही अमरहा का सोचकर अफसोस भी हुआ। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है, और वही हुआ जिसका डर था। उसको स्कॉलरशिप के एडमिशन फॉर्म की बजाय माजरत के 3 लेटर आए। घर वालों को कोई खबर नहीं थी कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, अमरहा का बुखार उतर क्यों नहीं रहा, दादा और अमरहा की बोलचाल क्यों बंद है। इधर इसके दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि कब जा रही हो कनाडा, सुनो हमसे मिलकर जाना, हिम्मत है जो तुम इतनी दूर अकेली पढ़ने जा रही हो, मैं तो सोच के ही मर जाऊँ। उसने पिछले 2 सालों में सबको इतना यकीन दिला रखा था कि जैसे अब तो ये पक्का गई कनाडा, और ये सब तंज नहीं कर रही थी, पर अमरहा को तंज ही लग रहे थे ना। बाबा ने उसकी मंगनी कर दी, उसने भी करवा ली कि कनाडा तो गए नहीं, दूसरे घर ही चलो, लेकिन दूसरे घर भी ना जा सकी। 6 माह बाद ही मंगनी टूट गई। जाहिर है उन्हें भी खबर हो गई कि इस लड़की की पैदाइश और बाद इस पैदाइश से कैसे कैसे वाक़यात जुड़े हैं। बाबा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते थे। अम्मा और दादी पर नाराज़ हुए कि क्यों ऐसी ऐसी बातें करके अमरहा को इतना मशहूर कर दिया है कि उसका रिश्ता ही ख़त्म हो गया। अम्मा और दादी भी पछताई, पर अब देर हो चुकी थी ना। फिर दूसरा रिश्ता हुआ, बाबा ने फ़ौरन शादी की तारीख दे दी लड़के वालों को, ना मंगनी ना निकाह, फ़ौरन शादी। और शादी से 15 दिन पहले जब वो अपना सुर्ख शरारा पहन के देख रही थी, उसे दूल्हे की जवान बहन के बेवा होने की खबर मिली। किस्सा ही ख़त्म। और इस बार उसे ख़ानदान से वो कुछ सुनने को मिला कि उसने दादी की नींद की गोलियां खा ली। हफ्ते बाद जब वो ठीक होकर घर आई तो उसका जी चाहा कि फिर से नींद की गोलियां खा ले और मर जाए। अम्मा बाबा को कोनों खुदरों में छुपकर रोते हुए, दादी हाय मेरी जवान बच्ची हमें छोड़कर चली गई, कहकर हिचकियाँ लेती हूँ, दादा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएं। और बाबा दादी दीवानों की तरह दादा को ढूंढते हों, और दादा रात को छुपकर उसकी कब्र पर आकर रोएं। उसे अपनी मौत के तसव्वुर से ऐसी राहत मिली कि सब रोते रहेंगे जिन्होंने उसे रुलाया है, पर वो ये सब तसव्वुर ही कर सकी, दोबारा मौत को गले न लगा सकी। दादा उसे बात करने की, उसे मनाने की कोशिश करते रहते, पर वो दादा से बात ही न करती, जैसे उसके साथ हुए हर बुरे हादसे के ज़िम्मेदार वो हैं। जवान लड़की ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, और यह सब इन जाहिलाना बातों की वजह से हुआ जो वो बचपन से अपने लिए सुनती आ रही थी। अगर वो नींद की गोलियों से ना मरती तो ज़हनी दबाव से मर जाती। मेरे पास इतने पैसे नहीं अमरहा कि तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज सकूं, ना ही तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है, वो उल्टा मुझ पर हंसने लगे कि तुम पर इतने लाखों रुपए लगाकर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजने से अच्छा है तुम्हारे लिए जेवरात बना के रख लें,
या तुम्हारे नाम के पैसे बैंक में जमा करा दे ताकि तुम्हारी शादी में काम आए। देखो अब तो ये सच है, हम सब के तलीम पे पैसा लगाना बर्बादी समझते हैं और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लाखों का जहेज बना देते हैं। अमरहा मैं बेजार हूँ ऐसे लोगों से जो मुकद्दस रातों को जाकर इबादत करते हैं और सारा साल गुनाह की मुख्तलिफ हालतों में मुबतला रहते हैं। जहालत, झूठ, हसद, बेईमानी से खुद को बचाने की राय बराबर भी कोशिश नहीं करते और वजू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी साहब का सास जिन्होंने रिश्ता ख़त्म किया वो मजहबी इजलास में अहादीस का हवाला देकर तकरीर करती थी। मैं इसलिए बहुत मुतमईन था कि तुम्हारी शादी वहाँ हो जाए, पर वो भी वही खुश रंग फल निकली जो अंदर से गला सड़ा होता है। हमारी ये मुनाफ़त मुआशरे के सुकून को दीमक की तरह चाट रही है। हम जो खुद को सीधी राह पर समझते हैं हम उल्टी तरफ जा रहे हैं, उल्टे पैरों जा रहे हैं। अमरहा मेरे दिल के टुकड़े, अब दोबारा मरने की कोशिश ना करना, मैं कैसे इस दुख को झीलूँगा। देखो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दादा ने उसे बलूचिस्तान का 15 रोज़ का एक और दौरा करवा दिया और जैसे तैसे मनाकर कॉलेज में दाखिला करवा दिया, पर अब उसकी ज़िंदगी थोड़ी तल्ख हो चुकी थी। उसकी 2 मंगनियाँ टूट चुकी थी। मामू ने अपने बड़े बेटे के लिए दानिया का हाथ मांग लिया। इतने डरपोक हैं सब, कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं, वो तल्खी से दादा से कहती। जो खुदा से दूर होते हैं ऐसे ही खौफज़दा रहते हैं। मैं तो खुदा से दूर नहीं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों। कभी कुदरत बेखबर सोने वालों के सर पर कंकर मारती है ताकि वो बेदार हो जाए और अपने मकसद हयात की तरफ लपके। मेरा कोई मकसद नहीं, बस खुश रहना चाहती हूँ। हो सकता है कोई तुम्हारा मकसद बन जाए और तुम ऐसे खुश रहो कि तुम अपने माजी के दुखों पर हंसो। हो सकता है खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा हो जो अच्छा हो ना हो बल्कि शानदार हो। मुझे इस पर शक है, मेरे लिए भी क्या होगा, कुछ भी नहीं। हाँ बस कुछ भी नहीं। इसी दौरान ऐसा हुआ कि जिससे उसकी मंगनी टूटी थी उसकी शादी उसकी खालाजाद मायरा से हो गई। मजीद ये कि उसकी जल्द प्रमोशन हो गई और कंपनी की तरफ से एक बेहतरीन घर मिल गया। शादी का तोहफा यूरोप का एक माह का टूर। मायरा ने एक दिन उसे फ़ोन किया। मैंने तो अफरयाब से कहा कि मुझसे शादी करके बच गए आप, वरना अगर अमरहा छोड़ो वैसे अच्छे खासे कंगले हो जाते और पता नहीं क्या क्या हो जाता उनके साथ। वो खामोशी से मायरा और अफरयाब सियाब नामा सुनती रही। आज ही जाकर मायरा ने पूछा, कुछ तुम भी बोलो, कुछ कहो। उसने फ़ोन बंद कर दिया, बस इतना ही जवाब काफ़ी था। कॉलेज वो जा रही थी, दादा से कम बात करती, उनसे नाराज़ थी। दादी और अम्मा अब उसे घर में कुछ नहीं कहते थे। घर में आग भड़कती, दादी के पैर में मोच आ जाती, हमाद का मोटरसाइकिल हादसा होता या बाबा को स्टोर पर कोई नया नुकसान उठाना पड़ता, कोई कुछ ना कहता क्योंकि ये ठेका ज़ोरों शोर से अब दूसरों ने ले लिया था। अमरहा को ऐसा लगता कि तारीखी का गहरा जंगल है जिसमें वो भटकती फिर रही है और रोशनी की किरण है कि आकर नहीं दे रही। उसे लगता है कि दुनिया सब कुछ भूल जाएगी मगर उसके मुतल्लिक कुछ नहीं भूलेगी। वो दुआ करती थी कि काश कोई हवा चले और सबके जहनों से उसका नाम मिटा डाले, ना किसी को उसका नाम याद रहे और ना इस नाम से जुड़े शख्सियत से जुड़े वाक्यात। घर में मेहमान आते तो वो लाइब्रेरी चली जाती, वहाँ भी शाम तक ही रह सकती थी। फिर दादा उसे लिए लिए घूमते फिरते, वो उसे बात ना करती मगर उनके साथ घूमती रहती। दादा जानते थे कि वो लोगों का सामना करने से खौफज़दा रहती है, ख़ासकर रिश्तेदारों और जानने वालों से, और ये खौफ इन्हीं लोगों ने उसके अंदर पैदा किया था। वो ख़ानदान की तकरीबात और घर में किसी को दिखाई ना देती थी, फिर भी वो इन सब में बेहद मकबूल थी। वो डिस्कस किए जाने के लिए, कह के लगाने के लिए एक बेहतरीन मौजू थी। सांप सीढ़ी का वो खिलाड़ी है जिसे सांप बार बार सांप खा लेता है, उसकी दुम से लटकता वो सबसे निचले दर्जे में आ जाता है बार बार। अमरहा जैसी खूबसूरत लड़की को निचले दर्जों में देखना ख़ानदान की हासिल लड़कियों का पसंदीदा मशगला भी था, और वो हासिल लड़कियां ही क्या, कौन है जो अपने लिए पहला नंबर और दूसरे के लिए आखिरी नंबर पसंद नहीं करता। लेकिन इंसान तो वही है ना जो अपनी खुद नुमाई बेशक करता फिरे लेकिन दूसरों की खामोशी की पर्दापोशी हर हाल में करे, और ऐसे इंसान अब इंसानों के हजूम में कहाँ मिलते। अपने आप से तलख, अपने माहौल से गमगीन, अमरहा मायूस और बेजार सी रहने लगी। ना मालूम ये कुदरत का तरीका कार था या कुदरत की तरगीब कि इस बदतर होते माहौल से निकलने के लिए उसने कोशिश तेज़ तो कर दी। 1.5 साल के दौरान उसने मुख्तलिफ बैरूनी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के हज़ारों ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरे,
50%, 60%, 70% उसने किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह की स्कॉलरशिप को जाने ना दिया। दादा ने इस दौरान बाबा को मनाने की बहुत कोशिश की कि चंद लाख की बात है, बेटी पर लगा दें, पढ़ लिख कर लौटा देगी, लेकिन बाबा को ये मशवरा ही सरासर एक मजाक लगा। भला पढ़ने लिखने पर कोई लाखों लगाता है? दादा को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। बहस फ़ायदा देती है ना दलाइल। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तुलबा की सोसाइटी अपने जाती फंड से 5 स्कॉलरशिप दे रही थी, उसे वहाँ से भी इनकार हो गया। 2 सालों में उसने 200 बार सॉरी, यू आर अ गुड स्टूडेंट बट वी कांट हेल्प, बेस्ट ऑफ लक जैसी मेल्स पढ़ी थी, फिर उसने गिनती छोड़ दी थी। लेकिन जाहिर है इनकार नाकामी की कोई हद बिला शुबा हो नहीं होगी, लेकिन इनकार सुनने और नाकामी सहने वालों की बर्दाश्त की एक हद होती है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के इस इनकार ने उसे एक बार फिर घुटनों में सर देकर रुलाया और इसने बहुत खफा होकर, बहुत जलकर एक खफगी मेल उन्हें ज़रूर की। मैं हूँ ही मनुस मारी, मैं जलकर मर जाऊँ तो ही अच्छा है, भाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारी स्कॉलरशिप ऑफर। अगले ही दिन उसे एक लंबी मेल मसूल हुई जिसमें अनथक कोशिश करने और कभी हार न मानने पर बड़ा सा लेक्चर था। साथ ही दुनिया भर के इन कामयाब इंसानों की मिसालें थीं जिन्होंने बदतरीन हालात में भी शानदार कामयाबियों की बुनियाद रखी थी। उनमें सर फहरिस्त नाम मोहम्मद अली और चार्ली चैपलिन का था। साथ ही उसे बहुत नरम अंदाज से बताया गया था कि मैट्रिक में उसका बी ग्रेड है, FSC में सिर्फ ए, और ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है कि वो A+ के साथ कर सके। ऐसी सूरत में जबकि उसके पास शानदार एकेडमिक रिजल्ट नहीं, वो कैसे उसे दूसरे शानदार तलीमी काबिलियत रखने वालों के मुकाबले में उसका स्कॉलरशिप दे दे? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी? हूँ, आए बड़े इंसाफ के अलम्बरदार, आखिर में एक छोटी सी सतर लिखी थी जो कुछ ऐसे थी, फिर भी हम सोच रहे हैं शायद आपके लिए कुछ कर सकें, प्लीज़ जलकर मत मरिएगा, हमें वक्त दें। उसने वक्त दे दिया, उसे क्या एतराज़ हो सकता था। इस दौरान उसका BA का रिज़ल्ट आ गया। A+ तो जैसे बोर्ड वालों ने उस पर हराम ही कर दिया था कि जितनी मेहनत कर ले अमरहा वाजिद को A+ नहीं देना। वो बहुत खफा खफा सी रही अपने रिज़ल्ट से, लेकिन क्या कर सकती थी, सिर्फ इतना कि A पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मैनचेस्टर मेल कर दी और उसकी ज़रा सी चलाकी काम कर गई। पूरा एक महीना सोचने के बाद उन्होंने उसे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, वो भी 30% हर हाल में आपको 2 साल डिग्री के दौरान वापस करना होगा, बाकी को 50% आइंदा आने वाले 5 सालों में, अपनी रिहाइश और खाना पीना आपको खुद देखना होगा, हम सिर्फ आर्जी तौर पर यह सब मुहैया करेंगे। तो मनहूस मारी और जल मरूंगी के अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज़ नुमा पाकिस्तानी लर्ज उठे और उसे स्कॉलरशिप ऑफर कर दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से उसने अपना पासपोर्ट बनवाया। कुछ दादा ने अपने और कुछ दादा ने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके उसके हाथ में दिया। अब वो दादा से खूब चहक चहक के बातें करती। बरसों की कटी अब ख़त्म हुई थी, दादा पोती में अब फिर से खूब बनने लगी। उसके अंदाज तो कुछ ऐसे थे जैसे हमेशा के लिए जा रही हो, और दादा के ऐसे जैसे वो डिग्री लेकर आएगी तो रोना धोना मरना मारना भूल जाएगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटल में खाना खाती और आसपास हर चीज़ को ऐसे देखती जैसे सबको अलविदा कह रही हो। दादा को कुछ भांप कह, अमरहा पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, याद रखना सिर्फ पढ़ना वहाँ पे, बाकी तुम्हारे तमाम फ़ैसलों का इख्तियार आज भी मेरे और तुम्हारे बाबा के पास है। जी ठीक है, उसने सर हिला दिया। उसने तो सोचा था कि वहाँ पर ही जॉब करेगी और वहीं रहेगी। दादा पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, उसे लड़कों में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी और वो लिख के देने को तैयार थी कि कभी होगी भी नहीं। दोनों माल पे चलने वाली सफ़ेद बग्घी में बैठे थे जिसके आगे घोड़े जते थे जिनके टॉप पर मौसीकी पैदा कर रहे थे, जो माल रोड पे चलते घोड़े ही पैदा कर सकते हैं कि जैसे कलाम मुगलिया से दरबार शाही में अपनी शान पर इतराते हों। उसने आज गौर किया कि यह सब कितना अच्छा है, दादा के साथ बैठना और जगमग रोशनी के शहर से गुजरना, जैसे रांझे की बांसुरी पर सर धरना और रात ही रात में क्याम में पूरी ज़िंदगी गुजार देने की ख्वाहिश करना, खोए वाली कुल्फ़ी खाना और हाथ कुल्फ़ी के नीचे रखना, खोए वाली कुल्फ़ी जब गिरती है तो पिघल कर किनारे से पूरी की पूरी गिरती है और यह सदमा ऐसा होता है कि किसी तसल्ली से ज़ायल नहीं होता। मज़ीद 5-10 कुल्फ़ी खाकर भी वो एक ही गिर जाने वाली कुल्फ़ी का ख्याल आता है। वहाँ हंसते मुस्कुराते इन दो बच्चों की तरह घर आए जो ईद के 3 दिन ईद जमा करने में गुजार देते हैं और सिर्फ इसलिए घर से
भर नहीं निकलते, मबादा उनके पीछे कोई मेहमान आ जाए और उनकी ईद मारी जाए। 3 दिन ईद जमा करने वाले ये 2 बच्चे 4थे दिन घर से निकलते हैं और क्या खूब निकलते हैं। अमरहा 2 दिन बाद जा रही है, दादा ने ऐलान किया। कहाँ? दादी ने पूछा। वो समझी अक्सर बलूचिस्तान जाती रहती है, हो सकता है इस बार पेशावर को निकल जाए अपने दादा के साथ। मैनचेस्टर? वो क्या है? दादी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, दादा पोती में बस ऐसे ही खाना खाते वो पूछ लिया। दोनों ने अपनी तरफ से मिसाइल दागा था जो फूल जड़ी भी ना बन सका। नज़र उतारनी चाही थी इन सब की जुगराफाई मालूमात की। इनको ये तक नहीं पता था कि मैनचेस्टर शहर का नाम है और ये बरतानिया में है। कोई रिश्ता आया है अमरहा का वहाँ से? दादी ने यह सवाल भी ऐसे ही पूछ लिया। इस अगले सवाल पर दादा खामोशी हो गए। अमरहा इतनी काबिल है कि मैनचेस्टर के मेयर ने खुद खत लिखकर बुलाया है हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो, दादा ने तंज किया। भले से वाइट हाउस से खत आता कि ओबामा की असिस्टेंट बनो आकर या उन्हें अमूरे हुकूमत में मशवरे दो, कोई फ़र्क कब पड़ने वाला था, सब आराम से खाना खाते रहे। अमरहा ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मतवज्जो करें ना सबको। इस ऐलान पर ऐसा रद्दअमल तो सरासर मैनचेस्टर की बेइज्जती होगा। अमरहा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ्लाइट है इसकी, दादा ने ज़रा तेज़ आवाज़ से कहा। अब फ़र्क पड़ा। अम्मा, बाबा, दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने सारे सवाल छोड़कर यह सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है। बाबा, क्यों मुझे पागल बना रहे? आपने अपना प्लॉट तो नहीं भेज दिया? वो मैंने अमरहा और दानिया की शादी के लिए रखा था, बाबा ने खाना खाना ही छोड़ दिया। प्लॉट को बेचने की कोशिश तो दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़ था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लॉट जहाँ था अब भी वही है, जाकर देख आना, कहीं नहीं आना जाना। रिश्ता देखा है इसका? एक बस शादी होगी इसकी, दादी ने अब दिलचस्पी ली। रिश्ता? अमरहा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। साथ साथ वो खुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊँगी। परेशान ना होना अमरहा, तुम चली जाओगी। दादी, अम्मा, बाबा में बाहर तकरार होने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। ये कौन सा रिश्ता था जो इस बुरे वक्त में उसके लिए आ गया था? अब उसका जी चाहा, बल्कि उसने दुआ की कि जो जो कुछ उसके बारे में मशहूर है वो सब इन रिश्तेदारों तक पहुंच जाए। उसके ख़ानदान वाले उन्हें फ़ोन कर करके बताएं कि कैसी जन्म जली है, मनहूस है, काली नज़र काली ज़बान वाली है और नहीं तो कोई। दादी की ज़बानी तैयार करदा उसका पैदाइशी खुलासा उन तक पहुँचा दे कि मंगल की 2 को क्या क्या हुआ था, फ़कत 1 उसकी आम से, और क्या क्या मजीद हो सकता है अगर उससे दूर न रहा गया तो। यह कोई मौका था रिश्ते का? उसकी उंगलियां घिस गई थी मेल्स लिख लिख कर, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म्स भर भर कर, और दादी और अम्मा उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वो खुद को थपकती रही और कहती रही, तुम चली जाओगी, परसों तुम जा रही हो, कुछ नहीं होगा, दादा सब ठीक कर लेंगे, कहते हुए वो जल्दी जल्दी सामान भी पैक करती रही। पासपोर्ट को हिफाजत से छुपा दिया कि बाबा गुस्से में आकर उसका पासपोर्ट ही ना जला दें। रात गुजरती रही, बाहर से अनुज चारों की तेज़ आवाज़ें आती रही और पासपोर्ट को छुपाने के बाद वो कमरे के दरवाजे के साथ लगी ज़मीन पर बैठकर ऊँगने लगी, लेकिन साथ साथ बुड़बुड़ाती रही, मैं चली जाऊँगी, मैं तो जा रही हूँ, कौन रोकेगा मुझे, दादा है ना, वो सब ठीक कर लेंगे। दादा ने दरवाज़ा खोला तो उसे दरवाजे के करीब ही ऊँगते पाया और उसकी बुड़बुड़ाहट को कम ज़्यादा होते सुना। तकिया लाकर उन्होंने उसके सिरहाने के नीचे रखा। ज़िंदगी में वो पहली रात थी जब वो इतना खुश थी और इस खुशी की उसको इतनी फिक्र थी कि वो अपना बना बिस्तर फर्श पर सो गई थी। उन्हें दुख हुआ, इस माहौल ने उसे इतने दुख ना दिए होते, इस घर में उसकी ऐसी हैसियत ना होती तो वो हर रात ऐसे ही सोती, रो रो कर आँखें सुर्ख करती नहीं बल्कि आँखें मूंद कर परियों का इंतज़ार करते, दिनों से मुनव्वर होती नींद। दादा उसके पास ही बैठ गया और उसे देखने लगे। औलाद नामी जिस तोते में वालदैन की जान होती है वो तोता अमरहा थी उनके लिए। उन्हें इतना प्यार अमरहा के वालिद से भी नहीं था, बाकी की औलादों से भी नहीं था। वो उसके लिए हर जंग लड़ने के लिए तैयार रहते थे और एक जंग वो इस हक में जीत आए थे उसके मैनचेस्टर जाने की। एक दिन अमरहा उनसे खफा होकर कहने लगी, आप भी दूसरों की तरह हो जाए ना, क्यों करते हैं मुझसे प्यार? वो इस बात का जवाब नहीं दे सके, बस सोचते ही रहे कि शायद कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान ज़रूर होती है कि अगर सारी दुनिया इस इंसान से नफरत करने लगती है तो कोई एक ज़रूर उस पर जान छिड़कता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई चिरिंद परिंद या दूसरी मखलूक। बिला वजह की नफरत ज़रूर एक बिला वजह की मोहब्बत को साथ बांध लेती है। जैसे जैसे
दूसरों के लिए तुम नापसंदीदा होती गई, मेरे लिए पसंदीदा तरीन होती गई। उन्होंने कहा, खुदा भी भला कभी ये भूला है कि उसके बंदे के आसपास बहुत कांटे उगाए हैं और अब उसे एक महकते हुए हमेशा तरोताज़ा रहने वाले फूल की अशद ज़रूरत है, ताकि इस फूल को पाकर वो कांटों की दी अजियत को फरामोश कर दे। बाबा ने उसे 10,000 रुपये दिए कि वो ज़रूरी ख़रीदारी कर लें। अम्मा और दादी का मिजाज अलबत्ता बहुत बरम था। दादा के साथ जाकर ही उसने ज़रूरी ख़रीदारी की। दानिया ने उसका सामान पैक करवाया। हमाद और अली दिल महसूस कर उसे देखते रहे। आखिर वो इतनी दूर जा रही थी। दादा मुसलसल 2 दिन से अपनी आंखों की झड़ी छुपा रहे थे। ये पढ़ने जा रही है, भाग नहीं रही। माँ बाप तो खुश होते हैं, तुम दोनों इसे कर दो खुशी से। ये ना हो कि जहाज़ क्रैश हो जाए या ये लापता हो जाए। दादा ने यह छोटा सा लेक्चर दादी और अम्मा को दिया था। उसका जहाज़ क्रैश ना हो जाए वो या वो लापता ना हो जाए। दोनों ने अपनी बरहमी को एक तरफ रखा और उसे दवाओं में अलविदा कहा और वो मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गई। वो बरतानिया के तीसरे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की ऊंची छत तले एड़ी के बल घूम घूम गई। मैनचेस्टर में आ गई हूँ आग लगाने, उसने मुंह पे हाथ रखकर चिल्ला कर कहा। चंद लोगों ने उसे हैरत से देखा। भले से देखिए उसे परवाह नहीं थी। वो घेरदार सफ़ेद शलवार और गोल दामन कमीज में मलबूस थी। उसका सफ़ेद लंबा दुपट्टा मैनचेस्टर एयरपोर्ट की सफाई कर रहा था और ख़ासकर हर आने जाने वाले ने सामान के साथ उलझ रहा था। उसने फिर से दोनों बाजू फैलाकर एड़ी के बल घूम कर कहा, मैं आ गई हूँ मैनचेस्टर, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी और तुम मुझे कभी ना रुलाना। खुशबख्ती का अगर कोई किनारा था तो वो इस वक्त अमरहा का यही नारा था। मुसरत व शादमानी का अगर कोई इशारा था तो वो यही एड़ी के बल घूम जाना था। सुकून और राहत के दरिया का अगर कोई किनारा ना था तो वो बस वो अमरहा का वजूद सारा था। वो एकदम से आज़ादी के शदीद एहसास में घिर गई थी। ये एहसास बहुत खुशाइन था कि वो हर दुख से दूर हो गई है और यहाँ उसे सब अमरहा की हैसियत से जानेंगे और बस जहाँ सुबह होगी शाम और रात, लेकिन कोई आह नहीं। दुखों के इस्तियारे छुप गए और खुशियों की अलामतें जा बजा नज़र आने लगीं। बरे सगीर के हक में वक्त की सरजमीन पर लहराता उसका सफ़ेद दुपट्टा जहाज़ का बादबान बना उसकी कश्ती को खुले नीले पानियों में रवा करने लगा। एक अमरीकी टीनेजर अपने छोटे से इलेक्ट्रिक गिटार पर YouTube म्यूज़िक बैंड का गाना ऑर्डिनरी लव गा रहा था। बंगाल के शहर को अपनी आंखों में समोए और अपनी शर्मीली मुस्कुराहट से उसे फूंकते बंगाली नौबियाता दुल्हन अपने महबूब शौहर के कान में सरगोशी कर रही थी। बंगाल की शर्माहट और ऑर्डिनरी लव की धुन ने उसे नई दुनिया में आम पर खुश आमदीद कहा। वो फिदा सी हो गई और अमरीकी टीनेजर के पास खड़ी होकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे दाद देने लगी। उसे कोई लेने नहीं आया था। वो 3 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे इंतज़ार से कोई मसला नहीं था। वो अगले 3 घंटे और इंतज़ार कर सकती थी। अब उसे कोई मसला नहीं था भाई। उसे अपने नाम का बोर्ड दूर से नज़र आया। लॉन्ग क्रॉस बैग लटका एक चाइनीज़ मिक्स कोरियन लड़की भागती हुई आ रही थी। मैं हूँ अमरहा, वो लपक कर इस कोरियन लड़की की तरफ लपकी। वरना जिस तेज़ी से वो भाग रही थी ऐसा लग रहा था उसे लेने नहीं बाय बाय कहने आई हो। ओह सलाम, सॉरी मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, चलिए, अमरहा ने सलाम का जवाब दिया कि उसे अच्छा लगा उसने हेलो के बजाय सलाम किया। दरअसल जैसे तुम्हें लेने आना था उसका एक्सीडेंट हो गया आते हुए, फिर मुझे आना पड़ा। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा? वो शर्मिंदा हो रही थी कि कोई उसे वक्त पर लेने नहीं आ सका। अमरहा की शक्ल बनी, फिर उसकी हंसी निकल गई। हाँ ना, आगे आगे चलने लगी। वो इतनी तेज़ी से चल रही थी कि अमरहा के लिए उसका साथ देना मुश्किल हो रहा था। दोनों टैक्सी में बैठ गए, बिल्डिंग तक आई, सामान ऊपर लाई और फ्लैट के अंदर आ गई। फ्लैट खाली था, 2 कमरे सामने, छोटा सा लाउंज और लाउंज के सामने ओपन किचन। अमरहा की आँखें अजाज़िया खुल गई। ऐसा साफ सुथरा फ्लैट मेरे लिए, वाओ। हाना उसे 1 कमरे में ले आई जहाँ 2 सिंगल बेड रखे थे और न जाने कैसे जगह निकालकर फर्श पर एक फोल्डिंग मैट्रेस बिछाया गया था। जहाँ मैट्रेस बिछा था यकीनन इनके चलने फिरने की चंद कदमी जगह थी। ये आपका बिस्तर है, उसने फर्शी बिस्तर की तरफ इशारा किया और अमरहा का मुंह बन गया। वो क्यों सोए नीचे? बराए मेहरबानी इसके अलावा किसी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा, ये फिक्रा उसने जबरन मुस्कुराकर लेकिन दरख्वास्त अंदाज में कहा और क्योंकि हाफ चाइनीज़ थी तो ज़रा झुक कर कहा। जब तक वो ताज़ा दम हुई हाना ने उसे कॉफ़ी और सैंडविचेस बना दिए।
ये मेरी तरफ से। छोटी सी ट्रे को आगे करते हुए उसने ऐसी खुशी से कहा जैसे अपने कीमती खजाने में से उसे कुछ अनायत कर रही हो। अमरहा देख कर रह गई। इतनी लंबी फ्लाइट के बाद उसे यह छोटा सा खान पेश किया जा रहा था। शायद ये इब्तदाइया हो और असली सुपर खाना रात में हो, अमरहा सोचने लगी। और साथ उसने ये भी सोचा कि अगर कोई गैर मुल्की उनके घर आया होता तो फिर बड़ी मेज़ के साथ एक और मेज़ लगाई जाती लवाजमात को रखने के लिए, और ये इब्तदाइया होता। तफसीली खाने की तो बात ही तफसीली होती। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। और जाते जाते भी वो फिर कह गई, बराए मेहरबानी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। लेकिन वो एक एक चीज़ को हाथ लगाती रही। स्टडी टेबल पर रखे नई नई इश्काल के परफ्यूम्स को स्प्रे करने से उसने इब्तदा की। दरअसल वो सिर्फ ये देख रही थी कि वो किस कदर असली है, यानी कि ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में कितना भी महंगा और हाई ब्रांड का परफ्यूम ले लिया जाए वो असल की कॉपी ही होता है, असल नहीं तो ये कितना सच है। सबके परफ्यूम्स बेदरीक स्प्रे करते उसे कुछ कुछ हकीकी सच का अंदाज़ा हो रहा था कि पाकिस्तान में वो असल की कॉपी ही खरीदती रही है। पूरा फ्लैट मुअत्तर हो गया और वो थक गई तो उसने परफ्यूम्स की जान छोड़ी और फिर वहीं करीबी कुछ मेकअप का सामान रखा था वो उसे देखने लगी। अलबत्ता किताबों पर उसने सिर्फ एक नज़र डाली क्योंकि उनके टाइटल ही ऐसे ऐसे थे जैसे सारी मुसव्वरी तारीख ही वहाँ नित नए रंगों से सजा कर रख दी गई हो, और अहद फिरौन से उसे कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। फिर वो वॉशरूम गई, एक एक आइटम को चेक किया, फेस वॉश, बॉडी वॉश, लोशंस को देखा, हत्ता के बाद टब के किनारे रखी छोटी छोटी बत्तखों को भी। फिर वो किचन में आई, एक एक कैबिनेट को खोलकर देखा, फूड आइटम्स को सूंघा भी। दूसरा कमरा लॉक था। लाउंज में रखा टीवी उसने ऑन किया और पहले चैनल चेक करती रही। फिर एक म्यूज़िक चैनल लगाकर किचन में आकर नूडल्स बनाने लगी। दो अदद नूडल्स के पैकेट बनाए, बड़े प्याले नुमा बाउल में डाले और एडवर्ड माया को सुनते सुनते खा गई। बाउल को मेज़ पर ही रहने दिया और टीवी बंद करके सिंगल बेड पर आकर सो गई। 30% अदा किया था इन्हें, लोहे मजाक था। रात को 12 के बाद का वक्त था जब उसे उठाया जा रहा था। मिस पाकिस्तान प्लीज़ उठिए, एक अनजानी आवाज़ से उसकी समाते रोशनास हुई। पहले तो वो समझी कि ख्वाब है सो वो बदस्तूर सोती रही। जब दोबारा मिस पाकिस्तान की आवाज़ आई तो उसे हैरत हुई कि दादा लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं और सीधे सीधे अमरहा क्यों नहीं कह रहे। लेडी अमरहा प्लीज़, वरना मैं आपकी नाक पास पे स्प्रे कर दूंगा, एंड ट्रस्ट मी इसकी बहुत दुनिया की गंदी तरीन बू है, कई हफ्तों तक नाक में घुसी रहती है और कई हफ्तों तक कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। अमरहा तो ख्वाब में दादा के पास बैठी निहारी खा रही थी, स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तरीन बदबू उसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों खाने वाली नहीं थी। अभी मैंने स्प्रे नहीं किया, उसने कंधे झुकाकर स्प्रे की बोतल पर ढक्कन रखा। वो अपनी सुर्ख बोझल आंखों से गहरी सब्ज आंखों वाली को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसकी नज़र धुंधला रही थी और उसकी आंखें नींद के बोझ से बंद हो रही थी और उसे गहरा सब्ज रंग हर तरफ तैरता हुआ नज़र आ रहा था। अपने हाथ भी सब्ज दिख रहे थे। स्प्रे की बोतल का ढक्कन फिर से खुला और उसकी नाक के करीब आया। उसने खफा सा होकर हाथ से परे किया। इस बार उसकी आंखें पूरी खुल गई। उफ, क्या बला थी ये स्प्रे, क्या ज़रूरत थी इसे ईजाद करने की, क्या इसके बिना तरक्की ना हो सकती महजब दुनिया में, कितना गैर महजब अंदाज़ है। अमरा की आवाज़ इंतहा की गैर दोस्ताना हो गई, गहरी सब्ज आंखें फैल गई। गैर महजब, शायद उसने हंसना चाहा लेकिन फिर इरादा मुलतवी कर दिया। तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लो, बुनियादी अखलाकी असूल कभी नहीं सीखोगे। अमरहा ने अपनी पहली तकरीर का आगाज़ मैनचेस्टर में आम के 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया था। देर कतई नहीं था, क्यों करती देर। इस बार सब्ज आंखें तन से उसे देखने लगी। बाहर आ जाइए मिस अमरहा, कहकर वो खुद बाहर चली गई। अमरही कर लेडी अमरहा नाम अच्छा लगा, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा उसे तंजन लेडी कहा गया। ज़्यादा सोचने की मैनचेस्टर में ज़रूरत नहीं थी। वो मुंह धो के बाहर आ गई। उसने जानबूझ के देर लगाई कि करती रहें खाने पे उसका इंतज़ार, लेकिन बाहर लाउंज में खाने की मेज़ सजी थी, ना ही खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएं आ रही थी। अलबत्ता एक कोने पर पूरे 5 का मजमा बाहर बैठा था और मेज़ पर बाउल रखा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे। ये इत्तफाक था या उनका अंदाज था, वो मजमा उसे घूर रहा था। बैठ जाइए, एक लड़की ने कहा जिसकी एशियाई तर्ज की बालों की गुंदी चोटी दाएं बाएं ऐसे लटक रही थी जैसे कुंडली मारे भूरा सांप खिड़की से बाहर झूल रहा है। अमरहा बैठ गए। शायद खाने से पहले मुतारफ होना होगा,
ये मिस पाकिस्तान है अमरहा, हाना ने कहा। हाना का दोस्ताना जोश कहाँ गया? अमरहा ने ऐसे ही सोचा। हे मैं लिली हूँ स्कॉटलैंड से, मैं शर्ली मार्गोट, भूरे बालों वाली ने कहा, पर वो मुस्कुरा ना सकी। आम बेटी लवव, मैं जर्मनी से हूँ, बहुत लंबी और बहुत पतली, बेटी लवव ने बेतरह मुस्कुरा कर कहा। अमरहा देख रही थी कि उसकी हंसी की आम से ही काबू से बाहर है। मैं अजरा हूँ शिकागो से, लड़खड़ाती उर्दू में आवाज़ आई। मर्दाना हेयर स्टाइल लिए हुए, जिसको वो सूफिया क्रिस्टाइना टाइप समझ रही थी, वो अजरा निकली। यानी अगर शर्ली की लंबी चोटी अजरा की लगा दी जाए, तब कहीं जाके वो थोड़ी सी अजरा अजरा टाइप लगे। पर खैर वो जान जाएगी, अब जो यहाँ होगा वो कम होगा, जो नहीं होगा वो हैरान कन होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शर्ली, शर्ली ने आंख से इशारा किया हाना को, और हाना खामोश हो गई। ये शर्ली ने मेज़ पर रखे बाउल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से ही यहाँ रखा था। शर्ली के सिर्फ ये ही कहने पर वो डर सी गई, और उसे अफसोस हुआ कि सारे नूडल्स खा कर बाउल धो के क्यों नहीं रखा। अभी अमरहा को नहीं मालूम था कि वो बाउल धो के रख भी देती तो भी इन्हें पता चल जाता कि हाना के नूडल्स किसने खाए हैं। ठीक है अमरहा, आप जाकर सो जाइए, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, शर्ली ने कहा। और खाना, वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले उसे और फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बेटी लव ने गो के अपने मुँह पर हाथ रख लिया था, पर अमरहा देख रही थी कि वो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी आपको और भूख लगी है, अजरा ने पूछा। नहीं भूख तो नहीं लगी, मगर फिर भी खाना तो खाते हैं ना, इससे यही बात बन सकी। लेकिन सच में उसे भूख लगी थी, और भूख से ज़्यादा इस बात का इंतज़ार था कि उसके लिए खाने में क्या बनाए, क्या सब इंग्लिश खाने हैं कि कुछ देसी भी। हम बिना भूख के खाना नहीं खाते लेडी, शर्ली ने किस कदर मतानत से कहा। खिलाते भी नहीं, उसने उर्दू में कहा। किसी की समझ में नहीं आया, बस अजरा ने उसे घूर कर देखा। वो कमरे में आई और फर्शी बिस्तर पर सो गई। बाहर भुनभुनाहट होती रही, होती रहे, 30% अदा किया है, वो इत्मीनान से सो गई। अगले दिन वो सोकर उठी तो रूम की खिड़की से बाहर का मंजर देख के उसकी चीख निकल गई। इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। बिल्डिंग के जिस रास्ते वो इस फ्लैट में आई थी, ये उसके पीछे का मंजर था, जहाँ सरसब्ज घास का खुला कतार था और क्यारियों में जगह जगह फूल लगे थे। कितने के पार सड़क थी, जिस पर दूर दूर तक घर के निशान ना था, और ऐसा लगता था धूल मट्टी उड़कर इस कितने तक कभी आई ही नहीं, और इतनी खामोशी जैसे कोई बनी नू इंसान ज़मीन पर उतरा ही नहीं, और अगर उतरा भी है तो वो खामोशी को खराज तहसीन पेश करने में मशगूल है। कमरा खाली था, सारा फ्लैट ही खाली था। बेड को ज़रा बेशिकन थी, स्टडी टेबल पर एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं था। वॉशरूम में कल रात तक नज़र आने वाले सभी शैम्पूस फेस वॉश गायब थे। वो किचन में आई तो काउंटर पर एक चिट रखी थी, तुम्हारा नाश्ता, अंडा, जाम, 4 डबल रोटी के पीस, दूध और शुगर एक प्लेट में, कॉफ़ी के मग में एक मग जितनी कॉफ़ी, और साइड पर रखा एक अदर टी बैग। बाकी चारों कैबिन को एक जंजीर से परो कर दरमियान में एक छोटा सा ताला लगा दिया गया था। अमरहा को एक मामूली सा झटका लगा ये सब देखकर। बस यही मामूली सा, उसके पास फ़ोन तो था लेकिन अभी इस फ़ोन से बात नहीं हो सकती थी। रात हाना ने उसकी बात पाकिस्तान करवा दी थी, अब जाहिर है उसे खुद ही फ़ोन करना होगा। अगर वो इस मामूली से झटके के बारे में दादा से लंबी बात करना चाह रही थी तो लंबी बात पर लंबा बिल भी अदा करना पड़ता था। दूसरी चिट फ्रिज पर लगी थी, 9 बजे आकर डर्बी तुम्हें ले जाएगी, यूनिवर्सिटी तैयार रहना। नाश्ता करके वो तैयार हो गई। ठीक 9 बजे डर्बी नामी छोटी सी लड़की के गुड़िया है कि लड़की ही आई। मैं डर्बी हूँ, मुझे शर्ली ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाऊँ। मैं अमरहा हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, यह तुम्हें देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो मुस्कुराई। और अमरहा को उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अमरहा को उसकी घिसी हुई जीन्स और घिसे हुए शूज़ भी बहुत अच्छे लगे, और उसके ब्रेसिस वाले दांत भी, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदम रखने जा रही थी, उसे हर चीज़ अच्छी लगनी थी ना। आ जाओ जल्दी से। फिर डर्बी तेज़ी से बाहर निकली, फ्लैट को लॉक करके वो उसके पीछे आई। डर्बी एक मुन्नी सी साइकिल को लिए तैयार खड़ी थी। आ जाओ बैठ जाओ, उसने मुन्नी सी साइकिल की पिछली नशिस्त की तरफ इशारा किया, तो उस पर ड्रॉप करना था उसे, इसलिए ख़ास डर्बी को भेजा गया था। क्या हुआ अमरहा, आ जाओ ना, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं,
लेकिन शायद मैं तुम्हें गिरा दूँ। अमरहा उर्दू में बुड़बुड़ा कर रह गई और इस मुन्नी सी लड़की की मुन्नी सी साइकिल पर बैठ गई। पहले अपनी शर्मिंदगी छुपाती रही, फिर अपनी हंसी दबाती रही। सड़कों पर से गुजरते उसने किसी तरफ भी ना देखा और डर्बी के पीछे मुंह छुपाए वो अपनी हंसी के फुहारों को बरसने से रोकती रही और सफ़ेद बादबान को दरिया मैनचेस्टर पर हवा के संग करती रही। दादा, उसने ख्यालों में दादा को मुखातिब किया, मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा जी चाहता है इस सड़क पर कूद जाऊँ और पेट पर हाथ रखकर इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूँ कि सारा मैनचेस्टर इकट्ठा हो जाए। दादा, ज़िंदगी कैसे हमें छोटे मामूली बेकर किस्म के बहाने पर हंसाती है। दादा, मुझे वक्त के ये बहाने अच्छे लगे जो उसने मेरी ज़िंदगी में परो दिए। इस दौरान बार बार उसकी नज़र डर्बी के इन चंद बालों की तरफ उठ जाती थी जिन्हें डर्बी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुन्नी मुन्नी सी पोनी में बांध रखा था और खुदा माफ़ करे पोनी टेल के नाम पर खासा गहरा कलंक का टेका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम जैसी लग रहे थे जो एक ही जगह पर फुदकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। डर्बी संजीदगी और मतानत से ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाह उर्दन की सोने की बग्घी दौड़ा रही हो। सारा रास्ता वो अमरहा की हंसी के आबशारों की बौछार सहती रही थी। उसे उतारने के बाद वो बोली भी तो सिर्फ इतना, कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। डर्बी कैसे उसे अपनी साइकिल पर घसीट कर वहाँ तक लाई थी उसकी पेशानी का पसीना बता सकता था। अब वो ऑक्सफोर्ड रोड पर बरतानवी तर्ज तमीर की तारीख साज इमारत के ऐन सामने खड़ी है, यूनिवर्सिटी में कैंपस की आर्क के नीचे जिसके ऊपर बड़े सुनहरी हरूफ में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जुड़ा था जिसकी बुनियाद 1824 में रखी गई थी। इल्म, हिकमत, इंसानियत जिस दरसगाह का मोटिव है जो तकरीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट्स को फैजयाब कर रही है, दुनिया की 10 बेहतरीन दरसगाहों में से एक दी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, वो मेन कैंपस को और आर्क को मगन अंदाज में देखने लगी। इस तर्ज तामीर की इमारतें उसने लाहौर में भी देखी थी, उसे कुछ कुछ लाहौर अजायब घर जैसी भी लगी। उसे ये नहीं मालूम था कि अंदर कैसा जहान आबाद है, दुनिया के कैसे लाइक फाइक काबिल असातिज़ा यहाँ इकट्ठे किए गए हैं, वो कैसे कैसे शागिर्दों के उस्ताद बना दिए गए। हाँ, अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं जानती थी और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत कुछ। स्टूडेंट्स का जमे गफीर ऐसे अंदर जा रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुफ्त तकसीम की जा रही हो, जैसे कि बिरयानी, इटली का वो मशहूर पिज़्ज़ा जो इटली में भी नहीं मिलता। आ जाओ अमरहा, डर्बी काफ़ी आगे जा चुकी थी। अमरहा उसके साथ चलने लगी। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया, उसकी आंखें तेज़ी से अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखें और किस तरफ को छोड़ दें। दिल भी यहीं जा रहा था कि सब एक ही बार जल्दी से देख ले, यानी सबको। स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त में तेज़ी भी थी और फुर्ती भी, और वो ऐसे थी जैसे कि फुर्ती और तेज़ी से हम कभी मिले नहीं और सुस्त रवि से हमारी बहुत दोस्ती चल रही है। अमरहा, तेज़ चलो ना, डर्बी ने 20 कदम आगे जाकर गर्दन मोड़कर आवाज़ दी। इस आवाज़ पर उसने ज़रा सी तेज़ी दिखाई और उससे 15 कदम करीब हो गई। डर्बी सरसब्ज ग्राउंड में एक ग्रुप के पास जाकर खड़ी हो गई और इसकी तरफ इशारा किया। अमरहा का इतनी दूर से ही ज़रा दम सा निकल गया। वो 10-12 लड़के लड़कियों का ग्रुप था और उनमें शर्ली को उसने फौरन पहचान लिया था। बाकी अज़रा को पहचानने में उसे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि उसने सर पर स्याह नेट बांध रखी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने उनके करीब जाकर ज़रा घबराई आवाज़ में कहा। अगर डर्बी के साथ उसकी साइकिल पर बैठे वो हंसने से ज़रा जल्दी फारिग हो जाती तो उससे कुछ मालूमात ही ले लेती इन सब के बारे में, खासकर दाइम के बारे में जो उससे रबते में रहा था और जिसकी मदद से वो यहाँ आई थी। सब ने अपना अपना नाम लेकर तारुफ करवाया। इस दौरान वो जिस खलूस से मुस्कुराते रहे, अमरहा हल्की फुल्की होती गई। वो बिला वजह है इनके दबाव में आ गई थी। ये सब तो बहुत अच्छे हैं। दाइम और दो लड़कियाँ उसे साथ लेकर यूनिवर्सिटी कैंटीन में आ गई और उसे कॉफ़ी पिलाई। जब वो कॉफ़ी की आखिरी चुस्की ले चुकी और ग्रुप के लीडर दाइम और ग्रुप की लड़कियों नवाल और बरीना की खूबसूरती को दिल ही दिल में दाद दे चुकी तो दाइम ने कुछ यूं बात शुरू की। मिस अमरहा, आप मेरी बात में अब कुछ नहीं कहेंगे, मैं वादा करती हूँ, उसने ठीक उसी अंदाज में कही जिसमें बच्चे एक हाथ में चॉकलेट थाम कर दूसरा हाथ आगे करके बोलते हैं। पक्का वादा, मैं रात को चॉकलेट नहीं खाऊँगा। गुड, क्योंकि मुझे शक है इसलिए फिर कह रहा हूँ कि दरमियान में मत बोलिएगा। अमरहा को उसकी बात में शक कुछ बुरा लगा लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया।
वो और कर भी क्या सकती थी। आप मैनचेस्टर आ चुकी हैं, मुझे नज़र आ रहा है। अमरहा को दाइम की बेवकूफ़ी पर हंसी आई। दाइम ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि देखा, मैं जानता था कि तुम ज़रूर दरमियान में बोलोगी। अमरहा ने उसके तासुरात जान लिए। ओह मुझ बेचारी पर रहम करो, मैं तो बस भूल गई थी का तासुर दे दिया उसकी तरफ देखते हुए। हम तीन लोग जो आपके सामने बैठे हैं, हमने और कुछ इन दोस्तों ने जिन्होंने तालीम मुकम्मल कर लिए, एक मंसूबा बनाना है कि हम अपनी ज़ाती कोशिशों से पाकिस्तान के लाइक फाइक स्टूडेंट्स को जमा करके यहाँ अपने फंड्स के ज़रिए बुलवाएं, जो गुर्बत की वजह से आगे पढ़ नहीं सकते और आगे पढ़ने का और गैर मुल्की सतह पर कुछ खुद को मनवाने का मौका नहीं मिल रहा, वो आके खुद को साबित करें। हम 30 लोगों ने मिलकर मुख्तलिफ तरीक़ों से फंड्स इकट्ठे किए, इवेंट्स किए, इंस्टॉल्स लगाए, कुछ म्यूज़िक को थिएटर किया, कुछ थोड़ी बहुत हमारी अपनी सेविंग्स थी, हमने मतलूबा हदफ निबट लिया। हम सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इस सूरत में कि आते साथ जितना जल्द हो सकता वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लें। बस सूरतें देखकर सिर्फ 3 लोगों को बुलवाया जा सकता था। हमें 1000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, हमने उनमें से 5 का इंतखाब किया। वो गाँव और छोटे कस्बों से थे और मैनचेस्टर आना उनके लिए ख्वाब ही था। वो सब 1 हफ्ता पहले ही आ गए थे और आते साथ ही इन सभी ने अपने लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि वो इल्म के साथ साथ हुनर के भी आलिम थे, इसलिए इन सभी को आते साथ ही जॉब मिल गई। उनमें से एक को गाड़ियों के लॉक ठीक करना आता है। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम यहाँ ऐसे तालिब इल्म लाने में कामयाब हुए जो अपने प्राइवेट तलीमी काबिलियत साथ पंजाब बोर्ड टॉप किया, बल्कि साथ साथ गाड़ियों के लॉक भी ठीक करता रहा और एक दिन का भी नागा नहीं किया अपने कामों तलीमी सरगर्मी से। हमें जितनी भी दरख्वास्तें मौसूल हुई थी वो सब कमोबेश ऐसी ही थी। आपकी तालीमी इसनाद में कुछ काबिले ज़िक्र नहीं था, आप इन 1000 में से 0 थी। आप लाहौर में रहती थी जहाँ अच्छे तालीमी इदारों की भरमार है, आप पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे कॉलेज जाती। आपके वालिद का पाकिस्तान में एक नाम है, उनका अपना ज़ाती कलीनों का स्टोर है पाकिस्तान में, आपका तो अपना ज़ाती मकान भी है। आप तो कोई काम भी नहीं करती थी, फिर भी आपकी तलीमी काबिलियत में कुछ काबिले ज़िक्र नहीं। आप किसी भी तरह स्कॉलरशिप की मुस्तैक नहीं थी, आपकी दरख्वास्त पर जवाब भी नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमने जवाब दिया। आपकी तलीमी काबिलियत देखकर नहीं, आपकी ज़हनी हालत देखकर। अपनी आखिरी मेल में आपने लिखा था, मैं हूँ ही मनूस मारी, मैं जलकर मर जाऊँ तो ही अच्छा है। इस सतर पर हमने ज़रा तवज्जो दी। हमारी एक ग्रुप मेंबर ने जो नफ्सियात की तालबा थी, आपकी भेजी गई दूसरी मेल्स भी पढ़ी और उसने अपनी राय दी कि आपकी ज़हनी हालत बहुत तबाहकुन है, किसी भी तरह की नाकामी उठाने के बाद मज़ीद नाकामी आपको बिल्कुल तोड़ देगी और मायूस होकर आप कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए हमने 1 महीने का वक्त लिया आपसे। हम इस सूरत हाल पर काफ़ी परेशान थे, हम अपने स्कॉलरशिप दे चुके थे, आपको क्या देते, लेकिन आपको इस कैफियत में भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए इस बार हमने अपनी पॉकेट मनी निकाली, कुछ दूसरे स्टूडेंट से रबते किए और फिर से 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए, और बहुत मुश्किल से, इतनी मुश्किल से कि आप सोच भी नहीं सकती, हमने मतलूबा हदफ पूरा करने की कोशिश की। इन 40 स्टूडेंट्स में ईसाई, मुस्लिम, इंडियन, जापानी, बंगाली, अमेरिकन, फ्रेंच सब शामिल हैं। इसलिए ख़ास तौर मैं आपको ये जहन नशीन करवा दूँ कि इन अफराद का और इनकी कौम का एहतराम आप पर लाजिम है। हमने आपसे पूछा कि आप 50% अफोर्ड कर सकती हैं, आपने कहा नहीं, मुझे यकीन है इस 50% के लिए आपने इतनी कोशिश नहीं की होगी जितनी हम आपके लिए कर रहे थे, लेकिन आप 30% अदायगी पर मान गई। अगर आप 30% पर भी ना मानती तो आपके लिए मुझे वो कार बेचनी पड़ती जो मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में अपनी पार्ट टाइम जॉब की सेविंग से ख़रीदी थी। ये बात याद रखने लायक है कि जिन 40 स्टूडेंट्स ने आपके लिए फ़ंड्स दिए हैं वो बहुत अमीर कहीं नहीं हैं, सब पढ़ने के साथ जॉब करते हैं और एक एक पिन्नी बचाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप हवा में उड़कर या जादू के ज़ोर से यहाँ नहीं आ गई। हर रोज़ हमने आपके लिए मीटिंग की है, सूरत हाल पर गौर किया, कोई एक भी हाँ करके पीछे नहीं हुआ। कमाए गए और बचाए गए एक एक पाउंड को उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करना समझती हैं आप? इन्वेस्ट इसलिए की जाती है कि पैसे लगाने वाले को नफ़ा हो, और ये फ़ायदा वो इस तरह से ले रहे हैं कि तीसरी दुनिया का एक बशिंदा तलीम याफ्ता हो जाए, वो अपने मुल्क व कौम का सहारा बने। इन्हीं आप इनके दिए गए
पूरे पूरे पैसे वापस करेंगी, एक पौंड कम ना एक पौंड ज़्यादा, और सारा मुनाफा आप ले जाएंगी। इस सारा मुनाफा या फ़ायदा के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। मेरी बात को बराए मेहरबानी समझिए और याद तो ज़रूर रखिए, जिन्होंने फंड्स दिए हैं वो आपको नहीं जानते, कोई एक भी आपको नहीं जानता, शक्ल से तो कोई भी नहीं, ताकि आपकी इज्जत नफ्स मजरून हो। हम तीन को सिवाय कोई नहीं जानता कि वो फंड्स आपके लिए इकट्ठे किए गए हैं। हमने आपकी इज्जत नफ्स का पूरा ख्याल रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपके पास आकर आपको कुछ भी जताए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपसे कहा गया कि अपनी रिहाइश और खाने का ज़िम्मा आपको लेना होगा। आपने कहा आप यहाँ आकर देख लेंगी। बहुत अच्छा, सिर्फ यही एक अच्छी और मुस्बत बात थी जो आपने की थी। जिन पांच लड़कियों के साथ आप रही, इनसे हमने ख़ास दरख्वास्त की थी कि आपको आर्जी तौर पर चंद दिन अपने पास रख लें। आपको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाने वाले जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ वो हमारे लिए रज़ाकार बना था। जो आपको एयरपोर्ट से लेकर गई वो अपने इस दोस्त के लिए आपकी मदद कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस बिस्तर पर आप कल सोई वो मैट्रिस इन दोनों ने, उसने नवाल और बरीरा की तरफ इशारा किया, अपनी बाकी बची हुई मानदा सेविंग से खरीद कर वहाँ रखा। आपको हाना ने मना किया था कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने लगाया परफ्यूम्स को और ऐसी ही दूसरी चीज़ों को, बल्कि मुझे कहना चाहिए किताबों के सिवा हर चीज़ को। आपने दो नूडल्स के पैकेट निकाल कर खाए। मिस अमरहा वो सब बहुत अच्छी मेज़बान है, इनफैक्ट हम सब जानते हैं मेज़बानी किसे कहते हैं, लेकिन हम सब और वो सब अपने घरों में नहीं हैं। हम अपने घरों, मुल्कों, शहरों से दूर अकेले यहाँ रह रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। काश रात ही हाना थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बता देती। वो सिर्फ दो वक्त खाती है, सुबह वो नूडल्स का पैकेट खाती है और रात को जहाँ वो जॉब करती है वहाँ उसे एक बर्गर मिलता है और एक कप कॉफ़ी। वो एक एक पौंड बचाती है क्योंकि अपने तलीमी अखराजात वो खुद ही उठा रही है। कोरिया में रहने वाले उसके घर वाले अखराजात के नाम पर उसे पाकिस्तानी एक रुपया भी नहीं भेज सकते। उसने तन तनहा मैनचेस्टर में अपने पढ़ने का ख्वाब पूरा किया है। शायद ये बातें आपको मामूली लगे, आप जो लाहौर के तलीमी इदारों में पढ़ती हैं और जिनकी फ़ीस वालदैन अदा करते हैं, आप जिन्होंने कभी जॉब नहीं की, ना आपको जॉब की ज़रूरत पेश आई, आपको ये सब मामूली लगेगा क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में सख्त जदोजहद नहीं की। वो भी मुस्कुराकर हौसले से, यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें ज़्यादा किताबें खरीदनी होती हैं। वो एक जीन्स दो टी शर्ट्स में यहाँ से अपनी डिग्री ले जाते हैं और मुस्कुराते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए ही जाते हैं। शर्ली जिनके फ्लैट्स में आप रह रही हैं उनके पास रहने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आज की रात है। फाइनल डेडलाइन ठीक एक महीने की है। आपके एक महीने का खाने का सामान वहाँ मौजूद है। आप आज ही अपनी रिहाइश और जॉब का इंतज़ाम कर लें। वो रुका, वेलकम टू मैनचेस्टर मिस अमरहा। उसने सांस भी ना लिया और फिर से शुरू हो गया, ये तो हो गई आपके यहाँ रहने के बारे में कुछ तफसीलात, अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी अच्छी बातें। वो मुस्कुराया, बुरा ना मानिएगा लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और ऐसे ही दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले बहुत शिकायती होते हैं, सुस्त, काहिल, बहानेबाज। इन्हें लगता है, बल्कि इन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख इन्हीं को मिल गए हैं, रोने के बहाने ढूंढते हैं। आपकी शक्ल भी कुछ ऐसी ही लगती है, बल्कि इस वक्त लग भी रही है। रोए लेकिन दुख पर, तकलीफ़ पर, लेकिन मुश्किलात पर नहीं। यहाँ आपको कोई चुप नहीं करवाएगा, इसलिए नहीं कि यहाँ सब खुदगर्ज हैं जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा और कहा जाता है, बल्कि वो समझते हैं कि रोना बेवकूफ़ी है। मैं भी यही समझता हूँ, नवाल और बरीरा भी यही समझती हैं। अगर छोटी बड़ी मुश्किलात पर रोने वाले को बार बार चुप करवाया जाएगा वो बुजदिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। मिस अमरहा, अपनी सुस्ती, काहली और बहानाबाजी को यहाँ वहाँ कोई कूड़ेदान देखकर उसमें डाल दें या आग लगा दें, असल जल मरना तो इन्हें चाहिए। आप लड़की हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हमारे मज़हब ने कहाँ लड़की को कमज़ोर कहा है। कुरान पाक में जितनी बार मर्द का जिक्र आया उतनी बार औरत का भी जिक्र आया, यानी आप मर्द के बराबर हैं। लेकिन बराबर होने और बराबर का साबित करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि खुद को कमज़ोर मत समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। मिस अमरहा, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं, आप दौड़ में शामिल हो चुकी हैं, या गोल्ड मेडल लें या दौड़ से अलग हो जाएं,
और जाकर तमाशाइयों में बैठ जाइए। और याद रखिए, तमाशाइयों की भीड़ में आपको फौरन जगह मिल जाएगी, लेकिन दौड़ में अगर आप सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आई हैं तो आखिरी नंबरों पर आने से बेहतर है कि आप दौड़ से निकलकर किसी और को आगे आने दें। मेरा यकीन करिए, दुनिया में जोहरियों की कमी तो यकीनन होगी, लेकिन हीरों की बहरहाल नहीं। इस बार रुका और काफ़ी देर रुका ही रहा। यूनिवर्सिटी में वेलकम वीक चल रहा है, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस एक हफ्ते के दरमियान आप ज़मीन खोदें या गोल गोल घूमें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाना चाहिए, आपकी जॉब का, आपके फूड का। अगर आप भूखी नहीं रह सकती तो ये सब आपके मसले हैं और ये सब आप हल भी कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? उसकी गर्दन फौरन नफी में फिर हाँ में हिली। आप सब समझ गई ना? जी, उसने फिर से ऊपर सर हिलाया, अंदर से आंसुओं का रेला दबाया। गुड, अब आप जाइए और ज़मीन खोदें। ओह, मेरा मतलब है जॉब ढूंढिए। अपनी डिग्री के दौरान आपको हर सूरत 30% वापस करना होगा। अपने खराजात को आपको ऐसे संभालना होगा कि आप ये 30% जल्द से जल्द वापस कर सके। समझ गई आप? जी, उसने सर हिलाकर बामुश्किल कहा। नवाल और बरीरा उर्दू समझ लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं सकती। आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपसे खिताब किया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा। वेल, आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मेरी शक्ल ऐसी ही है। ऐसी कैसी? झूठ बोलने वाली। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? मुझे जॉब ढूंढनी है जल्द से जल्द। उसकी आवाज़ रंग गई। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आपकी शक्ल बहुत तेज़ी से और बहुत सख्त किस्म का झूठ बोल रही है मिस अमरहा। अगर आपको रोना आए तो किसी ऐसी जगह चले जाइएगा जहाँ आपको कोई देखे ना सके, ठीक है? जी ठीक है। पहले जाकर अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाइए, अपनी क्लासेस का मालूम करिए। वो सहम सी गई कि अभी ये सब भी करना है। कार्ड ये कहाँ से बनेगा? आप यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं और सब कुछ यहीं होता है। ये जो आप इतने सारे स्टूडेंट्स देख रही हैं ना, ये बिना डरे अपने सभी काम कर रहे हैं। आप भी यूनिवर्सिटी में घूमें फिरें कि आपके काम कैसे हो सकते हैं या आपको कैसे करने हैं। वो उठ खड़ी हुई। प्लीज़ दिली दिल में मुझे बुरा भला मत कहिए। अमरहा का रंग फक हो गया, वो यही कह रही थी, लेकिन उसे कैसे पता चला? और प्लीज़, जब आपकी जॉब का इंतज़ाम हो जाए तो हाना के नूडल्स वापस कर दीजिएगा। कर दूंगी। और एक और बात, दोबारा अपनी डिग्री के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, खासकर प्लस ऐड करने की गलती। ये आखिरी लेकिन सबसे ख़तरनाक बम था जो कैंटीन के शोरगुल में बहुत एहतमाम से फटा। वो उनकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अभी अभी अफ्रीका के किसी कदीम कबीले से यही लोग उठा कर लाए हैं और बता रहे हैं कि देखो डरो नहीं, वो कोई जंगली दरिंदा नहीं, पेट्रोल से चलने वाली बड़ी बस है जिस पर सफ़र किया जाता है और जिसे एक ड्राइवर चलाता है। वो कतई कोई दरिंदा या बिल्ला नहीं। इन तीनों की शक्लें जैसे कैको की फुलझड़ियों को अंदर ही अंदर बुझा रहे हो। हाँ, वो तीनों इस आखिरी बात पर हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे और कामयाब भी थे। और वो धाड़े मार कर ना रोने की कोशिश कर रही थी और नाकाम हो रही थी। उसकी शक्ल सब बता रही थी। उसे ख्याल आया कि इस नहुसत को लेकर उस पर जो हमले किए गए थे वो कितने मामूली थे इन जुमलों के मुकाबले में जो मैनचेस्टर वालों ने किए थे। वो तो नन्ही सी छोटी सी बच्ची थी। उसे खुश भी ना होने दिया गया और रुला दिया। आंसुओं का समंदर उसकी आंखों में तैरता नज़र आने लगा। इन तीनों ने उसकी शक्ल की तरफ देखा और बिल्कुल खामोश हो गए, फिर बाय कहकर उठ गए। अगर वो उसके अव्वलीन उस्ताद थे तो कमाल के थे। उन्होंने उसे समंदर में धक्का दे दिया था, या डूब कर मर जाओ, या तैर कर उभर आओ, या डर कर दबक जाओ, या कूद कर उड़ जाओ। मैनचेस्टर में मिलने वाला पहला सबक, मैनचेस्टर में सुना जाने वाला पहला लेक्चर, और मैनचेस्टर में गिराए जाने वाले अव्वलीन आंसू, मैनचेस्टर में खुश आमदीद। वो कैंटीन से निकली और एक ऐसा गोशा ढूंढने लगी जहाँ कोई ना हो, लेकिन वेलकम वीक चल रहा था। यूनिवर्सिटी में ऐसा रश था जैसे 14 अगस्त को लाहौर माल पर होता है, खासकर चमन और रीगल चौक के पास। खैर, वो सब्ज़े पर बैठ गई और मुंह नीचे करके रोने लगी। आज उसका पहला दिन था तो वो बहुत एहतमाम से तैयार होकर आई थी।
उसने मस्कारा भी लगाया था और आईलाइनर भी। मेकअप के नाम पर वो ये दो चीज़ें ही इस्तेमाल करती थी। काफ़ी देर तक वो सूँ सूँ करती रही। उसका मस्कारा फैल गया और आंखें रगड़ने से आसपास ऊपर नीचे स्याही फैल गई थी। उसके पास टिश्यू नहीं था। अपने सफ़ेद दुपट्टे से वो साफ़ नहीं करना चाहती थी। उंगलियों से जितनी आंखें साफ कर सकती थी उसने कर ली, लेकिन चेहरे पर काफ़ी स्याही फैल चुकी थी और वो अजीब मजहका खेज लग रही थी। पर अब उसे परवाह भी नहीं थी कि वो अच्छी लग भी रही थी या नहीं। जी भर कर रोने के बाद वो उठी। एक स्टूडेंट उसके पास से गुजर रहा था, जिसे उसने हाथ के इशारे से रोका। मुझे जॉब चाहिए, आंखों को रगड़ते उसने कहा। जॉब? मेरे पास जॉब नहीं है। पागल, मुझे जॉब चाहिए, कैसे मिलेगी? उसने अपना गुस्सा उस पर उतारना चाहा। ओह, मुझे तो अभी खुद ढूंढनी है, कहकर वो चला गया। 3-4 ऐसे ही नमूनों से मिलती वो एक जगह जाकर खड़ी हो गई और आसपास मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स को देखने लगी। वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे, जा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कहके लगा रहे थे। वो सब बहुत खुश और पुरजोश थे। इन सब के चेहरे दमक रहे थे। वो 40,000 स्टूडेंट्स में बल्कि यूनिवर्सिटी में पहली लड़की होगी जो एक तरफ खड़ी मजीद रोने की तैयारी कर रही थी। वो अपने सुनहरी वक्त को बर्बाद कर रही थी। वो चुप खड़ी सबको देखती रही। फिर उसे ख्याल आया कि उसे भी चलना चाहिए और एकदम उसे याद आया कि उसे अपना स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। हो सकता है सिर्फ आज के दिन ही बने और आज ही न बनवाने पर उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। वो पुरजोश स्टूडेंट्स के रैले में शामिल हो गई और ओंगो बोंगो की तरह मुंह उठाकर चलती रही, घूमती रही, एक से दूसरे कैंपस, जैसे तारीखी इमारत का जायज़ा लेने आई हो, पढ़ने नहीं। आप कुछ ढूंढ रही हैं यकीनन, गहरी जामनी रंग की शर्ट पहने और आस्क मी मुझसे पूछिए का बोर्ड हाथ में लिए वो खुद ही उसके करीब आया था। वो 2-3 बार उसके पास से गुजर रही थी, बल्कि वो कहीं और आस्क मी के पास से गुजरी थी। मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ओह अच्छा, आस्क मी का बोर्ड वो इसलिए लिए घूम रहा था। उसका ख्याल था कि वो किसी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहा है। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है, ये कहते वो उसकी बेजा लंबी नाक को देखने लगी। वेल, ये तो बहुत आसान है, उसने हाथों के इशारों और ज़बान के कलाम से बताया कि कहाँ जाना है। मुझे समझ नहीं आई, अमरहा ने कंधे उचकाकर ऐसे कहा जैसे उसकी कारकर्दगी को इंतहाई फजूल का खिताब बस देने ही वाली हो। और समझ उसे इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो उसकी लंबी नाक की बनावट को समझने में मसरूफ़ थी। यहाँ चली जाइए, अब उसने उसके हाथ एक नक्शा दिया जिस पर एक जगह सुर्ख दायरा लगाया। आपका दिन अच्छा रहे, वो मुस्कुराने लगा और ऐसा करते उसकी नाक फैल सी गई और वो फिर से उसकी नाक को घूरने लगी। कुछ और पूछना है, बुझ हुआ। वो यकीनन जान चुका था कि वो उसकी नाक को घूर रही है। अब वो हाथ में पकड़े नक्शे को देखने लगी। स्कूल के निसाब की किताब के नक्शे के अलावा ये उसके हाथ में आने वाला पहला नक्शा था जो किसी इमारत का था और वो दावे से कह सकती थी कि वो इस नक्शे को इस्तेमाल करके भटक तो कहीं बार सकती है, लेकिन असल मकाम पर पहुँचना कोशिश पर भी नहीं पहुंच सकती थी। मज़ीद किसी से कोई लेक्चर ना सुनना पड़े वो आराम से नक्शा लेकर भटकती रही। उसे एक डर और भी था कि कहीं दाइम नवाल वगैरह उसके पीछे ना हो कि देखे ये अपने काम कर भी पाती है कि नहीं। इधर उधर घूमते 3-4 बार लंबी नाक वाले ने उसे नोट किया। आप जा क्यों नहीं रही? नक्शा देने वाला उसके पीछे आया। मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा, मैंने निशान लगाया तो है। बोर्ड पढ़ती जाइए और चलती जाइए, आप मुझे छोड़ आइए। हैं? उसकी दोनों कुछ ज़्यादा फैल गई। अमरहा का अंदाज़ ही ऐसा था कि भाई ज़रा मुझे मेरे दोस्त के घर तक तो छोड़ आओ। एक बार फिर उसने हाथ से इशारे करके समझाया, यहाँ से दाएं, फिर सीधा, फिर थोड़ा सा बाएं, इस तरफ। मुझे नहीं समझ आ रही, आप मुझे छोड़ आइए, मुझे डर लग रहा है। डर? इस बार वो बेचारा ऐसे हैरान हुआ जैसे उसका कोई मुर्दा रिश्तेदार उसके सामने आ खड़ा हुआ। कैसा डर? आज हालवीन नहीं है, मुझे इन सब से डर लग रहा है, उसने आसपास चलते फिरते हर कौम नस्ल के लड़का लड़की की तरफ इशारा करके कहा। अमरहा की तरफ अचंभे से देखते रहने के बाद उसने एक कहका लगाना ज़रूरी समझा, फिर वॉकी टॉकी निकालकर बोलने लगा। जॉर्ज सुनो, एक हिंदुस्तानी लड़की, पाकिस्तानी, उसकी बहुएं तन गई। जॉर्ज एक पाकिस्तानी, ब्लू एंड वाइट, डार्क ब्लू शर्ट एंड वाइट दुपट्टा, डार्क ब्लू शर्ट एंड वाइट दोपाटा, दुपट्टा दोपाटा में आएगी, उसे प्लीज़ आगे से आगे रेफ़र करे जाना और उसे स्टूडेंट कार्ड काउंटर तक पहुंचा देना।
रेफर क्यों करना है, इतना वक्त किसके पास है? जॉर्ज की आवाज़ उसने भी सुनी। उसे डर लग रहा है, लंबी नाक वाले ने संजीदगी से कहा। डर, क्या मजाक है ये, वो संजीदा है, मुकम्मल संजीदा। ये यूनिवर्सिटी में ऐलान करवा दूँ कि सब थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी खाली कर दें ताकि वो अपना स्टूडेंट कार्ड बनवा सके। तुम सुन रहे हो जॉर्ज? जॉर्ज यकीनन सुन रहा था क्योंकि उसका बुलंद बांग कहका अमरहा ने भी सुना था। हद है, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है आखिर। इस तरफ चली जाइए, अगले आसमी को अप्रोच करिए, उसने दाएं तरफ इशारा किया। वो दाएं तरफ चली गई और आसमी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो उसकी तरफ देखने लगा कि जो पूछना है पूछो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यानी ये वो जॉर्ज नहीं था जिसे उसने अप्रोच करना था। मुझे स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। ठीक है, ये ले, यहाँ चली जाइए, उसने भी सुर्ख दायरा लगाकर उसे दिया। मुझे नक्शा नहीं चाहिए। तो इंतज़ामिया ने अभी तक एयरबस का इंतज़ाम नहीं किया यहाँ, वो तंजन हंस भी ना सका। उफ़, कितनी तेज़ ज़बानें थी इन सब की। मुझे वहाँ तक छोड़ आइए। छोड़ आऊँ मैं? क्यों, आपको आसानी से रास्ता मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं आस्क मी हूँ, ड्रॉप यू नहीं। क्या इस खूबसूरत इंसान को किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे तंस बातें करते, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं मिल रहा ना रास्ता, उसने इस आस्क मी को दादा ही समझ लिया था। उसके लाड उठाते नहीं थकते थे, सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे थे। आपको भी मिल जाएगा, सब तेज़ हैं, चलाक हैं, मकार हैं। मैं नहीं हूँ, मैं डरपोक हूँ, उसने रवानी से उर्दू में कहा और खामोश हो गई और सिर्फ कंधे झुकाए कि नहीं मिल रहा, सब जहीन हैं, ज़िम्मेदार हैं, पढ़े लिखे हैं और ख़ास तौर पर अपनी मदद के आप कायल हैं। जवाब उर्दू में आया। उसने झटके से सर उठाकर इस अंग्रेज़ को देखा जिसकी आंखें गहरी भूरी थी और सफ़ेद सुर्खी मायल रंगत थी और बड़े बड़े कान थे, कुछ ज़्यादा ही बड़े कान थे। उसका वॉकी टॉकी बोला, ब्लू शर्ट वाइट दोपट्टा, पाकिस्तानी नज़र आए तो प्लीज़ आगे रेफ़र करें। मैं थक गई हूँ चलते चलते और भूख भी लगी है, मुझे कितना और आगे रेफ़र करेंगे? ये आपका पहला दिन है? जी, आप पहले ही दिन थक चुकी हैं। आसमी का बोर्ड पकड़े, यहाँ खड़े ये मेरा तीसरा दिन है, मैं अभी तक नहीं थका। आप लड़के हैं, आप जैसी लड़कियाँ भी नहीं थकती, उसने दूर खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया जो बोर्ड लिए खड़ी थी और फुर्ती से स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रही थी। आप हमसे पूछकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि हम कर रहे हैं, आप नहीं। हम थके हैं, हमें इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे, हम ये बोर्ड लेकर रजा कराना खिदमात पेश कर रहे हैं। आप एक बॉस की तरह हम पर हुक्म नहीं चला सकती। थक गई हैं तो सिनेमा जाकर बैठ कर टॉम एंड जैरी देखिए, आपकी थकन दूर हो जाएगी। अगर ये लेक्चर था तो उसे किसी ऐसे प्रोफेसर का नाक तोड़ देना चाहिए। अमरहा ने अपने हाथ का घुंसा बनाया। आपको बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए, अमरहा चिल्लाना चाहती थी बस, और हाथ से बने घुंसे का इस्तेमाल भी करना चाहती थी। आपको थकन उतारने की मशक करनी चाहिए, वो आवाज़ों अंदाज से ही नाक तोड़ने की सलाहियत रखता था। मैं बहुत बाहिम्मत हूँ, उसने जताकर कहा। बेस्ट ऑफ लक, उसने कहकर मुँह दूसरी तरफ कर लिया कि अब जाओ, और दूसरी तरफ जाकर एक लड़की से पूछने लगी। और पूछते पूछते आखिरकार स्टूडेंट्स काउंटर पर पहुंच गए और अपने कागजात देने के बाद तस्वीर के लिए डिजिटल कैमरे के सामने आकर बैठ गए। तुम्हारा कुछ गुम हो गया है? काउंटर सर ने काउंटर से अपना आधा गंजा सर आगे करके मुस्कुराकर उससे पूछा। नहीं तो, मुस्कुराओ भाई, तुम मैनचेस्टर में हो। मैनचेस्टर में मुस्कुराना पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि मैनचेस्टर मुस्कुराने पर मजबूर करता है, यहाँ उदासी का क्या काम है, ये तो दुनिया भर के राजहंस की जगह है। वो मुस्कुरा दी। ब्लैक स्वान, उसे बुरबुराहट सुनाई दी और उसकी तस्वीर खींच दी गई। ये नहीं, एक और प्लीज़, उसने अपनी जगह पर बैठे बैठे कहा। इस बार वो मुस्कुराई और वाइट स्वान बन गई क्योंकि वो दिल से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो उसने यहाँ आकर सीखी थी, क्योंकि इस रोने की आदत थी, उसे यहीं आदत डाली गई थी बात बात पर रोने की। उसे बात बात पर रुलाना सबका पसंदीदा मशगला था और वो दिल छोटा करके बैठती थी क्योंकि उसे दिल बड़ा करना सिखाया ही नहीं गया था। यही उसका माहौल था जो उसे मिला था, इसी माहौल की वो आदि थी। उसे नहीं बताया गया था कि जिस ज़मीन पर रिंगा जाता है उसी पर शान से चला जाता है और दौड़ा भी। वो ऐसी ही रिंगती रोती धोती जिंदगी गुजारती रहती अगर वो यहाँ ना आती, क्योंकि उसे कभी नहीं कहा गया था यू आर अ बर्ड माई डियर, फ्लाई जस्ट फ्लाई, मेरी प्यारी तुम एक परिंदा हो, उड़ो बस उड़ो। उसे तो कहा गया था कि तू मनहूस है, बदबख्त है, काली नज़र और काली जबान माली है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर उसे कुछ और सिखाया जा रहा था, मुस्कुराओ, कि ज़िंदगी में रोने के लिए कोई दिन नहीं बना।
उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ पर वालों के पास नहीं है, और ऐसे खुल कर महको कि तुमसे बेहतर गुलिस्तान में कोई गुल नहीं। तुम सब कर सकती हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे हाथ में सब है। नाकामी और मायूसी की फिजा में हमेशा सांस भरना तुम पर फ़र्ज नहीं। कार लेकर वो बहुत खुश हुई। उसने काउंटर सर का शुक्रिया अदा किया। बस इतनी सी तो बात थी, उसको समझ आ गया था कि इस दरसगाह को दुनिया की बड़ी दरसगाहों में क्यों शुमार किया जाता है। इस दरसगाह ने उसे पहले दिन ही रेंगने से चलना सिखा दिया था, जिम्मेदारी, खुददारी, आगे बढ़ने की सलाहियत अदा कर दी थी। हाथ में कार लेकर वो अपनी मस्कारा फैली स्याही से अटी आंखों को देखने लगी और हंस पड़ी। वो पुरजोश थी, कुछ भी नहीं हुआ था। अगर वो बदसूरत भी लग रही थी तो यहाँ दिमाग वालों को सलूट किया जाता था, खूबसूरत चेहरों को नहीं। और दिमाग को काम पर लगाना ऐसा मुश्किल काम भी नहीं था, सब आसान था, सब कुछ दूर भी नहीं था, सब पास था, दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियों में था। डिपार्टमेंट से निकलकर वो बाहर आ गई। दिन रोशन था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसके बाल नरमी से लहराने लगे। उसने अपने बैग का स्ट्रिप लंबा किया और उसे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह क्रॉस करके पहन लिया, दाएं से बाएं तरफ, और एतमाद से चलने लगी। अमर हवाइद गोल्ड मेडल लेने के लिए दौड़ में पूरी जान से शामिल हो चुकी थी। तमाशाइयों की खाली नशिस्तों पर उसे किसी सूरत नहीं बैठना था। उसके नाम की नशिस्त अब कभी वहाँ नहीं होगी। ऑक्सफोर्ड रोड पर वो सीधी चलती जा रही थी। सुबह उसने वो मुन्ना सा नाश्ता किया था, अब उसे भूख लगी थी, लेकिन वो खाना खाने नहीं जा रही थी, नौकरी की तलाश के लिए जा रही थी। यूनिवर्सिटी के अंदर की तरह बाहर भी स्टूडेंट्स की रौनक लगी थी। कुछ ज़रा आगे सड़क इस पार उसे चर्च नज़र आया। उसका दिल चाहा कि अंदर जाके चर्च को देखे, फिर वो अपनी ही साइड पर चलती रही। अब 2 साल यहीं रहना था तो वो सब देख लेगी। अगर नौकरी का इंतज़ाम ना हुआ तो 1 माह बाद ही वापस जाना पड़ेगा। सड़क ख़त्म हो गई, लेकिन उसे कोई जगह ऐसी नज़र ना आई जहाँ वो नौकरी की बात कर सकती। सड़क के सामने दूसरी तरफ उसे अब्दुल हादी हिलाल फूड की दुकान नज़र आई। सड़क पार करके वो उस दुकान में आई। बिलाशुबा उसकी टांगें कांप रही थी, भले से कांपती रहती। उसने अंदर जाकर उसने काउंटर बॉय से बात की। उसने सलीके से उसे बताया कि फ़िलहाल उसे वहाँ नौकरी नहीं दी जा सकती। क्या कुछ दिन बाद दी जा सकती है? 2 हफ्तों बाद? नहीं, शायद 1 साल बाद, जब मैं यहाँ से छोड़ दूँगा। वो अगले स्टोर पिक एंड क्लिक में गई। वो कंप्यूटर स्टोर था और वो कंप्यूटर रिपेयरिंग के बारे में यकीनन नहीं जानती थी, और जाहिर है उसे नौकरी नहीं दी गई, जबकि उसी स्टोर पर दूसरी लड़कियां कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम कर रही थी। इन्हीं स्टोर्स और दुकानों के ऐन सामने सड़क पार करके मशहूर बर्गर और पिज़्ज़ा के छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुले थे। वो वहाँ भी गई और ख़ुद एतमादी से गई। अब उसके सिर्फ दिल की धड़कन तेज़ थी, लेकिन शाम तक न उसकी दिल की धड़कन तेज़ रही, न टांगों में कपकपाहट, सिर्फ जबान में तेज़ी रही, जो हर रेस्टोरेंट, दुकान, स्टोर में जाते ही तेज़ी से चलने लगती। वो थक गई थी लेकिन रुकी नहीं। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए उसने बाहर से कुछ भी नहीं लेकर खाया। और इससे भी बढ़कर उसने ये काम किया कि उसने साइकिल चलाने वाली एक लड़की से लिफ्ट मांगी। उसने कागज़ पर लिखे हुए पते को लड़की के आगे किया। मैं तुम्हें मेन रोड तक ले जा सकती हूँ, आगे तुम पैदल चली जाना, उसने कहा। अब साइकिल पर बैठते उसे कतई हंसी नहीं आ रही थी। उसके पेट में भूख की वजह से बल पड़ रहे थे, लेकिन उसे रोना नहीं आ रहा था। वो उदास और गमज़दा भी नहीं थी, वो खुद को बेचारी भी महसूस नहीं कर रही थी। सुबह इन्हीं खुली रोशन कदीम इमारत से गुजरते हुए भी वो अमरा वाजिदी थी, और इन्हीं सड़कों से फिर से गुजरते हुए भी वो अमरा वाजिदी रही। तब्दीली जाहिर में नहीं, बातिन में आई थी, और काफ़ी से ज़्यादा आ चुकी थी। काफ़ी से ज़्यादा आने वाली ये तब्दीली। जब वो घर आई तो उसका लंच काउंटर पर रखा था और घर में कोई भी नहीं था, सब अपने अपने काम पे जा चुके थे। उसने लंच को रात के खाने के तौर पर खा लिया और मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम होकर सो गई। 2 घंटे बाद वो उठी तो किताबें पढ़ने लगी। रात को वो एक एक करके आती गई और सोती गई, लेकिन वो जाकर पढ़ती रही। अगले दिन सुबह उसने शर्ली के साथ जॉब की बात की कि उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। शर्ली ने उसे 2-3 जगहों के नाम बताए और पते भी समझा दिए। पहले वो यूनिवर्सिटी आई ताकि अपनी क्लासेस का मालूम कर सके। उसके लिए यूनिवर्सिटी एरिया में अलग से बहुत वसी कैंप लगाया गया था, जहां हर डिपार्टमेंट का काउंटर लगा था और सीनियर स्टूडेंट्स इन काउंटर्स पर अपनी खिदमात रजाकाराना तौर पर अंजाम दे रहे थे।
सब ग्रे पर्पल यूनिफॉर्म में मलबूस थे ताकि उन्हें दूर से ही पहचान लिया जाए। इस एरिया में भी ऐसा ही रश था जैसे वहाँ एक मैजब इतवार बाजार सजाओ। आहिस्तगी से लेकिन जल्दी जल्दी बोलने की आवाज़ें थी और एक साथ एक जगह जमा होकर शोर बन गई थी। वो ढूंढ ढांड कर अपने मतलूबा काउंटर तक आई और बुनियादी मालूमात लेने लगी। लेकिन एक मसला था, जो लड़की उसे सब समझा रही थी वो फ्रेंच थी और इस इंग्लिश अच्छी होकर भी अमरहा के सर से ऊपर गुजर रही थी। उसने लड़की से एक दो बार कहा कि बराए मेहरबानी फिर से बताइए और आहिस्ता बताइए, मैं समझ नहीं पा रही। और लड़की ने ऐसा किया भी, अमरहा फिर भी कुछ खास समझ ना सकी। डेरिक सुनो, तुम इनकी मदद करो, लड़की ने कुछ खुश इखलाकी से अपने साथी से कहा जो इन दोनों से रुख मोड़े किसी दूसरे का मसला हल कर रहा था। जी, डेरिक ने उसकी तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये वही आस्क मी का बोर्ड पकड़े लंबी नाक वाला था। उससे पहले अमरहा कुछ बोलती, उसने अपनी नाक को एक हाथ से छुपा लिया। अमरहा का दिल चाहा कि वाकई उसकी नाक पर अपने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल दे मारे। ये इंसान यकीनन उसको कोई मशहूर ज़माना मजाक बना देगा जो सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाएगा। फरमाइए, मैं आपको कैसे डरा सकता, आई एम सॉरी, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नाक बदस्तूर उसने बाएं हाथ से छुपा रखी थी। अमरहा ने कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया जिस पर उसके मजमून लिखे थे और उसने पढ़कर दूसरे कागज़ पर कम से कम 15 मिनट लगाकर अच्छी खासी तफसील के साथ सब कुछ लिख दिया। क्लास के औकातकार, टीचर्स के नाम, मजीद मदद के लिए उसी के जमात के 2-3 हम जमातियों के नाम, उनके रिहाइश के पते। फिर उसने नक्शा निकाला और उस पर सुर्ख दायरा लगाया। ये आपका अपार्टमेंट है, उसे उसका अपार्टमेंट दिखा लाओ, उसने फ्रेंच लड़की से कहा। लड़की ने अचंभे से उसे फिर डायरेक्ट को देखा और अमरहा के कुछ कहने से पहले ही पूछ लिया, क्यों, ये खुद चली जाएगी ना। नहीं, ये खुद नहीं जाती, इसे डर लगता है। अमरहा ने डायरेक्ट के हाथ से कागज़ चिपट लिया। डायरेक्ट के कहके ने दूर तक उसका पीछा किया। वो दुआ कर रही थी कि पहले दिन जो जो लोग इससे मिले हैं उनसे दोबारा उसकी मुलाकात। एक लड़की उसके पास से गुजरी और एकदम रुक गई। कोई मदद चाहिए, साथ ही उसने अमरहा के हाथ में पकड़ा कागज़ ले लिया। यहाँ जाना है ना, मैं अभी यहीं से आ रही हूँ, बल्कि फिर से वहीं जा रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ। वो खवारी से बच गई और उसके साथ साथ चलने लगी। वो अपने डिपार्टमेंट तक छोड़ गई थी, उसने अपनी क्लासेस देख ली और औकातकार भी। अपनी क्लासेस देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई, वो उसकी सोच से ज़्यादा खूबसूरत थी। यूनिवर्सिटी से निकलकर वो पैदल ही फिर से नौकरी की तलाश में लग गई, लेकिन ये काम तो मुश्किल ही बनता जा रहा था। यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा दूर वो नौकरी कर नहीं सकती थी, इस तरह उसका बस का किराया लगता और उसकी बचत मुश्किल से ही हो पाती। उसकी क्लासेस शुरू हो गई लेकिन काम नहीं मिला। उसे परेशानी ये थी कि अगर वो काम ना ढूंढ सकी तो फिर से दाइम का लेक्चर सुनना पड़ेगा। गो के वो अपनी जगह ठीक था लेकिन अपनी जगह गलत वो भी नहीं थी। वो अनथक कोशिश कर रही थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की वॉक पर वाकया कैफ़े से सामने से उसका गुजर हुआ। वो यहाँ पहले भी आ जा चुकी थी लेकिन उसे जवाब दिया गया था कि उन्हें ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है का बोर्ड कैफ़े के सामने रखा था। उसने पहले कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी फिर काउंटर तक आई। उसे यहाँ काम तो फौरन ही मिल सकता था लेकिन सिर्फ एक मसला था और काफ़ी बड़ा मसला था। जो वेट्रेस उसे नज़र आ रही थी उन्होंने घुटनों तक स्कर्ट पहन रखा था जो एक मशहूर कॉफ़ी के लेबल जैसा था, यानी कंपनी का चलता फिरता इश्तहार थी। उसे इश्तहार से कोई मसला नहीं था लेकिन वो ये स्कर्ट तो नहीं पहन सकती थी और जो हालात जा रहे थे उनके मद्देनज़र रखते हुए वो इस वाहिद नज़र में आने वाली ज़रूरत है कि मौके को हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी। उसने काउंटर के पीछे बैठे दराज कद पर भी माइल गोरे चिट्टे अंग्रेज से बात की। उसने अमरहा से चंद सवालात पूछे और उसे हाँ कह दिया। वो खुश होने के बजाय दुख से उसे देखने लगी, यानी नौकरी मिली भी तो कौन सी जिस पर शायद अभी इनकार हो जाए जब वो उससे अगली बात सुनेगा। मुझे इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मुझे ये नौकरी ना मिली तो मेरा मुस्तकबिल बहुत बुरी तरह से तारीख हो जाएगा। उसने अपनी तरफ अंग्रेज़ को जज्बाती करने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, मैं जीन्स पर यह शर्ट पहन लूँगी बस। उसने वेटर्स की शर्ट की तरफ इशारा किया। तुम्हें इतना एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकती हो इस दुनिया के रोशन मुस्तकबिल के लिए। क्या आप सिर्फ इस नामुकम्मल ड्रेस को नज़रअंदाज करके तलीम हासिल करने के लिए कोशिश करती, एक लड़की पर एक एहसान नहीं कर सकते। दुनिया का हर इंसान इलम हासिल करने वाले की इज्जत करता है, मुझे सिर्फ अपने रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र है। आप किस मज़हब के मानने वाले हैं, उसने उसे घूरा। यूरोप में कभी भी किसी भी से इतनी जल्दी उसके मज़हब के बारे में नहीं पूछ सकते, वो बुरा मान जाते हैं।
मैं यहूदी हूँ। अमरहा की सीटी गुम हो गई। वो यकटिक उसे घूरती रही। मुझे घूरना बंद करो और जाओ यहाँ से। देखिए जनाब, अगर आप मुझे काम देंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे कि एक यहूदी ने एक मुस्लिम का एहतराम किया, उसकी अखलाकियात का ख्याल रखा, यू नो वगैरह वगैरह। ये वगैरह वगैरह क्या है? मज़ीद तारीफ और तारीफ सब आपको अपने सर आँखों पर बिठाएंगे, लेकिन मुझे अपनी कुर्सी पर बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी ज़रा सोचिए, यही यूनिवर्सिटी एरिया है। यूनिवर्सिटी आपके किस कदर इज्जत करेंगे? हो सकता है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि सालाना कॉन्वोकेशन डे पर आपको ख़ास मदहू किया जाएगा और आप तकरीर भी करेंगे। ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आ सकता। मुझे कन्वोकेशन में जाने से कोई दिलचस्पी नहीं। जब आप जाएंगे तब आपको ये बहुत दिलचस्प लगेगा। वो काउंटर पर बाएं हाथ की चारों उंगलियों से बजाने लगा और उसे मज़ीद दिलचस्पी से देखता रहा। उसकी नीली आंखें मज़ीद नीली हो गई। मैंने सुना था अंग्रेज़ बहुत रहम दिल होते हैं। मैं पुलिस हूँ, मुझे अंदाज़ा था, लेकिन पुलिस तो दुनिया भर में इंसान दोस्त मशहूर हैं। अखलाकियात की पासदारी करने वाले, इंसानी खिदमत में सबसे पहले आने वाले और मदद के लिए कभी ना पीछे हटने वाले। तुम्हारी ज़बान हमेशा ऐसे चलती है? नहीं, लेकिन जो कॉफ़ी मैंने अभी आपके यहाँ से पी है इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा। आप मुझे एक हफ्ते के ट्रायल पर रख सकते हैं। इससे क्या होगा? मैं शर्त लगा सकती हूँ, जब लोग मुझे एक मुस्लिम लेडी को फुल ड्रेस में देखेंगे तो वो इस तरफ खींचे चले आएंगे कि ये एक इंसान दोस्त का कैफ़े है। यहाँ के मालिक ने इंसानियत के लिए नाम नेहाद असूलों को तोड़ दिया। क्या वाकई? वो दोनों हाथों की उंगलियों से काउंटर बजाने लगा। बिल्कुल, आजमा कर देख लें। ये कहते अमरहा की नज़र उतारी जानी चाहिए थी। ठीक है, कल से आ जाना, तुम्हें असल का 50% मिलेगा। मुझे मंजूर है। वैसे आपको ये अंदाज़ा होगा ही कि रोज़ाना इस कैफ़े में कितने लोग आते हैं। अमरहा की ज़हानत बढ़ती जा रही थी। मैं 10 साल से कैफ़े चला रहा हूँ, साल में सिर्फ़ एक बार आने वालों को पहचान लेता हूँ। मेरा मतलब, कल अगर ज़्यादा लोग आएँ तो मुझे मालूम हो जाएगा। वो आँखों को अंदर की तरफ ले जाकर मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट उस पर जम कर रह गई। वो घर गई तो उसने शर्ली, अज़रा वगैरह सबसे कह दिया कि कल हर सूरत वो खुद और अपने दोस्तों को लेकर उसके कैफ़े आ जाए। चारों ने आने का वादा कर लिया सिवाय हाना के, और उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो कोशिश करके अपने एक या दो दो दोस्तों को भी साथ ले आएंगी। सुबह वो दाइम और नवाल भी गई, उन्हें सब सच बता दिया। दाइम कितनी ही देर बेयकीनी से उसकी शक्ल देखता रहा। तुमने किस कदर चलाकी से ये सब किया है ना? करना पड़ा, उसने कंधे अचकाए। मैं अपने हम जमातों को और दोस्तों को भी कह देता हूँ। कितने दिन का ट्रायल है? 1 हफ्ते का। अगर रोज़ 8-10 लोग आएँ तो? 8-10 तो कम है, आखिरी रोज़ तक मैं तुम्हें 40 कर दूँगा। ये ठीक है। और फिर यूँ, पहले दिन 10, दूसरे दिन 15, फिर 18, 20, 25 और आखिरी दिन 50 स्टूडेंट्स वहाँ कॉफ़ी पीने गए। और मज़े की बात यह कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की हद ही कर दी। वो कॉफ़ी पीने जाते, काउंटर तक आते जाते। कितने नोबल इंसान हैं आप, मुस्कुरा कर कहा जाता। आपने एक मुस्लिम खातून को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के नौकरी दी। आप जैसे इंसान दोस्त लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? हम सब ज़रूर अपने प्रोफेसर से आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको हमारे कॉन्वोकेशन डे पर ज़रूर आना चाहिए। बहुत फरिश्ता सिर्फ इंसान हैं आप, ऐसी सफ़ात आजकल नापैद हैं। अब हम हर रोज़ सिर्फ यहाँ ही आया करेंगे कॉफ़ी पीने। 6 दिन हर परफॉर्मेंस के साथ साथ वो मुस्कुराता ही रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ड्रामे देखे, लेकिन इन 6 दिनों में जो यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे कैफे पर ड्रामा सेशन किया वो सबसे शानदार रहा। वो दंग खड़ी काउंटर पे हाथ रख के उसे हंसते हुए देखती रही। उसका तो ख्याल था कि उसका प्लान कामयाब रहा, लेकिन ये क्या, तुम एक कारोबारी इंसान को उल्लू नहीं बना सकती। राइट, उसने कमज़ोर सा राइट कहा, पर तुम एक कारोबारी इंसान को मुतासिर ज़रूर कर सकती हो। राइट, वो मुस्कुराने लगी। देखो मिस अखरोट, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं रख सकता। वो एकदम संजीदा हो गया और अमरहा भी, उसकी खुशी उड़न छू हो गई। कॉफ़ी कंपनी इस ड्रेस के लिए मुझे पे करती है और इस कैफ़े के 50% मालकाना हकूक कंपनी के पास ही हैं, लेकिन क्योंकि मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है कि मैं यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में बुलाया जाऊँ, तो मैं तुम्हें आर्जी तौर पर यहाँ रख सकता हूँ। जब तक तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती तुम यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन अगर कंपनी ने एतराज़ किया तो मुझे तुम्हें फ़ौरन निकालना होगा। कंपनी एतराज़ नहीं करेगी, वो खुशी से निहाल होकर बोली। क्यों, तुम्हें कैसे पता? मैं दुआ करूँगी कंपनी एतराज़ ना करे। तुम ये दुआ क्यों नहीं करती कि तुम्हें कहीं अच्छा सा काम मिल जाए?
वो भी कर रही हूँ साथ साथ, लेकिन फ़िलहाल मुझ पे यही दुआ वाजिब है कि कंपनी एतराज़ ना करे। वो उसे देखते हुए नरमी से मुस्कुरा रहा था। और मुझे अखरोट मत कहिए, आप मुझे चलगुज़ा कह सकते हैं, क्योंकि चलगुज़ा मुझे बहुत पसंद है, वो खुशी से बोलती हुई चली जा रही थी। कैफे से बाहर मैनचेस्टर की सड़कों पर उड़ने वाली रात, इस रात बहुत रोशन थी। जब स्याही सफ़ेद हो जाए, रातें रोशन हो जाए, तो ज़िंदगी की शाखों से नहीं कोंपले फूटती हैं, खुशबू देती हुई, फूलों और फलों से लदी हुई। वो काम से भी लग गई और क्लासेस में भी मसरूफ़ हो गई, साथ ही उसने भी नूडल्स खाने शुरू कर दिए। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले हाना की पसंद के नूडल्स का बड़ा पैकेट लिया, जो वो 2 हफ्ते तक खा सकती थी। साथ ही अंडे 2 डब्बे जाम डबल रोटी के लेकर उसने फ्रिज भर भर दिया, ताकि वो सभी इस्तेमाल करें। अब उसे रिहाइश की तलाश थी, साथ साथ वो अपना रिहाइश का मसला भी हल कर रही थी। गो शर्ली ने उसे कह दिया था कि वो इतनी परेशान ना हो रिहाइश के लिए, लेकिन वो परेशान थी। अगर उसे उन्होंने खंदाए पेशानी से अपने साथ रखा हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ढीठ बनकर मुस्तकिल वहाँ जम जाती और बहाने बनाती कि उसे रिहाइश नहीं मिल रही। चूँकि उसे शुरू से बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी, तो अभी वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकती थी। चुन्ने मुन्ने से खाने से तो उसका कुछ बनता ही नहीं था, इससे ज़्यादा तो वो शाम की चाय में उड़ा जाया करती थी। दोपहर के खाने के वक्त यूनिवर्सिटी में उसे किसी न किसी ट्वीट मिल जाती। ट्वीट का किस्सा कुछ यूँ था कि किसी भी फ्रेंड या हेलो हाय फ्रेंड या क्लास फेलो के पास जाया जाता और उससे कहा जाता, टू ट्वीट मी प्लीज़, मुझे ट्वीट करो। अगर वो चाहता या अफोर्ड कर सकता तो उसे ट्वीट कर देता, यानी एक कप चाय कॉफ़ी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाती। दाइम ग्रुप ने उसे अपनी सारी ट्वीट्स दे दी थी, ट्वीट मांगने वाले को वो ट्वीट वापस भी करनी होती थी। अब मंजर कुछ यूँ होता कि दाइम या नवाल उसे कहते कि जो सामने हमाद बैठा है उसके पास मेरी 6 ट्वीट्स हैं, उसके पास जाओ और कहो ट्वीट मी बैक प्लीज़, वो जाती और कह देती। इसी तरह शर्ली, अजरा और ऐसे ही दूसरे हाय हेलो दोस्त अपनी ट्वीट्स दे देते। अक्सर जिनकी 3 या 4 ट्वीट्स इकट्ठी हो चुकी होती, उनका वो बर्गर खा लेती, लेकिन बर्गर सैंडविच या पिज़्ज़ा खा जाने पर एक एक्स्ट्रा ट्वीट मनफी हो जाती, यानी अगर 4 ट्वीट्स हैं तो 3 का बर्गर और 1 मनफी, यानी बाकी 0, और अगर 3 ही थी तो 1 जमा हो जाती, यानी बर्गर खाने वाले खाते में 1 ट्वीट आ जाती। पहली बार तो अमरहा को काफ़ी से ज़्यादा शर्म आई, फिर उसने महसूस किया कि अमीर कबीर स्टूडेंट्स भी ऐसा कर लेते हैं, तो वो भी करने लगी। वो दाइम, नवाल, शर्ली के पास जाती, रेफरी आ ट्वीट मी प्लीज़ कहती। वो सोचते इधर उधर देखते, वो सामने हाँ वहाँ ग्राउंड में वो जिसने स्पेयर शर्ट पहनी है, हाँ वही, उसके पास जाओ। कागज़ पर लिख दिया जाता, ट्वीट हर बैग, उसे ट्वीट वापस कर दो। उसी कागज़ पर ट्वीट देने वाला लिख देता, बकाया 2, बाकी की 2 भी वो हड़प कर जाती। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, उसे ट्वीट पर ट्वीट मिल रही थी। उसने दादा को सब बताया, मांगने के नित नए अंदाज़, वो हंसने लगे, देने के नित नए अंदाज़ दादा, क्या कमाल का जवाब दिया है तुमने, वो बहुत खुश हुए। इस दिन वो दाइम ग्रुप की एक लड़की अक्सा के पास गई और ट्वीट रेफर करने के लिए कहा, यह तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा वरना कहीं नहीं मिलेगा, इस वक्त बड़े बड़े कान हैं इसके, लाइब्रेरी में किसी से भी पूछ लेना, तुम्हें इसका बता दिया जाएगा, पूरी 20 ट्वीट्स हैं मेरी इसके पास। 20? अमरहा के मुंह में पानी भर आया, आराम से 4-5 बर्गर खाए जा सकते हैं, कॉफ़ी भी, आराम से 2 हफ्ते निकल जाएंगे, यानी अगले 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल ख्वार नहीं होना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी में आ गई और सरगोशी के अंदाज़ में उसका पूछा, मैं समझ नहीं पाई, कौन सी किताब चाहिए? उफ़, किताब नहीं चाहिए, आलियान का पूछ रही हूँ, जिसके बड़े बड़े कान हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरियन के चेहरे पर नमूदार होकर मदूम हो गई। उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कहाँ बैठा है। वो उसके पास आई और कागज़ जिस पर अक्सा की लिखाई में ट्वीट का लिखा था उसके आगे किया। उसने अपनी मोटी सी किताब से नज़र हटाकर इस चिट को पढ़ा, फिर जिस हाथ ने चिट थाम रखी थी इस खफगी से घूरा, उसकी पेशानी पर पतली सी लकीर बनकर गायब हो गई। सॉरी, इस वक्त नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। फिर किस वक्त? बस आज नहीं, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक नहीं, बराए मेहरबानी इससे पहले मुझे तंग न किया जाए। पर मुझे तो अभी इसी वक्त भूख लगी है, उसकी तेज़ आवाज़ पर वो भूरी आंखों वाला हैरान रह गया। पेशानी पर खफगी से 2 लकीरें बनकर उभरी और वहीं बुरा जमान रही। ट्वीट मी बैक, अमरा ने दोनों हाथ सीने पर बांध कर थोड़ी और ऊंची आवाज़ में कहा। यह वही था ना जो इस दिन वेलकम वीक में उस पर चिल्ला रहा था, अब वो उस पर चिल्ला सकती थी। मैं नहीं कर रहा, उसने ज़रा सख्ती से कहा।
मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। उसने इस तरह आते हुए एक और काम किया था, उसने कागज़ पर खुद ही सैंडविच लिख दिया था। उसकी तेज़ भूरी आंखें एक लहजे के लिए स्याही माइल सी हुई, पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। 90s के हीरोज की तरह उसने गर्दन को हल्का सा झटका देकर उसको घूरा और फिर वो 20s के हीरो की तरह मुकम्मल नज़रअंदाज करके उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना अगले हफ्ते से पहले मेरे पास ना आना। वो लाइब्रेरी बिल्डिंग से बाहर निकला। मैं कुछ नहीं जानती, वो भी उसके साथ निकली। उसने उसके हाथ से कागज़ खींचा और तेज़ी से आगे आगे चलने लगा। वो उसके पीछे पीछे लपकी कि वो कैंटीन जा रहा है, लेकिन वो तो ये क्या है अक्सा, उसने दो उंगलियों में अटकाया कागज़ अक्सा के आगे किया। किस भूखी को मेरे पीछे लगा दिया है, ये क्या है? अमरहा ने इस अमरीकी नकुश के हामिल फ्रेंच गुस्से को सहम कर देखा। ये इसने क्या कह दिया इतने धड़ल्ले से? अमरहा ने आसपास देखा। उफ, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट अंगूठा हिला हिला कर शर्म करो कह रहे थे। पहले तो अमरहा ने आंखें मीच ली, फिर उसने गुस्से से भड़क कर उसे देखा। अक्सा ने पढ़ा, कागज़ पे सैंडविच लिखा था, ट्वीट मी बैक प्लीज़। अक्सा ने उसकी इज्जत रख ली। अगले हफ्ते तक उसने शान से कंधे झुकाए, जैसे बड़ा नुकसान करने के बाद अतालवी झुकाते हैं बेनियाजी से भी और खून खुआरी से भी। तुम दोनों हैंडल कर लो प्लीज़। अक्सा को समझ ना आया कि एक भूखे और दूसरे कंगले को कैसे हैंडल करे, और वो ये कहकर ग्राउंड से उठकर चली गई। अगले हफ्ते से एक भी दिन पहले मेरे पास ना आना, लंबे कानों वाले ने नाक फुला के कहा और फिर से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। अगले हफ्ते तक मैं भूखी मर जाऊंगी, वो फिर से उसके साथ चलने लगी। एक मेरी ही ट्वीट पे जिंदा हो क्या, वो फिर से एक फ्रंच बन गया जो गुस्से को दबाने के लिए लफ्ज़ चबाते हैं तो आंखें सर्द मोहरी से अंदर कर लेते हैं। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो उसके इस तरह खम है कि तन झाड़ने पर उसे देखती रह गई। गुस्सा कर भी रहा था और नहीं भी, कैसी बात थी, आज तो उसी ट्वीट पे रहना है। सारे पैसे ख़त्म हो गए और नूडल्स भी सुबह जल्दी की वजह से चाय भी नहीं पी। इस बात पर वो ज़रा रुका और अपने क्रॉस बैग को अपनी गर्दन से निकाल कर खंगालने लगा। थोड़ा वक्त लगा लेकिन वो मतलूबा चीज़ निकाल चुका था। उसने एक चॉकलेट निकाली जो आधी खाई हुई थी। ये लो, आधी खाई चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई। इससे क्या होगा, चॉकलेट देकर अमरहा को खुशी तो ज़रूर हुई, लेकिन फ़िलहाल उसे सैंडविच ही खाना था। काफ़ी कैलरीज हैं इसमें, भूरी आंखों वाले ने बैग को वापस गले में डाला, एक हाथ जींस की जेब में डाला और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसका फ़ोटो सेशन हो रहा। लॉर्ड मेयर जवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी में चैरिटी करते हुए फ़ोटो का कैप्शन से बढ़कर और क्या होता। मुझे कैलरीज नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो ये क्या भूसा है, लॉर्ड मेयर ने भूमे अचकाए और कुछ ऐसे अचकाए कि पेशानी पर ग्रे भूरे बालों से जा मिली। और ये छोटी भी है, छोटी और आधी खाई हुई, और फिर मैं क्यों किसी की चीज़ खाऊं, भूमे इस बार सवालिया अचकी। यानी इतनी ईगो है तुम में, अच्छा सच में दूसरी तरफ से खा लो, आखिरी किनारा फेंक देना। वो मुंह बनाए खड़ी रही। उसने फिर से बैग खंगाला और एक पैकेट निकाला जिसमें रैपर को एक कॉमन पिन से बंद किया गया था ताकि अंदर कोई मौजूद मेवाजात बैग में बिखर ना जाए। पैकेट बिस्किट का लगता था। ये लो और ये भी लो, चॉकलेट और बिस्किट दोनों उसके आगे किए। उसने दोनों पैकेट पकड़ लिए। एक में मौजूद चॉकलेट उसने देख ली थी, दूसरे की पिन निकाली तो वो बिस्किट था, चूरा था। मुझे क्या समझ रखा है, चैरिटी कर रहे हो, अमरहा बुरी तरह से बुरा मान गई, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं और वो तेज़ी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा जो दोनों पैकेट हाथ में लिए खड़ी है। इसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो जा चुका है क्या उसे जानते हैं, आलियान मार्गरेट, वो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है। रिहाइश का मसला थोड़ा संजीदा होता जा रहा था। जो रिहाइश मिल रही थी वो महंगी थी, जो सस्ती थी या वो बहुत दूर थी या लड़कों के साथ थी, यानी लड़के लड़कियाँ एक ही फ्लैट में, सब उसके लिए अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे थे। वो एक दो बरतानवी पाकिस्तानी हिंदुस्तानी घरानों में भी गई, लेकिन वो रिहाइश भी उसकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत नॉर्मल सी एक रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी, यानी बेहद सस्ती थी, जितनी ज़्यादा सस्ती हो सके इतनी सस्ती। वो यूनिवर्सिटी के पास भी एक लैंड लेडी हैं तो, लेकिन एक मसला है कि वहाँ कम ही लोग रहने में कामयाब हो सके, उनको समझना बहुत मुश्किल है। वहाँ जाकर देख लो, शायद तुम उनको समझ सको। ठीक है, वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ, उसका मुंह लटक गया। हाँ ऐसे ही मुंह लटका लेना, और वो अपना मशहूर ज़माना आजमूदा फिक्रा ज़रूर कहना, मनहूस मारी, मुझे तो मर जाना चाहिए। इस बात पे वो नवाल से ज़्यादा हंसी।
एक दो लड़कियां हैं जो वहां गई थी, एक चंद दिन बाद ही वापस आ गई और एक ने चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। वो उसे शटल कॉक कह रही थी। नाम अच्छा है शटल कॉक, कहानी आती है तुम्हें? हाँ एक दो आती हैं। गुड, सुना है वो हर रात कहानी ज़रूर सुनती है। अच्छा सिर्फ कहानी, मतलब किराया नहीं लेंगी? हाँ हाँ किराया तो ज़रूर रहेगी, साथ में कहानी भी। ठीक है मैं दो चार कहानियाँ याद करके जाती हूँ। शटल कॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को आ गई। ये एक दो मंजिला बरतानवी तर्ज तमीर का काफ़ी बड़ा घर था। घर के आगे सब्जे का बड़ा किता था जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और फूल लगे थे। सारी इमारत सफ़ेद रंगी थी और वाइट हाउस का छोटा सा नमूना लग रही थी। अमरहा को शटल कॉक का बैरूनी नज़ारा बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर उसे यहाँ रख लिया जाए तो वो काफ़ी शानदार किस्म की रिहाइश का साबित होने वाली थी। बैल दी और काफ़ी देर तक देती रही, खिड़कियों से भी झांकती रही, दरवाज़ा भी बजाया लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास सीढ़ी पर बैठ गई कि शायद मालकन बाजार गई हूँ। कोई 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला, वो जल्दी से उठ के दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, झट से कहा। सामने वाली की हंसी का फुहारा निकला। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, लंबी पतली सावली सी, क्याले स्याह बालों की चोटी बनाए हुए और उन्हें कंधे पर गिराए हुए। मुझे कमरा चाहिए, अंदर आ जाओ, वो हंसती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। अमरहा भी उसके पीछे चलने लगी। बाद अजा अमरहा को मालूम हुआ कि वो लैंड लेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर उनका मुँह धुलाया, कपड़े तब्दील करवाए, बैल देने वाला दरवाज़ा पीटने वाला जाए, बाहर में हम क्या करें। लैंड लेडी की नशिस्त गाह में ठंडे आतिशदान के पास बैठी बाप बे जिब्रील का इंग्लिश तर्जमा पढ़ रही थी। उसकी सांस अटकने लगी। यानी शायरी भी सुनानी पड़ेगी, वो भी ऐसी आला पाए की? यानी यहाँ भी उसका काम बनने वाला नहीं था। बहुत देर उसका इंटरव्यू होता रहा। वो बहुत सब्र से और अपनी तरह से चलाकी से सारे सवालात के जवाब देती रही। खाना पका लेती हो? क्या क्या पका लेती हो? चावल रोटी और तंदूर हो तो नान भी बना लेती हूँ। उसने उस चीज़ का नाम लिया जो बरतानिया में मुयस्सर ही नहीं हो सकती थी। तंदूर, बेसन की रोटी, आलू गोभी, कीमे के पराठे, मूली के भी नान पे बेसन लगाकर उसे तल भी लेती हूँ। बहुत मज़े का बनता है। आलू के पकौड़े, बैंगन, पालक, चिकन के, मछली के भी बना लेती हूँ। लैंड लेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ थोड़ी तले रखे उसे देखती रही। हो चुका तुम्हारा, अब बताओ खाना पका लेती हो? उसका मुंह लटक गया, उसकी चलाकी किसी काम ना आई। दादी ठीक कहा करती थी कि इंसान को ज़िंदगी में सब काम आने चाहिए, ना मालूम ज़िंदगी कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा काम काम आ जाए। गोश्त का सालन और चावल बस, रोटी भी। साधना ये परौठों की इतनी वैरायटी काम की है? जी हफ्ते में 2 बार हो जाएगा, बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना उसी के साथ सोफे पर ज़रा किनारे पर बैठी थी, स्वेटर बुन रही थी। सौदा सब्स भी लाना होगा? जी मैं ले आऊँगी संडे के संडे। संडे वनडे हम नहीं जानते, जब जब साधना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्ज़ी आती है रोज़, हलाल गोश्त आता है, बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ। गुड, अच्छा बोलो कहानी आती है कोई? जी आती है, 2। गुड, कौन कौन सी सुनाओ ज़रा। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, इधर उड़ा उधर उड़ा, दूसरी खरगोश और कछुए वाली। साधना तेज़ी से सिलाइयाँ चलाने लगी ताकि उसकी हंसी कम से कम उसके मुंह से निकले। लैंड लेडी अलबत्ता होंठ भींचे बैठी रही। बीबी यहाँ रहना है या नहीं? रहना है तो कहानियाँ बदलो, मैं अच्छी अच्छी किताबें ले लूँगी, आपको पढ़ के सुनाऊँगी। गुड, किराया पहले बता दें प्लीज़। पहले शरायत सुन लो, तुमसे पहले 3 लड़कियां जा चुकी हैं, तुम चौथी आई हो। साधना यहाँ 2 सालों से रह रही है। इसने सहम कर साधना नामी लड़की को देखा। हाय मेरी उम्र भी इतनी लगती है क्या? साधना से पहले यहाँ 6 लड़के रह कर गए, अच्छे लड़के थे, सारा काम कर देते थे। मैं तो अब भी लड़कों के हक में ही थी, पर अब साधना की वजह से लड़कियाँ ही रखती हूँ। सारे घर की सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी, बाकी के कमरे बंद है और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ़ करना होगा, खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की कांट छांट और खिड़कियों की सफाई। 1 हफ्ता तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी। 1 हफ्ता साधना करेगी। जितनी ज़्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी उतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी,
पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ट्रैक से उतरते हुए देखा, यानी अगर तुम में कोई गलत हरकत देखी, तो फौरन मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ ना देखूं, वरना मैं तुम्हें फौरन यहां से निकाल दूंगी। इसी वक्त चाहे बाहर बर्फबारी हो रही हो और तुम नमूनिया का शिकार हो, तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहां आ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने उन दोस्तों में ख़राबी देखी, तो भी तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हारे पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह ना मिले, अगर मैं सोती हूँ तो चुटकी की आवाज़ से भी उठ जाती हूँ, इसलिए जब मैं सोऊं तो तुम ऐसी हो जाना जैसे गूंगी हो। लैंडलेडी बोलती रही। वो जिस सूफे पर बैठी थी उसी पर ऊँगने लगी। कोई 3 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो वो उसी सूफे पर आड़ी तरछी पड़ी सो रही थी। उसकी नज़र छत पे लगे बड़े से फानूस पे गई जो रोशन था, लेकिन उसकी नींद भरी आँखें इस फानूस में से मुख्तलिफ रंग निकलते देख रही थी। वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और कद आदम पर्दों को घूरते उसने सोचा। मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? वो एकदम से उठकर बैठी। साधना लैंडलेडी की रॉकिंग चेयर के पास सूफे पर बैठी कहानी सुना रही थी। उसे लगा वो सिर्फ 5 मिनट ही सोई है। और क्या क्या कह रही थी आप? वो आंखें मलने लगी। तुम ऐसे ही हर जगह लमलेट हो जाती हो लड़की, लैंडलेडी हंसकर बोली। अमरहा लफ्ज लमलेट पर हैरान हुई। खालिस देसी लफ्ज था, यकीनन कोई पाकिस्तानी सिखा कर गया था उन्हें। नहीं जी, बस आज थकी हुई थी। तो जाओ खाना खा लो, किचन में रखा है। खाना? जैसे सदियों बाद ये लफ्ज सुना था। वो जल्दी से किचन में गई और सारे वेजिटेबल राइस और चिकन सूप हड़प कर गई। कॉफ़ी बनाई और मग लेकर आ गई। लैंडलेडी उसे देखती ही रह गई। कॉफ़ी किससे पूछकर बनाई तुमने? ओह, फिर गलती कर दी उसने। वो खामोश खड़ी दोनों खवातीन को देखती रही और मुंह लटका लिया। शक्ल पर बेचारगी ले आई। बैठ कर पी लो, लैंडलेडी के साहब कुछ ढीले हुए। वो बैठ कर पीने लगी। बुरा ना मानना, पर तुम एशिया वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तुम्हें बुनियादी अखलाकियात सिखाने में लग जाता है, और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर थोड़ा अपनी आदत पर काबू पाओ, इन्हें दुरुस्त करो। अमरहा खामोशी से कॉफ़ी पीती रही। तुम जाकर सो जाओ साधना, और तुम अमरहा मुझे मेरे कमरे में ले चलो। और इन्हें कमरे तक ले आए। वो एक टांग से मजूर थी, दाईं टांग फालिज ज़दा थी, दाया हाथ भी मुश्किल से हरकत करता था, लेकिन टांग की तरह मफलूज नहीं था। उन्हें उनके बेड पर लिटाया। मेरे बाल भी उतार दो। बाल? अमरहा को लगा उनके दिमाग के साथ भी कुछ मसला है। हाँ भाई आओ तो वो करीब हुई और बालों पर हाथ रखकर खींचा, और विग उसके हाथ में आ गई और अंदर से बामुश्किल 1/2 इंच लंबे बाल निकले। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। अगर उसने ठीक से गिने तो वहाँ कम से कम 25 से ज़्यादा बटन थे। नाइट बल्ब का शेड पसंद करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया। फिर हल्के सुरमई को उन्होंने इतवार की रात के लिए पसंद किया और उसे जाने के लिए कहा। तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, सुबह अपना सामान ले आना। खुशी से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि 3 वक्त के खाने के साथ ये जगह उसे बहुत ही सस्ती पड़ रही थी। और हाँ, दोबारा किचन में ना जाना। लेकिन वो पहले किचन में गई, एक कप और कॉफ़ी बनाई और एक कप कॉफ़ी की कीमत किचन काउंटर पर रख दी और कमरे में आकर सो गई। दरमियान में उसकी आँख खुली तो उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने फौरन शर्ली को फ़ोन किया। मैं पुलिस को कॉल करने ही जा रही थी, तुमने हमें परेशान कर दिया। वो अभी इतनी ज़िम्मेदार नहीं हुई थी। अगले दिन सामान लाकर उसे कमरे में सेट किया। फिर उस दिन सनी डे था तो कारपेट को उठाकर धूप में डाला, कपड़े धोए, इस्त्री किए, फिर उन्हें लेडी महर के वार्डरूम में लटकाया। साधना के साथ मिलकर खाना बनाया और फिर कैफ़े आ गई। वापसी पर बुक स्टोर होती गई, लेकिन वहाँ उर्दू की किताबें बहुत कम थी। जो थी वो बहुत अदबी थी, ज़्यादातर शायरी की थी। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, मन चले का सौदा वगैरह वगैरह। एक तो वो फ़िलहाल इस तरह की महंगी किताबें खरीद नहीं सकती थी, दूसरे इस उम्र में अपने सर के बाल झड़वाना नहीं चाहती थी। वो ये सब किताबें पढ़ चुकी थी, लेकिन पढ़कर सुना नहीं सकती थी। ये एक सब्र आजमा काम था, और इतना ज़्यादा सब्र इतनी सी उम्र में नहीं करना चाहती थी। उसे एक सादा सी सस्ती सी किताब चाहिए थी। उसने अपनी पाकिस्तानी हम जमात से बात की तो उसने उसे अपनी खाला की एक किताब ला दी, खेल तमाशा। इश्फाक अहमद की एक तो मुफ्त में किताब मिल गई थी, दूसरा ज़्यादा मोटी नहीं थी। अपनी बारी पर उसने लेडी महर को खेल तमाशा सुनाना शुरू की।
वो तो मज़े से सुनती रही, लेकिन अमरहा के दिमाग के कहीं ऊपर से अल्फाज गुजर गुजर कर जाते रहे। वो बिलाशुबा अपनी तर्ज की शाहकार किताब थी, लेकिन अमरहा जैसे कुंद जहन उसे बेकार बना रहे थे। लेडी महर उसे बार बार पीछे ले जाती, कहीं कहीं सत्रों को बार बार पढ़वाती। इत्तफाक से उसने एक बड़ा मोर का सर कर लिया था। खेल तमाशा के सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का दिल मोह लिया था। तहतपुर के मास्टर हाली और उन पर मर मिटने वाली रजनी ने निशिस्त गा में जादू सा जगा दिया। जैसे ऐसे लगता है जैसे मास्टर हाली अपनी क्लारन पे असाकी वार उनके सामने बैठे ही बजा रहे हैं और रजनी ऐन उनके सामने दासी बनी बैठी है। लेडी महर निहाल हो गई। बहुत कमाल की शानदार साधना कदीम बंगाली और भोजपुरी लोक कहानियाँ सुनाती थी, जो उसने अपनी बंगाली बाप भोजपुरी माँ से सुनी थी। और हैरत अंगेज तौर पर वो कहानियाँ इतनी थी कि अमरहा को लगता साधना ने अपनी ज़िंदगी के इतने साल सिर्फ कहानी सुनते ही गुजारे हैं। जब वो रात को कहानी शुरू करती तो उसकी आवाज़ में सारे बंगाल का सहर सिमट आता। वो गंगा जमुना की तरह रवां दवां हो जाती, हलकोरे खाती, शफाफ हो जाती। अक्सर उसकी कहानियाँ पुरसोज होती, लेकिन वो उन्हें इतनी नरमी और चाहत से सुनाती कि लगता ही ना कि उन कहानियों में सोज है। साधना बामुश्किल 32 साल की थी और उसके 8 साल बेटे को हड्डियों का कैंसर था। साधना की कहानी मोहब्बत से शुरू होकर अमरजीत पर ख़त्म होती। वो पुरसोज कहानी सुनाते हुए बिल्कुल आपदीदा नहीं होती, बल्कि ऐसे लगता कि उसका 8 साल बेटा उसके सामने खड़ा है और उसे कह रहा है, जो दुख पर रोता है वो तो फिर इंसान हुआ, लेकिन जो कमबख्ती पर रोता है वो भी कोई इंसान होता है, वो भी कोई इंसान भला। तो साधना क्यों कर रोती जब उसका बेटा ही जवां हौसला है। सारी तकलीफ़ सह कर भी उसे फ़ोन करता है और कहता है, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा कभी रोकर नहीं सोऊँगा, कभी रोकर आँख नहीं खोलूँगा। डॉक्टरों के सारे औजार और उनकी दवाइयाँ और मेरे जिस्म की सारी तकलीफ़ भी मिलकर मुझे हरा नहीं सकेगी। मैं नहीं रोऊँगा माँ, कभी नहीं। तो ऐसे बच्चे की माँ कैसे रोती। वो बात बात पर मुस्कुराती हंसती। उसके कहानियाँ क्यों ना अमरजीत होती, उसकी आवाज़ में ऐसा सहर क्यों ना आता जो थपक थपक कर सुला देता है। दिल पे कैसा ही बोझ क्यों ना हो, उसकी कहानी की पुरस्तान ही ले जाती है। साधना की कहानी सुनते सुनते वो निश्चिंत गा में ही सो जाती, जैसे कोई वो लोरी सुनाता हो जो जंग से लौट आने वाला अपने बच्चों को और जंग जीत जाने वाला अपने कुनबे को सुनाता है। वही जमा मर्दी के किस्से और शहीदों के लहू रंग फसाने। इस दौरान एक छोटा सा वाकया हुआ जो काफ़ी बड़ी सूरत इख्तियार कर गया। उसे और उसके चंद क्लास फैलो को यूनिवर्सिटी के एक दूसरे ग्रुप ने अप्रोच किया। वो मैनचेस्टर में अपनी नई क्लासेस के शुरू होने के सिलसिले में एक पार्टी का अहतमाम कर रहे थे और पार्टी के इंतजाम के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही मौका दिया था ताकि वो चंद घंटों में कुछ ज़्यादा पौंड कमा सकें। उसके क्लास फेलोज़ ने हाँ कहा था, उसने भी कह दिया। उन्हें पार्टी के सारे इंतजाम देखने थे, डेकोरेशन से लेकर सुरंग तक। पार्टी उनमें से किसी एक स्टूडेंट के घर के लॉन में थी और जहाँ ये घर था वहाँ बाकी घर काफ़ी दूर दूर थे, जिनके आगे सड़कें खुली और कुशादा थी। सर शाम ही इन सब ने पार्टी के लिए इब्तदाई सेटिंग मुकम्मल कर ली। बाकी उनका काम मेज़ों पर खाने की अशिया रखना था, जो ज़रा हट कर अलग से लगी थी। उन्हें हर फर्द को अलग अलग नहीं पेश करना था। तुम शक्ल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लगती हो, एरक और उसके दूसरे दोस्त उसे तश्वीश से ऐसे देखने लगे कि उसे तश्वीश होने लगी। वो सब पार्टी के इंतजाम देखने आए थे। मैं हूँ भी पाकिस्तानी, वो बुरा मान गई। नहीं, हमारा मतलब वो सब ज़रा डरते हैं, ज़रा से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। डरते हैं कौन? आज की पार्टी में आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स। वो काफ़ी ज़्यादा गोलमोल सी बातें कर रहा था। इन्हें पाकिस्तान फोबिया है क्या? नहीं, शायद हाँ। ये अखबारात, टीवी, मीडिया दिमाग ख़राब कर देते हैं। जो कुछ अखबारात में कहा जाता है उस पर यकीन कर लेते हैं। और तुम हो भी मुस्लिम, प्लीज़ ऐसे बुरा ना मानो। धमाकों से बहुत डर लगता है इन्हें। धमाकों से डर लगता है? मैं मुस्लिम हूँ, आखिर क्या मतलब इन सब बातों का? मुझे भी धमाकों से डर लगता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं बता रही। वो एक ना समझ सकी। देखा, तुम बुरा मान गई, तुम गलत समझ रही हो। यहाँ कौन सा धमाका होने जा रहा है? मतलब कुछ होगा ही नहीं तो डरना कैसा? कुछ होने का खतरा है यहाँ? कोई ब्लास्ट? तुम मुझे डरा रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ इनमें से ज़्यादातर के अंकल और फादर्स पुलिस में हैं। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे परेशान ना हो। अमरहा का सर चकराने लगा।
क्या कह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? ऐसे ही तुमसे बातें शेयर कर रहे हैं, ऐसे बातें शेयर करते हैं, तुम सब मुझे शक से घूर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं यह धमाका करूँगी? मैं क्या, मजाक है ये? ऐसी तो कोई बात हमने नहीं की, तुम क्या से क्या सोच रही हो? हाँ, सीधे सीधे ये बात नहीं की, पर जो की है उनका मतलब खौफनाक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा तो अभी से रंग उड़ गया। क्या हो गया है? अभी से मतलब उसका रंग वाकई उड़ गया था, वो गड़बड़ा गए थे। मतलब हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, ऐसी ख़तरनाक बातें ही करते हो तुम सब, मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई। वो अपने कम में लग गई और अंदर ही अंदर सहम भी गई। यानी अगर ज़रा सी भी कोई गड़बड़ हो गई तो ये लोग साफ साफ उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। पुलिस और फिर लॉन में एक तरफ ऊंचाई पर डीजे का इंतज़ाम किया गया था, जैसे क्लब में होता है। अंधेरा गहरा हुआ तो ट्विट्स लाइट्स ने और ट्विट्स बढ़ा दिया। उन्होंने डीजे साउंड चेक किया जो ख़तरनाक हद तक तेज़ था। नीली, पीली, हरी, लाल ट्विट्स लाइट्स हरकत करने लगी, सब आने लगे। उन्होंने मेज़ों पर पहले से ही सॉफ्ट ड्रिंक रख दी। 2 घंटे बाद उन्हें खाने की चीज़ें रखनी थी। 1 घंटा गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। इन सब ने मिलकर मेज़ों पर खाने की अशिया रख दी। डीजे निस्बतन हल्की आवाज़ में म्यूज़िक के साथ तजर्बात रहा, जो अमरहा को काफ़ी पसंद आए। वो गिलासों की ट्रे रखने जा रही थी कि एरिक ने उसे आवाज़ दी। वो उसके करीब जा ही रही थी कि एक ज़ोरदार दहशतनाक धमाका हुआ, इतना ज़ोरदार कि कानों के पर्दे फटने के करीब हो गए। अमरहा बुरी तरह लड़क कर गिरी। इसी धमाके के साथ शीशे टूटने की आवाज़ें और कुछ इंसानी चीखों की आवाज़ें भी आई। पूरे 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। अमरहा ज़िंदगी में कभी इतनी खौफज़दा नहीं हुई थी जितनी इस धमाके से हो गई थी। वो बामुश्किल उठी और उस पास नज़र दौड़ाने लगीने की कोशिश की। दूसरे लोग भी कुछ उठ चुके थे, कुछ उठ रहे थे। ये खौफनाक मंजर था इसलिए नहीं कि वहाँ धमाका हुआ था, बल्कि इसलिए कि सब उसे घूर रहे थे। उसने जीन्स पर लंबी कमीज़ पहन रखी थी और एरिक ने ही कहा था कि सर ढाम के काम करना है, तो उसने स्कार्फ़ को सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। अमरहा को पहले ये सब अपना वहम लगा कि सब टिकटिकी बांधे उसे देख रहे हैं। फिर उसने ज़रा गर्दन घुमाई तो वहम लगने वाला ख्याल 100% खौफ में बदल गया। वो सब अपनी अपनी जगह पर जमे उसे ही देख रहे थे, घूर रहे थे। उनमें से एक ने कपकपाते होंठों के साथ उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। यू डिड दिस, तुमने किया ये सब? इतनी सी बात से किसी ने उसके सर पर दूसरा धमाका किया। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके जेहन में 9/11, लंदन टर्बन धमाके, अखबार, टीवी चैनल्स की सब खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज गड़मट होकर चकराने लगी। दहशतगर्द, यू डिड दिस, दहशतगर्द, यू, उसका सर चकराने लगा। दहशत उसके चेहरे पर नज़र आने लगी। मुझे नहीं मालूम, वो अटक अटक कर होंठ हिलाने लगी। आवाज़ उसके होंठों से निकल ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि वो सारी ज़िंदगी बोल ही नहीं सकेगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ, वैसा ही ज़ोरदार। इन सब ने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली, वहाँ मौजूद सारी चीज़ें गिरी, शीशे के छोटे टुकड़ों की एक भुचाल आंधी की तरह आई। पीछे खड़े बहुत से लड़के लड़कियाँ गिर गए और कराहने लगे। इस तरफ काफ़ी अंधेरा था लेकिन उनकी चीखें और कराहें सुनी जा सकती थी। इस बार अमरहा गिरी नहीं, खड़ी रही और काफ़ी दहशतनाक अंदाज लिए खड़ी रही। एकदम से फिजा में पुलिस सायरन और फायर ब्रिगेड सायरन की आवाज़ें गूंजी। पीछे कहीं से ज़ोरदार आग के भड़क उठने की आवाज़ें भी आ रही थी। इसने एक बम अपने साथ भी बांध रखा है, किसी ने चिल्लाकर उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। सब सहम कर दूर दूर होने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे ही हो रहा है जैसे उसे नज़र आ रहा है। पुलिस सायरन की आवाज़ करीब आती जा रही थी। उसकी नहुसत के मैनचेस्टर में एक स्टूडेंट पार्टी में धमाके हो गया और इस जगह अमरहा मौजूद थी। खड़े खड़े उसने कल के अखबारात में अपनी तस्वीर देख ली, टीवी रिपोर्टिंग का अंदाज़ा लगा लिया, अदालत में खुद पर केस चलता देख लिया। उसके हक़ में 1000 मुस्लिम रैली निकाल रहे हैं, फिर और अदालत अपना फैसला सुना रही है। उसके घर वाले उसे लानत मलामत कर रहे हैं और वो मासूम होते हुए भी उसे यूरोपियन मीडिया दहशतगर्द साबित कर रहा है। उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसका क्या होगा, वो तो मर जाएगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ और वो हलक के बिल चलाने लगे पागलों की तरह। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 1 सेकंड में वो ये बात 20 बार कह गई, साथ चिल्लाती रही। 400-500 स्टूडेंट्स का ग्रुप इधर उधर ही उसे देखता रहा। सुन रहे हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, सारी हिम्मत जमा करके, पूरा जोर लगाकर। वो वैसे ही खड़े रहे जैसे कोई स्टेज शो खड़े होकर देख रहे हो। तुम्हारा मीडिया,
तुम्हारे टीवी चैनल्स अखबार झूठ बोलते हैं, पागल हो तुम सब, पागल बनाते हो दुनिया को। हम दहशतगर्द हैं या तुम? हम नहीं, तुम हो। तुमने दुनिया में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाया है, तुम हो खराबी की जड़। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे अंदर करवा दो, मैं तुम सबको मार डालूंगी। दहशतगर्द नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। फिर एकदम सब्जे पर बैठकर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी और ऊंची और ऊंची। पुलिस और फायर ब्रिगेड सायरन बंद हो गए। पार्टी में सिर्फ उसकी रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। अब वो ऐसे देख रहे थे जैसे हॉरर मूवी देख रहे हों। ये सब तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल जोक कर रहे थे, आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। उसने झटके से गर्दन उठाकर आवाज़ की सिमत देखा। उससे ज़रा सा दूर अंधेरे में एक कुर्सी पर आलियान बैठा कॉकटेल से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। उसने ये बात इतने सुकून से की जैसे वो खामोशी से बैठा ऊपर देखता रहा हो। प्रैक्टिकल जोक कहीं लाजे सनाटे में ही रही, फिर उठकर खड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक कोई अमली मजाक भी किया जा सकता है। तीसरे धमाके के बाद उन्होंने तुम्हें खुद बता देना था, ये सीनियर्स हैं और जूनियर्स के शट अप। उसने धार कर उंगली उठाकर आलियान से कहा, फिर वही उंगली लहराकर उसने वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर उन सब से कहा, तुम लोग अंग्रेज गोरे दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, हमें गुलाम समझ रखा है। जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। क्या समझ रखा है हमें? पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी तजलील करते रहे और अब हमें दहशतगर्द बना रहे हो, हमसे हसद करते हो कि हम जिंदगी में आगे ना निकल जाएं, तुम सबसे आगे ना निकल जाएं। गाली और गिनती के लिए हर इंसान अपनी मादरी जबान इस्तेमाल करता है कि मसादिक वो रवानगी से चींख चलाकर उर्दू में उन पर बरस रही थी। आलियान साथ साथ अंग्रेजी में तर्जमा करता जा रहा था, तुम अंग्रेज गोरे हमारे मुल्क में आए, हमने तुम्हारी मेज़बानी की, तुम्हें बादशाह बनाया, जाते हुए तुम्हें कोहे नूर तोहफे में दिया। आलियान अपनी मर्जी का तर्जमा कर रहा था, उसे और भड़का रहा था। अमरहा के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप कौम हो तुम, नेक शरीफ पढ़े लिखे, और हम जाहिल गवार दहशतगर्द मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर इसे दहशतगर्द बना दिया। एक नौमलूद बच्चा भी दहशतगर्द है अगर वो मुसलमान है तो। अमरहा का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। उसके इस जलाल के आलम में किसी में भी इतनी हिम्मत ना हुई कि कुछ बोल सके या उसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया, उसने कोई तर्जमा ना किया। ट्रांसलेशन प्लीज़, किसी कोने से आवाज़ आई। जोक करने के लिए तुम्हें यही जोक मिला, खुद तुमने गवानता मोबे में क्या किया? वो अमरीकी थे, आलियान बोला, वो जालिम थे। जालिम किसी कौम से नहीं होता और ये सब भी जालिम है, उसने हाथ लहरा कर कहा। आंसुओं का दरिया उसकी आंखों में बहने लगा। ट्रांसलेशन प्लीज़, आवाज़ फिर आई। अमरहा ने एक कहर आलूद नज़र सब पर डाली और इस बार इंग्लिश में बोले, इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती, इतना घटिया मजाक, तुम लोग इतने जालिमों के मजाक भी इतना जालमाना सोचा, तुफ है तुम पर, कितने छोटे हो तुम सब, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और ये सब सीखते हो, गंदे हो तुम, जाहिल, तुमने मेरी बेइज्जती की है, मर जाओ सब के सब तुम। इतने पॉइंट्स तुमने धमाकों पर लगा दिए, अगर वहीं पॉइंट्स तुम, कोई पॉइंट नहीं लगा, वो तो ऐसे हुए हैं। डीजे बटन दबाया और एक ज़ोरदार धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था। अल्लाह इन्हें नज़रें बद से बचाए, किस कदर टैलेंटेड थे वो सब। जो शीशे की किरचियाँ उड़कर आई थी वो हार्ड क्रिस्टल शीट की थी। अमरहा ने शदीद गुस्से में अपने करीब ही गिरा हुआ एक गिलास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाएं तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम, रिलैक्स, काफ़ी हो गया, चलो अब बस करो, आलियान ने नरमी से कहा। उससे और गुस्सा आया, बकवास बंद रखो अपनी, उसकी आवाज़ डीजे के किए धमाके से ज़्यादा धमाका अंगेज थी इस बार। उसने एक बार फिर सब पर निगाह डाली। बेइज्जती के एहसास से उसका सारा वजूद झुलसने लगा और जैसा कि यहाँ आने से पहले वो धाड़े मार मार कर रोती रही थी, तो सभी धाड़े उसके अंदर फिर से जाग उठी। वो घास पर बैठकर घुटनों में मुँह छुपाकर इन सब धाड़ों को आवाज़ लगाकर रोने लगे। सब ने दूर से ही उसके इर्द गिर्द घेरा बना लिया। किसी में अब इतनी जुर्रत नहीं थी कि शेरनी बनी अमरहा के पास आए और उसे चुप करवाए। अमली मजाक था और कुछ ज़्यादा ही अमली हो गया था। अब वो रो रही थी और वो सब शर्मिंदा शर्मिंदा उसे सुन रहे थे। आलियान उठा और चलकर उसके करीब आकर बैठ गया। मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, इनकी गलती है, इन्हें माफ़ कर दो, वो बदस्तूर हिचकियाँ लेती रही। प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो प्लीज़, उसने सालों तड़प तड़प कर छुप छुप कर रोती रही। आंखों को उठाकर आलियान को देखा, आलियान वहीं का वहीं रह गया। उसने अपनी ज़िंदगी में दो आंखों में इतनी तड़प, तकलीफ,
दुख और गुस्सा सिमटा हुआ नहीं देखा था। उसने स्याह मशर की आंखें देखी थी। इन मशर की आंखों में तैशो शिकवे के ऐसे बादल नहीं देखे थे। वो उसे शिकायत से देख रही थी कि उर्दू बोलने वाला नाम से मुसलमान लगने वाला वो भी उनके साथ शामिल था। आलियान चुप का चुप ही रह गया। उसकी भूरी आंखों ने उससे भरपूर शिकायत की। उसे आंखें इन दो स्याह आंखों के इतना करीब नहीं ले जाना चाहिए थी। अब अगर वो ऐसा कर चुका था तो इसका अंजाम उसे ही भुगतना था। अकेले इश्क मजाजी का अगर कोई लाड का नाम होता तो महबूब की आंख का तैश होता, और अगर रोती हुई अंधेरी आंखों का कोई लाड का नाम होता तो वो अमरा होता। आलियान को ये याद करने में दिक्कत हुई कि वो कहाँ बैठा है। इससे भी ज़्यादा दुश्वारी उसे अपनी आंखों को आंसुओं के पानी में गर्क इन आंखों से हटाने में हुई। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और दो कदम पीछे को चला गया और फिर से भाग पड़ने जैसे अंदाज में उसके सामने बैठ गया। मास्टर बाली कलारन पर बसंत रंग बजा रहे थे। अगले दिन वो सब बारी बारी घर आते रहे और दरवाजे के पास फूल रखते गए। रात उसने उनका सॉरी कबूल नहीं किया था। डर के मारे वो अंदर नहीं आ रहे थे। वो खिड़की में बैठी सबका तमाशा देखती रही। सबसे बड़ा गुलदस्ता एरक की तरफ से था। ये वही था जिसने अमरहा का इंतखाब किया था इस ड्रामे के लिए। फिर उसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर इन सब के दस्तखत थे, और चार्ट पर एक तरफ रोता हुआ मोटे मोटे आंसू वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई थी जो कल रात बनाई गई थी। उसने वो वीडियो देखी और अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रही। वाकई वो एक मुकम्मल अमली मजाक था। इन सब के तासुरात कमाल के थे। उसने वो वीडियो लेडी महर और साधना को भी दिखाई। वो लूट पूट होती रही, बार बार वीडियो चलाकर देखती रही। बाद में उसे मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोगों का ग्रुप वहाँ मौजूद था, इन सब के साथ कुछ ना कुछ किया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे, और ये एक रवायत ही थी कि वो हर साल कुछ ना कुछ करते। लेकिन अमरहा के साथ मजाक कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। इस वाक्य से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल हो गई। उसके काफ़ी से ज़्यादा स्टूडेंट्स दोस्त बन गए थे। जो उसे देख लेता रुककर उसका हाल अहवाल ज़रूर पूछता, उसे कॉफ़ी लंच के लिए बुलाते, कोई ना कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट्स मैनचेस्टर के ही रहने वाले थे वो उसे अपने घर शाम की चाय या वीकेंड पर डिनर पर मदु करते। उसके रोने धोने का इन सब फनकारों पर ऐसा असर हुआ कि वो उसे नन्नी मुन्नी बच्ची की तरह ट्रीट करते कि बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ले ये लो बारबी, चलो दो ले लो, बस रोना नहीं। एक वसी हल्काया बाप उसे जानने लगा था। वो जिससे चाहती पढ़ने में मदद ले लेती। इसी दौरान शटल कॉक में एक रूसी वीरा और एक जापानी एन ऑन आ गई। जापानी तो बहुत खामोश तिबा थी, साल में एक बार बोलने वालों जैसी थी। उसने लेडी महर को कहानी सुनाने पर लेडी महर ने उसे खुद ही रोक दिया कि वो बस चुपचाप घर में रहती रहे। अलबत्ता वीरा ने अपने शेर सोची में होने वाली 22वीं सरमाई ओलिक्स की वो कहानियाँ सुनाई कि खुद अमरहा का जी चाहा कि काश वो कोई एथलीट होती, काश फारिग औकात में वो वीरा मैनचेस्टर की सड़कों पर देती। उसका कद 6'2" था, बाल कमर से बहुत नीचे तक लंबे थे। या स्काइकलिंग करती या स्केटिंग, जब वो ये दोनों करती तो लगता कि कोई परी बिना परों के सड़क पर नीची परवाज पर उड़ रही है। उसके बाल जो ऊंची पोनी की सूरत में बंधे लहराते उड़ते। एक बार वीरा ने उसे स्टेलिंग के शूज़ पहना दिए और अमरहा मुंह के बल सड़क पर गिरी। नाक की हड्डी इतनी बच गई कि सर्जरी की ज़रूरत न रही, बाकी सारी कसर पूरी हो गई। अमरहा का बस का किराया भी बचा और वीरा के साथ ही उसकी साइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी चली जाती। लेकिन वीरा के साथ साइकिल पर बैठना भी इतना मुश्किल था जितना रोलर कोस्टर पर बैठना दिल गुर्दे का काम था। किराया बचाने के लिए वो अपने दिल गुर्दे रोज़ मजबूत करती। वो साइकिल पर हज़ार हज़ार करतब दिखाती हुई जाती। वीरा कुछ अखबारात के कालम लिखती थी, इसलिए उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने शटल कॉक हाउस में छोटे मोटे मुरम्मत के काम आसानी से कर दिए, जिसकी लेडी महर ने उजरत भी दी। उसका सर ना में हिलाते अमरहा ने कम ही देखा था। उसे जैसे सब ही काम करने आते थे। डायरेक्ट की मदद से उसे जूतों के एक स्टोर में काम मिल गया। उसका काम
बिल बनाना था। बस काफ़ी आरामदेह काम था और उसकी हफ्तावार तनख्वाह भी अच्छी थी। हफ्ते में एक बार वो कैफ़े ज़रूर जाती और अपने साबका बॉस से कॉफ़ी के साथ साथ हल्की फुल्की बातचीत करके आती। अब तो दादी और अम्मा भी उससे बात करते आपदीदा हो जाती थी। उसे हैरत हुई, उसने पहली बार दादी को अपने आंसू साफ करते देखा। हमाद और अली उसे काफ़ी तमीज़ से मुखातिब करते। दानिया उसे ख़ानदान में होने वाली तकरीबात की वीडियोज़ भेजती रहती थी, उसे तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता साधना, लेडी महर, वीरा काफ़ी शौक से इन वीडियोज़ को देखती थी। वैसे तो मौसम अबर अलूद रहता ही था और हल्की फुल्की बारिश हो जाती थी, लेकिन इस दिन हल्की लेकिन मुसलसल बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वीरा को किसी अखबार के दफ्तर जाना था, इसलिए वो अकेली ही ऑक्सफोर्ड सड़क पर वॉक करती सुस्त रवि से चलती रही। उसे कतई उम्मीद जाने की जल्दी नहीं थी। वो मौसम से लुत्फानंदोज़ हो गई रही थी। गीली गीली इमारतें, नम नम मंजर उसे अच्छा लग रहा था। भले वहाँ के मुकाबले इस मौसम से आजिज़ आ चुके हों, पर गैर मुल्की खासकर गर्म मुल्कों के बाशिंदों की जान थी इस मौसम में। उसने गहरे गुलाबी रंग के वीरा के स्टूल को गर्दन में दो बल दे रखे थे, उन्हें खोलकर उसने सर पर ओढ़ लिया, फिर उसने वापस गर्दन में बल ही दे दिए। बारिश की हल्की फुहार सर पर पड़ती अच्छी लग रही थी। एकदम से पीछे से एक नीली छतरी जिस पर गुले लाइला के फूल बिखरे थे उसके सर के ऊपर तन गई। उसने सर उठाकर देखा, फिर छतरी पकड़े हाथ को वहाँ आलियान खड़ा था। तुम्हें अपनी ट्वीट नहीं चाहिए? आज मैं तुम्हें बर्गर तो खिला सकता हूँ और कॉफ़ी भी। इतनी पुरानी बात अब नहीं चाहिए। क्यों, अब क्यों नहीं चाहिए? छतरी बदस्तूर वो उसके ऊपर रखे हुए था, खुद वो भीग रहा था। तुमसे नहीं चाहिए, तुम बहुत बदतमीज़ हो। मैंने तुमसे क्या बदतमीज़ी की? कब नहीं की? वैसे तुम मुझसे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हो? मुझे खुद नहीं पता चल रहा, मेरा दिमाग खिसकता ही जा रहा है। इलाज के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा करो, इलाज की भी ट्वीट ले लो। इलाज तो मैं करवा लूँ, लेकिन इस बीमारी का कोई डॉक्टर नहीं है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ तुम ऐसी ओंगी बोंगी बातें कैसे कर सकते हो? और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी तो सब ओंगा बोंगा करती है। सब क्या? सब मतलब सब। वो हल्के से मुस्कुराया और ये करते वो ऐसा लगा कि अमरहा ने सोचा क्या उसने खुदा से अलग से अपॉइंटमेंट ली थी। अमरहा ने एक चॉकलेट निकाल कर उसे दी। खाओ, तुम्हारी कैलरीज तेज़ी से कम हो रही हैं। तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? वो चॉकलेट लेकर खाने लगा। तुम्हारे पास गाड़ी है ना? साइकिल? मैं वीरा के अलावा किसी के साथ नहीं बैठती। मैं गिराऊंगा नहीं, पर मैं तुम्हें ज़रूर गिरा दूंगी। भाग जाओ, मेरा सर ना खाओ। ये क्या तरीका है बात करने का? ख़ास तुम्हारे लिए। मेरे लिए कुछ ख़ास? वाओ, ठीक है। तुमने सिनेमा देखे हैं यहाँ के? उसके भूरे सर पर बारिश के कतरे मीठे खेल रहे थे। हाँ, वीरा के साथ गई थी। उसने यकीनन तुम्हें हैंगलर गेम्स दिखाई होंगी। उसका मानना है कि वो जेनफर से मुशाबे है, लेकिन वो जेनफर से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तुम्हारी क्लास फेलो जेनफर की बात नहीं कर रहा। वैसे भी तुम्हें एक अच्छी इंडियन मूवी दिखा सकता हूँ। मैं इंडियन मूवीज़ नहीं देखती। पाकिस्तानी? वो तीन चार ही हैं, मैं पाकिस्तान से देख कर आई हूँ। बंगाली? मुझे बंगाली नहीं आती। ईरानी, अफगानी, ताजिकस्तानी, तर्कमानी, इराकी, मिस्री और हाँ, एनिमेटेड। क्या तुमने कभी सिनेमा में एनिमेटेड फिल्म देखी है? नहीं। क्या तुमने रेटा ट्रोली देखी है? देखो, अगर तुमने इतनी अजीम फिल्म नहीं देखी तो मैं तुम्हें पहले इस कहानी सुना दे सकता हूँ। देखना, खुद तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम ये फिल्म देखो। ये एक काबिल जिक्र चूहे और उसके मौसम की कहानी है। चूहा जिसके हाथ में कमाल का जायका होता है और वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े शेफ से ज़्यादा अच्छा और लजीज खाना बना सकता है। ऐसा खाना जिसकी खाने वाले को नज़ीर नहीं मिलती, और ऐसी तरकीब और सलीके से। चूहा शेफ होता है, मतलब जो खाना बनाता है? हाँ, तुम गलत समझ रही हो। वो खाना बनाने से पहले हाथ धोता है, उसके हाथ साफ होते हैं, बल्कि तुम्हारी तरह। चूहा और खाना? आह, अमरा ने सर को ज़ोर ज़ोर से झटका। आह, चूहा और मेरे हाथों जैसे साफ? आलियान ने छाते को बंद किया। उसका हाथ थक चुका था और चलते चलते वो रुक गया और उसे भी रोक लिया। अब बारिश के कतरे दोनों के बालों में लुक छुप हो जा रहे थे। फिर करना क्या? ये जो अभी किया था। क्या किया था? वही जो चूहे के नाम पर किया था। आह, अमरा को फिर से चूहे का ख्याल आ गया। एक बार फिर करना, यही यही प्लीज़। तुम पागल हो, क्या कह रहे हो? जब तुम ये आह करती हो तो तुम्हारी भुएँ और आंखें बचकाना सा रक्स करती हैं और तुम्हारी नाक
ये दाएं बाएं लहराकर उकसाती है कि इसे पकड़कर उस पर चुटकी भरी जाए। तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। अमरहा को लगा वो उसकी नाक की चुटकी भर लेगा। अच्छा, तुम्हारा वक्त भी अब कीमती हो गया। अच्छा चलो, फिर फिल्म के लिए पक्का? अगर वीरा जाने के लिए तैयार हो गई। वीरा? हाँ, दादा ने कहा है हर जगह उसे साथ लेकर जाओ। दादाजी को साथ यहाँ ले आती वो फिर भी अच्छा था। तुम मेरे दादा का मजाक उड़ा रहे हो। चलो वीरा को भी ले आना। और वो वीरा को भी ले गई। वीरा तो जाते ही सो गई क्योंकि उसे खालिस एक्शन फिल्में पसंद थी जिनमें हर दो मिनट बाद एक बम ब्लास्ट हो और कम से कम दो आदमी मर जाए और हीरो बस बड़ी बड़ी इमारतें फलांगता रहे और किसी ज़मीन पे खड़ा हो भी जाए तो चार अतराफ फायर खोल दे। जब चूहे ने पहली बार खाना पकाना शुरू किया तो उसने मुँह ही मुँह में कितनी बार आह कहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिलचस्पी से फिल्म देखने लगी और फिल्म के अख्ताम पर उसने तालियां बजाई। उसने इस किस्म की फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी। हीरा हीरोइन के लिए लंबे झुमेले से झटकर ऐसी शानदार फिल्म कमाल हो गया। जब वो वीरा की साइकिल पर बैठ रही थी घर जाने के लिए तो आलियान ने बहुत आहिस्तगी से उसे फरमाइश की, एक बार कह दो आह। वो कहका लगाकर वीरा को मजबूती से पकड़कर बैठ गई। वो वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ लोगों का आना जितनी खुशी देता है इन लोगों का जाना इतनी ही तकलीफ देता है। वो इस वक्त नन्नी मुन्नी सी इसी तकलीफ से गुजर रहा था। वो आलियान मार्गरेट जो जब सीटी बजाता दोनों टांगों को हवा में उछालकर इनकी ताली बजाता जाता है जो कम से कम 50 लोग उसे मुड़कर देखना ज़रूर पसंद करते हैं। अगर वो गुस्से से भी किसी को देखता है तो भी उस पर प्यार आता है। लेडी महर शादी की 10 तक बेऔलाद रही। फिर जब दोनों ने बच्चा गोद लेने का सोचा तो उनके शौहर अहमद हुसैन का कार के हादसे में इंतकाल हो गया। अहमद हुसैन दिल के सर्जन डॉक्टर थे। वो एक कामयाब थे और ऐसे कामयाब नरम खो इंसान के चले जाने के बाद उनकी बीवी इतनी कामयाबी से ज़िंदगी ना गुजार सकी। पहले फौलाद से उनका आधा हिस्सा मफलूज हुआ। वो 2 साल प्राइवेट हस्पताल में रही। मैकी के नाम पर उनके ख़ानदान में सिर्फ एक बाप थे जो उनकी 2 साल बीमारी के दौरान चल बसे। अहमद हुसैन के 3 भाई थे लेकिन वो इस सूरत महर से मिलना चाहते थे अगर वो अहमद हुसैन की जायदाद उनके नाम कर देती, एक घर और मेडिसिन कंपनी के शेयर्स। महर बच्चा गोद लेना चाहती थी, अब वो भी नहीं ले सकती थी। उनकी हालत ही ऐसी नहीं थी, वो अपने आप को नहीं संभाल सकती थी, बच्चे को कैसे, और उसमें उन्हें कोई भी अदारा बच्चा ना देता। तो उन्होंने बच्चों को इन इदारों में रख कर ही पालना शुरू कर दिया। एक इदारा था और किड्स हमारे बच्चे, जो बच्चे पालने के ख्वाहिशमंद अफराद को एक बच्चे से मिला देते और फिर उसके अखराजात के पैसे लेते रहते और उसे अपने पास रख कर ही उसकी तलीम व तरबियत करते। महर ने यहाँ एक नहीं पूरे 10 बच्चों को लेकर पाला। वो कंपनी से मिलने वाले मुनाफे से अपने अखराजात के लिए निकाल कर बाकी सब इदारों को दे देती। बच्चे महीने में एक बार उनसे आकर मिल जाते, एक पूरा दिन उनके पास गुजार कर जाते, महर को मामा कहते। ये मुख्तलिफ कौमों नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे थे और सब महर को प्यारे थे। क्रिसमस नया साल और महर के साथ गुजारते। इनमें से एक मुसलमान था, वो अपनी ईद महर के घर आकर करता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वो महर के पास रात भी रुकने लगे। वो सब ना सिर्फ अपने काम खुद करते बल्कि महर के भी कहीं काम कर देते। महर महीने के इस एक दिन और रात का इंतज़ार करती। जब वो सब उसके पास होते यही बच्चे बालिग होते ही अपने पैरों पे खड़े होते मुख्तलिफ शहरों मुल्कों और यूनिवर्सिटियों की तरफ बढ़ते गए। कुछ शादी कर चुके थे, कुछ नौकरी कर रहे थे, कुछ अभी भी पढ़ रहे थे। ये सब दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी हालत में होते महर को फ़ोन करना नहीं भूलते थे। लेडी महर हम वक्त उनके फ़ोन सुनती या उन्हें सालगिरह के तहाइफ भेज रही होती। उनकी तरफ से भेजे जाने वाले फ़ोन मैसेजेस या कार्ड्स पढ़ती रहती। महीने दो महीने में कोई ना कोई उनसे मिलने आया भी होता जिसकी आंख पे वो ऐसे खुश होती जैसे पाकिस्तानी माएँ अपने बेटों को सेहरा बांधने देखकर होती हैं। गाहे बगाए ये सब शटल कॉक आते रहते थे, इसीलिए यहाँ 4-5 से ज़्यादा लोगों को पेइंग गेस्ट नहीं रखा जाता था। 1-2 दिन रहकर चले जाते। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई अपना बिजनेस कर रहा था, कोई नर्स थी तो कोई स्टूडेंट, कोई यहाँ आते ही वो सब लेडी महर के बच्चे बन जाते थे। उनके सारे काम खुद करना पसंद करते, उन्हें खाना खिलाते, मुंह धुलाते, हफ्तावार चेकअप के लिए लेकर जाते, उन्हें मुख्तलिफ पार्कों में लिए घूमते रहते और रातों को उन्हें कहानी सुनाते। लेडी महर उनके लिए मुकद्दस हस्ती जैसी थी।
उन्हीं में एक मॉर्गन कैम्ब्रिज से एमफिल कर रही थी। वो अपने फ्रेंड जोश को व्रत खोदे के लिए शटल कॉक लाई कि अगर मामा हाँ कहती है तो वो भी जोश को हाँ कह दे। ये गंजा कबूतर तुम्हें वाकई पसंद है मॉर्गन? अच्छा इंसान है मामा, मॉर्गन मुस्कुराई। क्या सोवियत यूनियन के बर्फीले पहाड़ों में काम करता रहा है? बहुत ही बर्फीला सा है। अगले साल जोश की PhD कंप्लीट हो जाएगी। मॉर्गन किसी हीरो शीरो को पसंद करती? सुना है कैम्ब्रिज में बहुत से फिल्म स्टार पढ़ने आते हैं। मेरा तो ख्वाब ही रहा कि मेरे किसी बच्चे की किसी फिल्म स्टार से शादी हो। तो मैं जोश को इनकार कर दूँ मामा? तुम्हारे इनकार से तो ये मर मरा गया जाएगा। उन्होंने बेचारे से नज़र आते जोश को देखा जो TV पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। साधना और अमहरा उसे ऐसे देख रही थी कि वो बेचारा बार बार पहलू बदल रहा था। दरअसल दोनों चांद पूछ कर उसे आवाज़ बाख्ता कर रही थी। एवं खामखा का मशरकी शुगर, थोड़ा डर तो है। मॉर्गन ने मामा की ताइद की। ठीक है, हाँ कह दो फिर उसे। कब करोगी शादी? मैं चाहती हूँ तुम बाहर की दुल्हन बनो, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों के अलावा तुम कहाँ फारिग होगी शादी के लिए? नहीं, आप कह रही हैं तो बाहर ही मैं कर लूँगी। नहीं, क्रिसमस ठीक है, हम क्रिस्टीना को बाहर की दुल्हन बना देंगे। आजकल मैं यही, वो आने ही वाली है ऐसे ही नमूने को लेकर। अमरहा और साधना ने बुलंद पाक कह के छोड़े नमूने के नाम पर। लेडी महर ने जोश को रेस्ट वॉच दी तो बेचारा नम नम सा हो गया। लेडी महर ने मॉर्गन पर एक ख्वाहिश सी नज़र डाली। फिर सोच लो मॉर्गन, मुझे तो लगता है एक दो बार रोगने से ही पिघल कर ख़त्म हो जाएगा। इस बार वो दोनों इतना हंसी कि निशिस्तगाह से बाहर जाना पड़ा। जिस दिन साधना को मालूम हुआ कि उसके इकलौते बेटे को ऐसी ख़तरनाक बीमारी हो गई है तो दोनों मियाँ बीवी कहीं दिन और रातों तक रोते रहे। उसका शौहर एक कंपनी में चंद हज़ार पर मुलाजिम था, वो इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे करवा सकते थे? हैदराबाद में एक छोटा सा घर उनका अपना था, लेकिन उसे बेचकर भी उनके बेटे का इलाज नहीं हो सकता था। किसी ने उन्हें मशवरा दिया था कि घर को बेचकर साधना का शौहर यूरोप की तरफ निकल जाए और वहाँ काम करे। उन्होंने घर बेच दिया, लेकिन उसके शौहर को वीज़ा ना मिला। वीज़ा एजेंट ने ही बताया था कि आदमी की निस्बत औरत को वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो साधना ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और उसे वीज़ा मिल गया। वो यहाँ एशियाई घरानों में काम करती थी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, सऊदी घरानों में जाकर वो घरेलू काम करती। घरेलू काम के लिए हर घर हफ्ते में 2 दिन उसे बुलाता और फी घंटा के हिसाब से पैसे मिलते। लेडी महर के घर वो पहले किराएदार थी, फिर लेडी महर ने उसके हवाले सारा घर कर दिया। वो लेडी महर को भी देखती और घर को भी। 2 सालों में उसने काफ़ी कमाया था। सिंगापुर के अस्पताल में आर्यन के 2 ऑपरेशन हो चुके थे, एक आखिरी ऑपरेशन होना था। फिर 3 माह तक मेडिकल चेकअप डॉक्टर पुर उम्मीद थे आर्यन के सेहतयाबी के लिए, और डॉक्टर से ज़्यादा साधना खुद थी। जिन घरानों में वो जाती थी वो सब आर्यन के इलाज के लिए अलग पैसे देते थे। लेडी महर भी ऑपरेशन के लिए एक बड़ी रकम देती थी। आज आप बहुत बहादुर हैं, अमरहा को सारी कहानी मालूम हुई। उसकी आंखें नम हो गई। हाँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया कि मैं इस मुश्किल को आसान कर दूँ। मुझे अपने मुंतखब किए जाने पर खुशी है। आपका बेटा बहुत बड़ा इंसान बनेगा, मैं उसे बड़ा डॉक्टर बनाऊँगी। और अच्छा ही हुआ कि वो इस तकलीफ़ से गुजर रहा है, इससे उसे याद रहेगा कि तकलीफ़ से गुजरने वालों की उसने कैसे मदद करनी है और इनसे गफलत नहीं बरतनी। कुदरत के हर इकदाम में एक गहरा राज होता है। मैं कुछ समझ रही हूँ, इस राज को कुछ समझ जाऊँगी। अगला ऑपरेशन कब है आर्यन का? 6 माह बाद, इससे ज़्यादा वक्त भी हो सकता है, साधना ने इत्मीनान से कहा। अमरहा बहुत मुतासिर थी साधना से। जब वो पाकिस्तान में थी तो खुद को दुनिया की दुखी और मजलूम तरीन लड़की समझती थी। वो रात को पाइनएप्पल की प्लेट भरकर खाती जाती और रोती जाती। उसे लगता दुनिया में उससे ज़्यादा मुश्किल और मुसीबत में कोई नहीं है, इससे ज़्यादा घुटन में कोई नहीं रह रहा। सबसे ज़्यादा तकलीफें उसे ही मिली हैं। अगर इंसान दुनिया में चल फिर कर देखे तो उसे खबर हो कि जिस दुख पर वो ऐसे वबेला मचाता है, दुहाई देता है, वो तो कोई दुख ही नहीं। लोग तो कीड़े पड़े जख्मों के साथ भी गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, और असल में वही इंसान भी हैं जो सर को आसमान की तरफ शिकवे के लिए नहीं, शुक्र के लिए उठाते हैं। एक गाहक शोज टूर में पिछले 1 घंटे से घूम फिर रहा था, लेकिन कोई जोता उसे पसंद नहीं आ रहा था। हर बार वो काउंटर का चक्कर लगाकर ज़रा आगे निकल जाता और फिर से घूमकर काउंटर तक आ जाता। अमरहा को बहुत मसरूफ थी, लेकिन उसे देख भी रही थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ स्टोर में जूतों की ट्विट नहीं मिलती,
अमरहा उसके पास आई। अच्छा, तुमने इन्हें सिखाया नहीं ट्वीट लेना और देना? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई जूता पसंद नहीं आ रहा? जो जूता अच्छा है वो महंगा है, जो महंगा नहीं वो अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ किसी खरीदारी के मूड में आए हो। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। अच्छा देखो, हमारे स्टोर में कुछ नुक्स वाले जूते रखे हैं, अगर हम वर्कर चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तुम मेरे साथ आकर अच्छे वाले लेकिन सस्ते जूते ले सकते हो। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन आज नहीं, शायद कल। फिर तुम आज क्या करने आए थे यहाँ? आज पता नहीं, मैं कल पता करके बताऊँगा। घड़ी को देखता वो चला गया, जैसे मकसद पूरा हो गया हो। शीशे के इस पार अमरहा ने उसे जाते देखा। वो हाउ डीप इन लव की धुन सीटी पर बजा रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे कोई रॉक स्टार अपना कामयाब शो करके लौट रहा हो। कल वो फिर आ गया, लेकिन जूते लेकर फिर भी नहीं गया। जब वो उसे लेकर स्टोर रूम में ले गई और उसने उसका काफ़ी वक्त लिया, तो ऐन वक्त पे उसे याद आया कि उसके पास तो अच्छी हालत में 2-3 जोड़े जूतों के पड़े हैं। फिर वो नए क्यों ले? फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? वो जिच हो गई। पता नहीं, बस कभी कभी मेरी याददाश्त काम नहीं करती, ऐसे ही चली जाती है। जब याददाश्त गई मैं आ गया, अब वापस आई है तो मुझे जाना होगा। पाकिस्तान में हम तुम जैसे लोगों को बावला कहते हैं। बावला? हाँ बाऊ आ। चलो जाओ, अब कितना वक्त ज़ाया किया मेरा। जाते जाते वो फिर रुक सा गया। मेरा ख्याल है अगर मैं एक जोड़ा ले ही लूँ तो कौमी असम्बली में यकीनन उसे जेरे बहस नहीं लाया जाएगा। वो फिर से जूते पहन पहन कर देखता रहा। वैसे मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि एक स्टूडेंट को इतना शाह खर्च नहीं होना चाहिए। ओह हाँ, मुझे याद आया, मैंने सुना है एशिया में लोगों के पास इतने कपड़े और जूते होते हैं कि अगर वो अपने कपड़े और जूते दुनिया भर के इंसानों में तकसीम करने लगे तो हर एक को 2-2 जूते और कपड़े मिल जाएं। क्या तुम्हारे पास भी इतने ही हैं? वो गड़बड़ा गई। पता नहीं, यानी इतने ही हैं। हर वक्त तुम लोग कपड़ों और जूतों के बारे में ही सोचते रहते हो और फिर असल बातों पर सोचने के लिए दिमाग में और जगह ही नहीं रहती। मेरे दिमाग में भी और जगह नहीं रही तुम्हारी ऊटपटांग बातें सुन सुनकर। कंधे झुकाकर वो चला गया। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क को पार करते फुटपाथ पर चलते उसने कम से कम 5 बार मुड़कर शीशे के उस पार काउंटर पर सर झुकाए कंप्यूटर में बिल्स की एंट्री करते अमरहा को देखा। इस बार उसने सिटी की धुन बदल डाली। वो एक मशर की धुन बजा रहा था। डेरिक आर्ट का स्टूडेंट था और उसने एक मकामी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और डबिंग के लिए अमरहा को बुलाया। अमरहा जानती थी वो अब तक शर्मिंदा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करता है। 2 मिनट की डबिंग के उसे अच्छी खासे पैसे मिल गए थे और काफ़ी से ज़्यादा मालूमात भी सिर्फ एक कैमरे के साथ डेरिक ने वो डॉक्यूमेंट्री बना ली थी और अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। डेरिक ने उसे अपनी पहली से बनाई की दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई। उसे वो सब अच्छी लगी, खासकर डेरिक की कोशिश अच्छी लगी। चंद दिन सोचने के बाद उसने डेरिक से मशवरा लिया। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मुतल्लिक एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहती थी ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अपडेट रखा जाए। डेरिक ने उसे बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिए भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है। पहले वो स्क्रिप्ट लिखे, उसने अपने लिखे स्क्रिप्ट उसे दे दिए ताकि वो इनसे सीख ले। उन्हें कई दिन पढ़ने के बाद उसने 5 मिनट का स्क्रिप्ट लिख लिया। डेरिक ने कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की और उन्होंने एडमिशन से मुतलिक एक जामिया वीडियो बना ली। डेरिक ने उसकी इंग्लिश में डबिंग की और अमरहा ने उर्दू में। वीडियो उसने पाकिस्तान के चंद टीवी चैनल्स को भेज दी और जवाब का इंतज़ार करने लगी। थोड़ा वक्त लगा और जवाब आ गया। वो वीडियो ख़रीदने के लिए तैयार थे पर वो बहुत कम पैसे दे रहे थे। इसने सोचा कि उसे कम पैसों पर ही दे देने चाहिए, लेकिन डेरिक ने रोक दिया। कभी फ़ैसलों में इतनी जल्दी नहीं करते, जल्दबाजी एक बड़े नुकसान का बाहिस बेशक न बने लेकिन बड़े फ़ायदे से ज़रूर महरूम कर देती है। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री 1 साल मेरे पास पड़ी रही थी, कोई ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ट्रायल के लिए मैंने फिर उसे एक जर्नलिस्ट को दे दिया, उसने अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दी। बस फिर मत पूछो, जिन चैनल्स ने इनकार किया था वो इसके राइट्स लेने के लिए तड़पने लगे। यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें अच्छी चीज़ चाहिए, दूसरे जिन्हें अच्छी बिकने वाली चीज़ चाहिए जो इन्हें फ़ायदा दे। तुम्हें एक इनकार हुआ है, तुम दूसरे के पास जाओ। डायरेक्ट नहीं, उसके साथ मिलकर थोड़ी बहुत रिसर्च की और अब की बार उन्होंने इन पाकिस्तानी कंपनीज को वीडियो भेजी जो स्टूडेंट वीज़ा का काम करते थे। उन्हें एक दूसरे दर्जे की वीज़ा कंपनी ने हाँ कह दी और निस्बतन अच्छी रकम ऑफ़र की। अमरहा ने हाँ कह दी। ये हाँ अच्छी रही क्योंकि इसी कंपनी ने चंद और 1-1 2-2 मिनट की वीडियोस के लिए अमरहा से बात की।
उन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के चंद दूसरे डिपार्टमेंट्स की तफसीलात चाहिए थी जो वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते। अमरहा और डेरिक ने वो भी बनाकर भेज दी। अमरहा को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था। उसे यकीन था कि अगर यही रफ्तार रही तो वो बहुत जल्द अपनी 30% का कर्ज दायम के हाथ में थमा देगी। उसकी कफायत का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा था और फजूल खर्ची का ना होने के बराबर। सर्दियां आ चुकी थी तो उसने अपने लिए सिर्फ गर्म कोट लिए थे जो वो पाकिस्तान से लाई थी। वो यहाँ बेकार थे। यहाँ की सर्दी उसकी सोच से बढ़कर थी। रात गए एक दिन दादाजी का फ़ोन आया। उसे वो काफ़ी परेशान लगे। परेशान ना होना अमरहा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बाबा अस्पताल में, मैं पूरी आज़म मार्केट में आग लगी थी, बस वाजिद खुद को संभाल ना सका। क्या हुआ दादा? वो चिल्ला उठी। वो ठीक है, सीनों में दर्द हुआ था उसके। मेरी बात करवाइए, अभी वो होश में नहीं है, तुम दुआ करो। वो कमरे से निकलकर बाहर का दरवाज़ा खोलकर आसमान तले आ गई। उसका दम घुटने लगा, ऐसे जैसे दुनिया की हर चीज़ उस दबाव से मार डालेगी। साधना उसके पीछे आई। पाकिस्तान में सब ठीक है अमरा? मेरे बाबा अस्पताल में। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। वो खामोशी से उसे देखती रही। वो ठीक हो जाएंगे? वो मुँह उठाकर साधना को देखने लगी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? दो दिन पहले तुम मुझे कह रही थी तुम शेर जवान हो। मेरे अंदर घबराहट बढ़ रही है, मेरा दिल फटा जा रहा है। ये घबराहट नहीं, मायूसी है। जब इंसान मायूस होता है उसके अंदर ऐसे ही उबाल उठते हैं, उसे बेचैन कर देते हैं। ये मायूसी ही है, वरना तुम ऐसे निकलकर बाहर को ना भागती, अपनी इबादत करती। पहला काम रोने का ना करती, दुआ का करती। खुद को संभालो, अपने घर वालों का हाल अहवाल लो। वो साधना की तरफ दंग से देखती रह गई। वो अंदर की तरफ लपकी, फ़ोन किया और दादी अम्मा सबको जी जान लगाकर तसल्ली दी। घबराइए नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। उसका अंदाज मजबूत था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो अम्मा रोती जाती थी। मेरे पास आपकी मायूसियों के जवाबात नहीं हैं। दादा उसकी मुख्तलिफ डॉक्टर से बात करवाते रहे। ठीक 3 घंटे बाद उन्हें होश आ गया और 2 दिन बाद वो घर चले गए। दुकान में मौजूद 20-25 लाख के कलीन जलकर राख हो चुके थे। बाबा के सीने में तकलीफ क्यों ना हो उठती, कारोबार के नाम पे वो कंगाल हो चुके थे। पाकिस्तान में सब बेहद परेशान थे कि अब क्या होगा, और मैनचेस्टर में वो तनदही से इन मामलात का हल निकालने में मसरूफ़ थे। लेकिन हलकान या परेशान नहीं, वाजिद सूद पे कर्ज़ा ले रहा है, दादा ने फ़ोन पे बताया। सूद पर? उसे धचका लगा। हाँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, बिना सूद के कर्ज कहीं पर मिल नहीं रहा। सूद हराम है दादा, उसे दुख हुआ जानकर। याद है मुझे और वाजिद को भी याद दिलाया है, कहता है सूद नहीं है, बस वो कर्ज़ पे मुनाफा लेंगे। दादा आप दीदा हो गए, या वो घर बेचेगा या कर्ज लेगा, वरना दुकान कैसे चलाएगा। बाबा से कहिएगा कर्ज ना ले, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? दादा हैरान हुए। क्यों, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। जहाँ एक मुश्किल आती है वहाँ दाएं बाएं 100 हल आते हैं। मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे देखती हूँ, हल ज़रूर कहीं आसपास ही है। उसने अब तक की अपनी जमा की गई तनख्वाह और डॉक्यूमेंट्री से मिलने वाले पैसे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। वो पाकिस्तानी चंद लाख थे, फिलहाल इतने भी काफ़ी थे। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद उसने लेडी महर के सामने अपना मसला रखा। उन्होंने खामोशी से एक चेक काट दिया। वो हैरान देखती रह गई। उसका ख्याल था कि लेडी महर उसे मशवरा देगी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन उन्होंने मुनासिब का एक चेक उसे लिख दिया। ये कर्ज है, उन्होंने अमरहा को याद दिलाया। जी बिल्कुल, उसने सर हिलाया। तुम्हें मालूम है अमरहा कि मैं तुम्हें और तुम जैसी कई लड़कियों को यहाँ मुफ्त भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा किया मैंने तो तुम्हें बेकार और नाकारा बना दूँगी। मेरा एक बेटा इसी शहर में रहता है और वो मेरे साथ नहीं रहता। मैंने उसे कोशिश और मुसलसल कोशिश करते रहना सिखाया। मेरे इस आरामदेह घर के शाहाना बिस्तरों पर उसे नींद नहीं आती। मैं अपने बच्चों को इस दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने देखना चाहती हूँ, और ऐसा इंसान बनने के लिए उन्हें एक शाहाना नहीं मेहनत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उन्हें जेर होना पड़ेगा ताकि वो ज़ीरो के आगे अदाद लिखकर अपने नंबर बढ़ा सके। मेरे बाबा एक किसान थे स्कॉटलैंड में, उनका अपना फार्म हाउस था। वो कहा करते थे, महलों में ज़िंदगी गुजारने वाले बदकिस्मत तरीन लोग हैं, क्योंकि वो नकारा हैं। वो मट्टी से अटे हाथ उठाकर ऐलान करते, खुशकिस्मत तो हम हैं क्योंकि हम कारामद हैं। ज़िंदगी हम में सांस लेती है, ज़िंदगी हम में धड़कती है। मैं ये रकम तुम्हें वैसे भी दे सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन ये कर्ज़ इसलिए ताकि उसे वापस करने के लिए तुम खुद को कारामद बनाओ। ठीक है जी, ठीक है। उसने चेक भी बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। बाबा का फ़ौरन फ़ोन आया। अमरहा, इतने पैसे?
कहाँ से आए इतने पैसे? मैंने अपनी लैंड लेडी से बिना सूद के उधार लिए और कुछ मेरे अपने जमा किए गए। तुमने कैसे जमा किए? दादा के सिवा किसी को नहीं मालूम था कि वो वहाँ जॉब करती है। एक दो बार दादा ने बाबा से कहा कि अमरा को पैसे भेजने चाहिए ताकि वो अपनी छोटी बड़ी ज़रूरियात पूरी कर सके, तो बाबा ने चंद हज़ार पाकिस्तानी दादा के हवाले किए कि इससे उसके 3-4 माह आराम से गुजर जाएंगे। अमरा ने वो पैसे दादा के पास ही रहने दिए। मैं जॉब करती हूँ बाबा। जॉब? तुम काम करती हो? वाह, तुमने तो कभी पाकिस्तान में छोटी सी भी जॉब नहीं की। नहीं की, गलती की, अब कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। बाबा यहाँ सब करते हैं। बाबा आप दीदा हो गए ज़िंदगी में पहली बार उसके लिए। अमरहा तुम कब इतनी समझदार हो गई? अली और हमाद को खेलने से फुर्सत नहीं है और तुमने मुझे वहाँ से लाखों भेज दिए। मैंने तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए एक रुपया नहीं दिया था। अली और हमाद को खेलने कूदने से इसलिए फुर्सत नहीं बाबा कि आपने उन्हें खेल कूद में मसरूफ़ रखा है। उन पर सख्ती करिए। अगर वो पढ़ना नहीं चाहते तो उन्हें कोई हुनर सिखाइए। हम खुद ही तो अपने बच्चों को ऐसे आराम और आसाइश की ज़िंदगी देते हैं, हम खुद ही तो उन्हें नकारा बना देते हैं। बाबा खामोशी से सुनते रहे। तुम्हारे दादा ने कहा तुम वहाँ बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे यकीन आ रहा है कि वाकई तुम बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे बताओ मैं और क्या क्या करूँ? बाबा की ये बात, मुझे बताओ और मैं क्या क्या करूँ, ने उसके दिल की धड़कन तेज़ कर दी। खुशी से उसका बुरा हाल हो गया। बाबा पहले तो सबको कफायत की आदत डालिए, फजूल खर्ची तर्क कर दें। अली और हमाद से कहा करें कि सुबह जल्दी उठें। दानिया से कहें कि वो साथ साथ जॉब करे। बाबा अपने जहन पर कोई दबाव न रखिए। जो नुकसान हो गया हमारा इसी में फ़ायदा होगा। एक छोटा नुकसान हमें बड़े नुकसान से महफूज रखता है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बस यही काफ़ी है। आप बस मेहनत से नए सिरे से अपना काम करिए और मेरी ख्वाहिश है कि आप यतीम खाने के बच्चों को बुलवा कर उन्हें दुकान में बिठा कर खाना खिलवाइए। मैं खुद जाकर उन्हें लाऊंगा और खाना खिलाऊंगा। और बताओ, वो आप दीदा हो गई और बाबा से कह ना सकी कि ये वालदैन ही होते हैं जो अपनी औलाद को वो कुल पुर्जे बनाते हैं, जो ज़िंदगी की गाड़ी में शान से फिट हो जाते हैं और गाड़ी छकाछक चलती रहती है। और अगर वालदैन इन्हीं पुर्जों को कंद कर दें तो ज़िंदगी की गाड़ी जाम होकर बंद हो जाती है। और बहरहाल उसका ज़िम्मा पहले सरबराह पर आता है, क्योंकि नौ मुलूद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। बस पापा अपना ख्याल रखिए और कभी दिल छोटा मत कीजिएगा। मेरी दुकान फिर से चल निकली तो मैं तुम्हें पैसे भेजा करूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं है बाबा, मेरे पास मेरी ज़रूरियात के लिए काफ़ी पैसे होते हैं। तुम थक जाती होगी। बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा लगता है सब करना। क्रिसमस आने में अभी वक्त था। मौसम उसकी सोच से ज़्यादा ठंडा हो चुका था। यूनिवर्सिटी में वो हर वक्त मूंगफली खाती हुई पा जाती और जिस तादाद में उसकी हेलो हाई बढ़ चुकी थी, यूनिवर्सिटी में इसी हिसाब से जितनी मूंगफली मुंह में जाती थी इससे कहीं ज़्यादा दूसरों के हाथों में जाती थी। अब रोज़ की किलो दो किलो मूँगफली तो वो नहीं ले सकती थी ना, इसलिए जहाँ ज़रा सा सन्नाटा सा देखती मुँह में डाल लेती। एक दिन ऐसा करते उसे अपने पीछे आलियान का कहका सुनाई दिया, कितनी चलाक हो तुम, कैसे चुप चुप कर खा रही हो? नहीं तो वो साफ मुकर गई। अमरहा इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी और आलियान बिजनेस का, और अमरहा तो फिर अपनी आदत के मुताबिक पूरी यूनिवर्सिटी का हफ्ते में एक चक्कर ज़रूर लगा लेती, वरना हिस्सों में तो ज़रूर ही चक्कर मुकम्मल कर लेती, लेकिन आलियान कम ही कहीं चलता फिरता, खड़ा टहलता नज़र आता। हाँ कभी कभी वो ऐसे हो जाता कि हर वक्त हर एक को नज़र आता, और कभी ऐसे कि हर कोई उसका पूछ रहा होता कि वो कहाँ है। अब वो फिर ऐसे अचानक से नमूदार हुआ तो अमरहा को अच्छा लगा। उसने जेब से मूंगफली निकाल कर उसे दी और साथ साथ वो उसे बता रही थी कि लाहौर में मूंगफली कैसे बिकती है, कैसे उसे गर्म किया जाता है, कैसे हीटर के पास बैठकर उसे उड़ाया जाता है। फिर उसने बताया कि बचपन में वो मूंगफली के छिलकों के ढेर को चुपके चुपके कंघाला करती थी, उसमें से उसे कोई मूंगफली मिल ही जाए। आलियान देर तक हंसता रहा। मैं यकीन करता हूँ, मुझे यकीन है तुमने यही किया होगा, वो हंसता रहा। फिर उंगली की पोर से अपनी आँख की नमी साफ़ की और अपने क्रॉस बैग में से उसे मूँगफली भरवा कर अपनी क्लास लेने चला गया। और फिर वो उसे एक ऐसे वक्त नज़र आया कि उसने हैरत से किताब बंद कर दी। रात 12 बजे से पहले का वक्त था। वो अपने कमरे में पढ़ रही थी और अपने कमरे की खिड़की से ज़रा दूर घर के दूसरे किनारे की तरफ उसे वो नज़र आया। पहले उसने सर को उठाकर जैसे सारे घर का भरपूर जायज़ा लिया, फिर वो एक खिड़की की तरफ बढ़ा। अमरहा ने झट अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की से सर निकाल कर उसे देखने लगी। वो इस खिड़की से उछल उछल कर अंदर झांक रहा था।
फिर उसने यही काम दूसरी खिड़कियों के साथ भी किया। फिर वो खिड़की की चौखट पर खड़ा होकर पाइप का सहारा लेकर ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम में झांकने लगा। अमरहा का हैरत से बुरा हाल था। वो इतनी मशाकी से ये काम सब कर रहा था जैसे स्पाइडरमैन हो और एक अरसे से ऐसे करतब कर रहा हो। फिर वो इस खिड़की से ज़मीन पर कूद आया और टहलने से लगा। अमरहा ने सर को ज़रा पीछे कर लिया। अब वो इसी खिड़की के पास आ रहा था। अमरहा ने आंखें फाड़ कर देखा, वो उसी की खिड़की के पीछे खड़ा था। अब वो खिड़की भी बंद नहीं कर सकती थी, वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने चंद मिनट इंतज़ार किया और खिड़की से पीछे झांकने के लिए आगे हुई और उसकी चीख निकल गई। आलियान एकदम से उसके सामने आया, वो खिड़की पर चढ़ चुका था। अमरहा, आलियान ने सरगोशी से की, तुम यहाँ? अमरहा दो कदम पीछे हटी। तुम यहाँ? खिड़की की चौखट पकड़े वो गिरने के करीब हुआ, फिर उसने जल्दी से मजबूती से खिड़की को थाम लिया। जंगल या बियाबानों में अंधेरे के बिस्तर पर मीठी नींद सोए सब जुगनू उसकी आंखों में एक एक करके जागने लगे। ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है अमरहा, मुस्कुराहट दबाता वो नीचे को हो गया, किसी जंगली लंगूर की तरह जैसे वो अपना गुरु मानता होगा। अमरहा ने बेतरह हैरान होकर जैसे जैसे खुद को होश में लाना चाहा, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने देखा वो सच था, हकीकत था, ख्वाब नहीं था। उसका यूनिफेलो ऐसे उसके कमरे की खिड़की में आकर उसे बता गया कि ये उसका घर है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की से सर बाहर निकाला। वो ज़रा दूर दूसरी खिड़की की तरफ लपक रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। आखिर वो कर क्या रहा था, ऐसे आधी रात के वक्त उसकी रिहाइश गाह के गिर्द पागलों की तरह कूद फांद रहा था। अमरहा ने सर को ज़रा और आगे करके कहा, तुम क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ पर वो रुककर उसे देखने लगा, जैसे परियों के देश की कहानी सुनते बच्चे सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि क्या कोई परी उनके सरों के ऊपर उड़ती जादू की छड़ी घुमा रही हो। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो वो नज़र क्यों नहीं आती। अच्छा ना, वो नज़र आ गई। वो नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वो खिड़की से सर निकाले उस पर खफा हो रही थी। पागल हो क्या, आवाज़ को धीमा रखकर वो चिल्लाई, पागल हूँ मैं। मिलियन पाउंड लवासी अबरू को चुका कर मुस्कुराहट दबाकर उसने सर हिलाया। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है, अपनी दांत में वो उसे चिढ़ा रही थी। तो फिर सीधे रास्ते से अंदर आकर दिखाओ। अच्छा, आलियान सीने पर हाथ बांध लिए और उसके अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगा। क्या ड्रामा है ये, अमरहा पूरी कुवत से चिल्लाई। उसने झरझरी लेकर डरने की अदाकारी की और कान में उंगली घुमाने लगा, फिर सर को झुकाकर कान को साफ करने का अमल किया। अमरहा को काफ़ी बुरा लगा। उसने अपनी स्टडी टेबल पर रखा एक अदद मोटा मैगजीन उठा लिया और उसे दे मारने के लिए बुलंद किया। आलियान को बुरा लगा, वो संजीदा होकर उसे देखने लगा। क्या वो खिड़की में खड़ी जूलियट है और क्या वो नीचे खड़ा रोमियो है, सितारों भरी रात ने वक्त के कान में सरगोशी करके पूछा। वक्त ने कंधे चकाए और मुस्कुरा कर कहा, इंतज़ार करो। अमरहा मैगजीन उसे दे मारती वो तेज़ी से घर की दूसरी तरफ चला गया। उसने तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकाल कर उसी ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसे नज़र नहीं आया। कुछ ही देर में उसे घर के अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगी। रात के वक्त उसे इस तरह की आवाज़ों का आना अजीब लगा था, खासकर लेडी महर की आवाज़ का। वो अपने कमरे से बाहर आए, साधना भी अपने कमरे से निकल कर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? दीदी का बेटा आया है उन्हें सालगिरह विश करने। कब आया? अभी। और अंदर चलिए। साधना ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों लेडी महर के कमरे में चली गई। और लेडी महर के बेड पर बैठा आलियान उन्हें मुन्ना सा बेक केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। अमरहा देखती रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेडी महर ने उसे एक बार बताया था। यूनिवर्सिटी को फ़ख्र है उस पर और मुझे उस पर बिज़नेस के नए रुझानात और तरीक़ों पर। उसने जो असाइनमेंट लिखी थी उसे यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी महर को गले लगाया और सालगिरह विश की। अमरहा भी आगे बढ़ी। आलियान ने जल्दी से केक छुपा लिया। ये बचा हुआ केक मैं साथ ले जाऊँ, इतने से केक में भी तुम्हारी जान है, लेडी महर बहुत खुश थी। नहीं, केक में जान नहीं रही अब ममा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शटल कॉक। कैसा मासूम इंसान था ना, वो कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटल कॉक? आलियान नहीं, अमरहा की तरफ देखा। नहीं, मैं नहीं कहती, यूनिवर्सिटी में पहले से है ये शटल कॉक के नाम से मशहूर था, मैंने तो नहीं कहा। अमरहा घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे बुखला देते थे। आलियान,
आज रात यहीं रुक जाओ। वो उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी थी। आलियान हंसने लगा, आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। अमरहा रात से उसे देखने लगी, ये क्या तरीका है आने और जाने का, आज मैं दरवाजे के रास्ते पर चला जाता हूँ। आलियान लेडी महर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे उसकी खिड़की देखनी है। क्यों, इतने क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसा लग रहा था। जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? उफ़। अमरहा को खामोश होना पड़ा। अब खुले दरवाजे से अंदर झांककर उसने खुद ही अंदाज़ा कर लिया कि ये उसका कमरा है। तुम लेडी महर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की में से सर बाहर निकाल कर इस तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। लेकिन उनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने जल्दी से अपने पूछ से बैग उतारा और जो चुना मुना केक बच गया था वो निकाल कर अमरहा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कुक हो? ओके, मैं चला। उसने एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान न देने पर गिर गया। अमरहा चीख दबाती खिड़की की तरफ लपकी, नीचे झांका। पाइप से झूलता वो ज़मीन पर छलांग लगा चुका था। अमरहा ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए थैंक्स, अब तुम सो जाओ। वो दोनों हाथों के मुंह के दाएं बाएं रखकर थोड़ा सा चिल्लाया, गुड बाय। कौन कह रहा था उसे? अमरहा तो इस बंदर के तमाशे देख रही थी। गुस्से से उसने खिड़की बंद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए टॉमिस के हाथ से बनी गर्ल आई विंडो जैसी लग रही हो। बस तुम ज़रा गुस्से में हो। टॉमिस की गर्ल तो मुस्कुराती है। बैग को संभालता वो टांगों की ताली बजाता वो चला गया। बंदर, इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमरहा बंदर कहकर बुड़बुड़ाने लगी। उसका दिया केक वो किचन में रखा है। उसका कोई मूड नहीं था रात के इस वक्त केक खाने का, लेकिन आलियान के इस तरह आने के बारे में वो ना चाहते हुए भी रात गए तक सोचती रही। ये इसका घर है, यानी आलियान भी लेडी महर का वो बच्चा है जिसे उन्होंने पाला है। आलियान से मिलकर उसे कभी ये गुमान नहीं हुआ कि वो भी एक ऐसे इदारे में रहा है जहाँ बेसहारा और नाजायज़ बच्चे परवरिश पाते हैं। उसके अंदाज़ो तवार ऐसे थे कि लगता था कि वो किसी बड़े ख़ानदान का चश्मा चिराग है। अमरहा को अजीब सा लगा कि यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही है, बग़ैर ख़ानदान के परवरिश पाने वाला नाजायज़। उसका नाम आलियान था, उसकी माँ का नाम मार्गरेट था। ये सब क्या चक्कर था? शायद लेडी महर ने उसका नाम आलियान रखा हो, उसे उर्दू सिखाई हो, वरना शायद वो रिचर्ड एन या हरमिन होता। लेडी महर अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे उनसे, तो एक बच्चा उनके लिए अपना नाम तो बदल ही सकता है। उनके बाकी बच्चे भी थोड़ी बहुत उर्दू बोल ही लेते थे, तो आलियान किसी की नाजायज़ औलाद है। इसे वालदैन के नाम पर सिर्फ माँ ही मिली, इसलिए उसका सर नेम मार्गरेट है। आलियान उसका अच्छा दोस्त बनता जा रहा था। इसके बारे में एक मालूमात होने पर वो उसके लिए अफसोस महसूस कर रही थी, सिर्फ अफसोस और कुछ नहीं। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अमरहा को इस वाइट हाउस में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उसका कमरा जो लेडी महर ने उसे दिया था काफ़ी बड़ा था। खिड़कियां कद आदम थी और कमरे की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि खिड़की के ऐन सामने की दीवार पर किसी नौ अमूज खतात के कलम से सजी कुन फाया कुन के हल्के रंगों से बनी पेंटिंग लगी थी। उसकी ज़िंदगी में कहीं अनोखे वाक़यात हो रहे थे, अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन उसके लिए नए थे। वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई और गैर इरादी तौर पर इस तरफ देखने लगी जहाँ आलियान खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर था। जिस फ्रेंच अंदाज से वो खफा होता था वो उसका ट्रेडमार्क था। फ्रांसियों का सीखना चाहे कि खफा कैसे होना चाहिए, लेकिन अमरहा ये नहीं सोच रही थी कि वो कितना खूबसूरत और ज़िंदगी से भरपूर है या यूनिवर्सिटी उसके लिखे को किताबी शक्ल में लाती है। वो तो उसके नाजायज़ होने के बारे में सोच रही है किस कदर कराहत से। अगला सारा दिन डोरबेल बजती रही। लेडी महर के इन बच्चों की तरफ से दुनिया भर से तहाइफ आते रहे। उनका वक्त फ़ोन कॉल सुनते ही गुजर रहा और तो और सब अपने अपने घर अपनी अपनी जगह केक रखे बैठे थे और स्काइप पर लाइव लेडी महर को सामने बिठाए केक काट रहे थे। इधर लेडी महर केक काट रही थी। हर एक घंटे बाद कोई ना कोई ऑनलाइन हो जाता, कम से कम 10 केक कटे। अमरहा के ऐश थे, केक खा खा कर वो थक चुकी थी। तहाइफ का इतना ढेर लग चुका था कि उसे लेडी महर पर रश आने लगा था। कैसी औलाद मिली थी उन्हें,
जो उनकी नहीं थी और उनकी अपनी औलाद से ज़्यादा उनकी अपनी थी, जिनमें कौम व नस्ल, मज़हब व रवायत का फ़र्क था। फ़र्क नहीं था तो एक मोहब्बत में नहीं था। लेडी महर ने उन्हें मोहब्बत दी थी तो वो भी कंजूस नहीं थे। रात तक जब आखिरी तोहफा भी आ चुका तो इन सब ने आतिशदान के पास बैठकर वो सब तहाइफ खोले। इतने बेश कीमत तहाइफ थे कि अमरहा की आंखें खैरा होकर रह गई थी। लेडी महर एक तोहफे को खोलती, उसे कितनी ही देर छूती रहती, होंठों से लगाती और अपनी आंखों पर रख लेती। वो तहाइफ बिलाशुबा बहुत कीमती थे क्योंकि उन्हें मोहब्बत से ख़रीदा गया था। बे औलाद होकर भी एक खतून ने औलाद वालों से ज़्यादा खुशी पाई। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ था कि उन्होंने इंसानियत की मेराज को छू लिया था। उन्होंने रंगो नस्ल को मिटाकर इन सब को गले से लगाया था। वो एक एक तोहफे को खोलती और उसे भेजने वाले के बारे में बताती जाती। देखो ज़रा मॉर्गन को, इतनी महंगी वॉच मुझे भेज दी, मुझे इसकी ज़रूरत है या उसे? अब मैं कुछ कहूँगी तो नाराज़ हो जाएगी। हर साल मुझे पहले से महंगा तोहफा देती है, पार्ट टाइम जॉब करती है। जब घर आया करती थी तो मेरे दाएं कान के साथ अपना बायां कान जोड़कर सोया करती थी, और अगर सोते में उसका सर खिसक जाता, यूं उठकर फिर से मेरे कान से कान मिलाकर सो जाती थी। जाने उसे क्या खप था, कहती थी रात में ख्वाबों में, जो कुछ भी आप सुनती हैं मैं भी वो सुनना चाहती हूँ। और अगले दिन उठकर मुझे बताया करती थी कि मुझे आने वाले सारे ख्वाब उसने भी सुने हैं। साथ साथ लेडी महर अपनी आंखों की नमी साफ़ करती रही। ये बातें सुन जानकर अमरहा को लग रहा था उसने मुल्क नहीं बदला, दुनिया ही बदल रही है। क्या दुनिया में लेडी महर जैसे लोग भी हैं? ये डेंस ने मुझे दिया है। उन्होंने लकड़ी के नफीस तख्ते को उन सब के सामने किया। तख्ते पर एक तस्वीर खुदी जिसमें एक औरत कुर्सी पर बैठी है, उसके सर पर फरिश्ते का हाला चमक रहा है और 10 बच्चे इस फरिश्ता सिफ्त खतून के सामने बैठे उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे हैं। ये देखो क्या बना डाला डेंस ने मुझे, आजकल जर्मनी में होता है, अपना बिजनेस कर रहा है और एक एनजीओ भी चला रहा है। ये 12 साल का था जब एक रात मेरे पास रहा था तो रात के किसी पहर अपने बिस्तर से निकलकर मेरे बेड के करीब आकर खड़ा हो गया। न जाने कब तक खड़ा रहा। जब अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ये मेरे पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा है। क्या मुझसे ज़्यादा कोई औरत इस कराए ज़मीन पर ऐसी खुशकिस्मत होगी जिसे उसकी औलाद रातों को ऐसे उठ उठ कर मोहब्बत से देखती हो। बहुत देर तक लेडी महर सबकी बातें करती रही, फिर अमरहा उन्हें उनके कमरे में ले आई। बेड साइड टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर फ्रेम में रखी थी, वो पहले वहाँ मौजूद नहीं थी। ये आलियान ने दी है। लेडी महर तस्वीर को हाथ में लेकर उसे होंठों से लगाने लगी। तस्वीर हाथ से बनाई गई थी जिसमें आलियान ने अपने तखयल को दिखाया था कि वो लेडी महर को नौजवान और ख़ूबसूरत कैसे देखना चाहता है। बहुत प्यार करता है मुझसे, उन्होंने अमरहा को प्यास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपने सब बच्चों के बारे में बताया था, अब वो उसके बारे में क्यों ना बताती। 18 साल का होने के बाद जब ये अदारे से निकला तो मैं इसे घर ले आई। ये मेरे दूसरे सब बच्चों में सबसे छोटा था और बचपन में बहुत रोया करता था। जब ये एक दिन और एक रात मेरे पास रह कर जाता तो मुझे बताया जाता कि वो वापसी पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है, रात रात भर सोता नहीं, खाना नहीं खाता। फिर मैं जाकर उसे मिल कर आती लेकिन उसे घर ना बुलाती। फिर ये बड़ा हो गया तो मैंने सोचा अब इसे अपने पास रखूँगी। वो घर आ गया और बहुत खुश था, बल्कि खुशी से रोता रहा। कहीं कई घंटे वो घर की दीवारों को, कमरों को देखता रहा, आतिशदान के करीब बैठा ऊँगता रहा और फिर रात रात भर टीवी पर एक्शन फिल्में देखता रहता। मैंने सोचा नया नया घर का माहौल मिला है शायद इसलिए। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, इसके मामूलात में तब्दीली ना हुई। दिन भर बाहर खेलता, रात को फिल्म और वीडियोज़ गेम ने मैंने सोचा नया नया घर का माहौल मिला है शायद इसलिए लेकिन कई हफ्ते गुजर गए इसके मामूलात में तब्दीली ना हुई दिन भर बाहर खेलता रात को फिल्म और वीडियो गेम्स मैंने इंतज़ार किया कि शायद वो खुद को बदल ले। वो बड़ा हो चुका था, अब उसे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो मुझे मायूस कर रहा था। एक दिन जब शदीद बर्फ़बारी हो रही थी, मैंने उसे उसके चंद गर्म कपड़े एक बैग में रखे और उसे चंद पाउंड्स देकर घर के दरवाजे के बाहर किया और उसे कहा इंसान बन जाओ तो आ जाना, अपने घर को मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। फिर अमरहा को बेतहाशा हैरत हुई, लेडी महर इतनी सख्ती से काम लेती रही थी। पूरा एक साल मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये तो मैं जानती थी कि वो बहुत ज़िद्दी है, गुस्सा भी बहुत आता है उसे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो ऐसे मुझसे नाराज़ हो जाएगा।
मुझे दुख हुआ कि शायद मैंने उसके साथ ज़्यादा ही सख्ती से काम लिया, लेकिन मैं क्या करती, मेरे घर का आरामो आसाइश उसे बर्बाद कर रहा था। मैं अपने घर को आग लगा सकती थी, लेकिन आलियान को ऐसे नाकाम होते नहीं देख सकती थी। लेडी महर के बेड के करीब काउच पर बैठे अमरहा थोड़ी देर को चुप सी हो गई। उसके दोनों भी लगातार फेल होते रहते थे स्कूल और कॉलेज में, लेकिन कभी उन्हें डांट के अलावा कुछ नहीं कहा गया था। बाबा उनका जेब खर्च बंद कर देते तो अम्मा चुपके से उन्हें पैसे दे देती थी, वरना दादी आए दिन वो नई से नई मोटरसाइकिल बदलते, दिन रात बाइक चलाते और रात गए घर आते, और नहीं तो कंप्यूटर या मोबाइल के साथ मसरूफ़ रहते और अम्मा बाबा के सामने ये सब करते, लेकिन कभी उन्हें ठीक करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई थी। और तो और, अगर वो सो रहे होते और दादा उन्हें उठाने की कोशिश करते कि बहुत सो लिए, तो अम्मा और दादी दादा से लड़ने लगती कि क्यों उठाया जा रहा है इन्हें, बच्चे हैं सोने दिया जाए। ये बच्चे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, काम वालों ने अपने दिन का आधा रिस्क कमा लिया, इस उम्र में मैंने अपने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। दादा कहते, वो वक्त और थे, अम्मा बुरा मान जाती, वो अच्छे वक्त थे। मेरे अब्बा जी मुझे 100 जूते लगाते थे अगर मेरी आंख अजान फजर के बाद खुलती थी। मस्जिद के इमाम साहिब ने बच्चों को जल्दी उठाने की आदत डालने के लिए अजान फजर की जिम्मेदारी बारी बारी सब पर लगाई थी। जिम्मेदार लोग समझदार लोग थे, इस ज़माने के सबसे तरबियत करते थे। मेरी अम्मा तंदूर पर रोटियां लगाती तो मेरा बाप मुझे तंदूर पर बिठा देता, कहता तुझे भी पता चलना चाहिए कि तेरी माँ कैसे झुलस कर तेरे लिए रोटी पका रही है। मेरे अब्बा जी के नहाने के लिए बाल्टियाँ मेरी माँ मुझसे भरवाती, कहती तुम्हारे लिए मेहनत मशक्क़त करके आता है, उसकी धूल मिट्टी साफ़ करने की मशक्क़त तुम करो। अगर हमारे माँ बाप हमारे चाव चौंचले ही करते रहते तो वक्त की सख्ती ने हमें पीस कर रख दिया होता और हम चलने से पहले ही गिरने जैसे हो जाते। बस बस, दादी को हमेशा दादा का लेक्चर बुरा लगता। दादा की इस लेक्चर की समझ अमरहा को अब आ रही थी। फिर क्या हुआ, अमरहा को बहुत दिलचस्पी हो रही थी इस किस्से में। मुझे इतना तो यकीन था कि वो महफूज होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता। फ़ोन बजता तो मेरा दिल सहम जाता, मेरे कान डोरबेल की आवाज़ पर लगे रहते। लेकिन पूरा साल बीत गया, उसकी कोई खबर ना मिली। एक रात मैं सो रही थी तो किसी ने मेरा लिहाफ उठाकर बादाम के छोटे से केक पर एक मोमबत्ती जलाकर मेरे आगे किया। वो आलियान था, वो खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में मुझे सरप्राइज़ देने आया था, और ये रवायत अब तक कायम है। हाँ, लेडी महर मुस्कुराने लगी, लेकिन अब कुछ ऐसे कि मैं अपना कमरा बदल लेती हूँ। वो एक एक खिड़की फलांगता झांकता आता है। इस रात उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड मेरे आगे रखा। मैं इंसान बन चुका हूँ, उसने फ़ख्र से मुझे बताया। यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दिया था। लेडी महर ने अपनी आंखों की नमी साफ़ की। उसने मुझे मायूस नहीं किया था जब मैंने अपने सब बच्चों को गोद लिया था। इस वक्त मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इन्हें बेहतर इंसान बनाऊंगी, मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े दरीग नहीं करूंगी। एक औरत की गोद में जब बच्चा आता है तो उस पर नबियों और वलियों जितनी जिम्मेदारी आयद होती है, एक ऐसा फ़र्ज जिसमें गफलत की गुंजाइश नहीं है। जब एक इंसान को परवरिश के लिए तरबियत के लिए एक दूसरा इंसान दिया जाता है तो जैसे कुल इंसानियत की लगामें उसके हाथ में दे दी जाती हैं कि इसे इबलीस बना दो कि कल इंसानियत के लिए वबाले जान बन जाए। ये वो बंदा है बशर जो अपने आगे और पीछे और दाएं और बाएं खैर की रोशनी बिखेरता चला जाए। सारे इंसान खैर होते हैं अमरहा, बस उनकी परवरिश के जो गहवारे होते हैं वो इन्हें कुछ का कुछ बना देते हैं। ये सब फूल होते हैं, बस हम ही इन्हें तोड़ कर मसल कर अपनी मर्जी के कीचड़ में फेंक देते हैं। वीरा को फ्लैट लाइन पर वाकया गैलरी ऑफ कॉस्ट्यूम जाना था। पहले उसने अमरहा के लंबे बालों की लिटों को गोल गोल बल देकर मखसूस रूसी अंदाज में गूंदा, फिर उसे साथ चलने के लिए कहा। मैं साइकिल पर नहीं जाऊंगी। क्यों, अभी भी डरती हो साइकिल पर बैठने से? जैसे तुम चलाती हो कोई भी हमेशा के लिए डर सकता है। यूनिवर्सिटी तक ठीक है, कहीं और जाना है तो सबवे या बस ठीक है। दोनों बस में प्लेट लाइन आ गई। मौसम बदला तो वीरा लॉन्ग शूज़ पहनने लगी थी, चुस्त जीन्स जैसे जंगल में शेर के शिकार के लिए जा रही हो। बालों के नित नए स्टाइल बनाए हुए वो अपनी आंखों को ऐसे चुकन्ना रख कर चलती जैसे किसी खुफिया एजेंट की एजेंसी हो। अमरहा को उसके साथ चलते हुए ऐसा एहसास होता जैसे वो उसकी बॉडीगार्ड, जैसे कोई अमरहा को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो दिल ही दिल में ख्वाहिश करती कि काश वो भी वीरा जैसी हो जाए। उसने वीरा से पूछा नहीं, खुद ही से सोच कर कि वो खरीदारी करने जा रही है कपड़ों की,
लेकिन गैलरी पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि शायद वीरा यहाँ अपने किसी आर्टिकल के लिए मवाद इकट्ठा करने आई है या अपने ब्लॉग के लिए कुछ तस्वीरें लेने। जिस बारीक बीनी से वो मलबूसात का जायज़ा ले रही थी वो आम अंदाज़ नहीं था, वही एजेंट का सा अंदाज़। तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा तो नहीं है ना? आवाज़ को आहिस्ता रखकर अमरहान ने पूछा। तुम मेरे बारे में ऐसे भी सोच सकती हो? एजेंट ने उसे घूरा। वो तुम इसी किस्म की फिल्में देखती हो ना, मतलब जो फिल्मों में देखती हो वो सब करने भी लोगो? मुझे यकीन दिलाओ, पाकिस्तान में सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अमरहान ने मुँह फुला लिया और ऐसा अंदाज़ अपना लिया कि वो अब वीरा से कोई बात नहीं करेगी शाम तक, बल्कि रात तक। अपना ये मुंह अपने ऐसे ही फुलाए रखना, लेकिन खोलना मत। मैं यहाँ मखसूस तर्ज का एक लिबास ढूंढने आई हूँ, जब वो मिल जाएगा तो बाकी की तफसील भी बता दूंगी। तुम चाहो तो अलग से गैलरी को देख सकती हो, फारिग होकर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। वीरा चौंकन्नी की रफ्तार से एक एक शो पीस के आगे से सिरक रही थी। वो दोनों इस वक्त 18वीं सदी के सेक्शन में थे, ना सिर्फ मैनचेस्टर बल्कि पूरे बरतानिया में दी गैलरी ऑफ कस्टम हाउसेस अपनी इनफरादियत में यकसा हैसियत के मालिक गैलरी है। गैलरी 20,000 से जायद आइटम्स रखती है। लेट 17 से अब तक के फैशन के मर्दाना जनाना बचगाना कपड़े जूते जेवरात और ऐसी दूसरी चीज़ें बड़े पैमाने पर कॉस्टिंग हाउस में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। यानी ये हाउस ऐसी सब चीज़ों का जदीद तरह से सजा अजायब घर है, जाहिर है, जो देखने से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास तौर पर 17, 18 और 19वीं सदी के हिस्से देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यकीन नहीं आता कि कभी यूरोप में भी ख़वातीन ने दस्ताने पहने थे। स्कार्फ के इस्तेमाल को लबास की तरह ज़रूरी समझा जाता था। ऐसे घेरदार लबास पहने जाते थे कि असल जिसामत के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। तो फिर ऐसे प्यारे मलबूसात से उन्होंने क्यों कर अपनी जान छुड़ा ली, तर्क क्यों कर दिए? तो गैर वक्त की रूह है और बिलाशुबा आने वाला वक्त गुजर जाने वाले वक्त से बेहतर होता है, होता रहेगा, ऐसा ही फरमाया गया है। इन मलबूसात ने अमरहा को मबहूत कर दिया। वो बेहद नफासत से सिलाई किए गए थे, इन्हें पहनने से ज़्यादा देखते रहने को दिल चाहता। मोमी पतले जो उन्हें पहने खड़े थे सांस लेते लगते और देखने वालों को अपने साथ वक्त के तगैर के सफ़र पर जाने पर मजबूर कर देते। अमरहा ने उनके साथ वक्त का सफ़र किया। जब वो जी भरकर गैलरी देख चुकी तो वीरा के पास आई। वो एक विक्टोरियन शोकेस के सामने खड़ी पेंसिल से कागज़ पर स्केच बना रही थी। अब ये क्या कर रही हो? अपने लिए ड्रेस बना रही हूँ, अपने काम में मसरूफ़, वो बोली। वो एक विक्टोरियन फ्रॉक का स्केच बना रही थी जिसके बाजू कोहनी तक थे और आगे जाली लगी हुई थी जो कलाई पर बटरफ्लाई साख्त में बंद हो जाती थी। फ्रॉक 3-4 मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से बनाई थी, लेकिन उसका प्राइम कलर हल्का नीला था और जहाँ बजा उस पर सफ़ेद जाली के पर्चे लहराए छोड़े गए थे। उसका घेरा इतना था कि अमरहा के 5 शलवार सूट बन सकते थे। अमरहा ने वीरा के पसंद की दाद दी। बिलाशुबा वो एक बेहद नफीस फ्रॉक थी और उसकी ख़ास बात यह थी कि उसे देखने से ही एक शान का एहसास होता था, मोतबरी और आला ज़ौक का। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी तो दोनों बाहर आ गए। अमरहा के पास मज़ीद 2 घंटे थे, फिर उसे अपनी जॉब पर जाना था। कैसा है? वीरा ने स्केच उसके आगे किया। ज़बरदस्त, पर इसका करोगे क्या? बहुत ही ख़ास दिन पहनूंगी, अपनी शादी पर इससे भी ख़ास दिन। शादी से बढ़कर और क्या हो सकता है? कॉन्वोकेशन पर? मेरे नज़दीक शादी से भी ज़्यादा एक और दिन बहुत ज़्यादा ख़ास होता है किसी लड़की के लिए, जब उसे लगता है कि उसे 2 जिंदगियों के ट्रैक्स को एक कर देना चाहिए। जब वो ये फैसला करती है तो उसे अपनी ज़िंदगी में किसी और एक ही जैसे बेहद अहम और इकलौते इंसान को शामिल करना है। यानी वो वक्त जब दो लोग बलाखिर ये तय कर लेते हैं कि उनमें बादशाह कौन है और मलका कौन। आखिरी फिक्रा वीरा ने निचले लब का कोना दांतों में लेकर शरारत से छोड़ते हुए कहा। जब कोई तुम्हें प्रपोज करेगा उस दिन? मेरा दिल खोल कर हंसी। यहाँ मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। जिस दिन मैं उसे प्रपोज करूँगी उस दिन, जिस दिन तुम मुझे, उसने स्केच की तरफ इशारा किया, देखो समझ लेना मैं मोर का सर कर आई हूँ। अमरहा को उसका एतमाद अच्छा लगा। वो जानती थी उसे प्रपोज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये अहम काम वो खुद करना पसंद करेगी। एक फ्रॉक अमरहा को भी बहुत पसंद आई थी। वो हल्के गुलाबी रंग की थी जिस पर हल्के नीले सुर्ख पीले परों वाली तितलियों को ऐसे बनाया गया था जैसे एक दूसरे के आगे पीछे भागती दौड़ती शरारतें करती खेल कूद की हद करती हूँ। अमरहा इस फ्रॉक को अपने सबसे ख़ास दिन,
अपनी शादी के दिन जेब तर करने की ख्वाहिश को अपने अंदर पैदा होने से ना रोक सकी। ये ख्वाहिशें अचानक उसके अंदर जागी, वरना उसने कभी अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। उसने तो कभी उस शख्स के बारे में भी नहीं सोचा था जिसे कभी तो उसकी ज़िंदगी में आना ही था। उसकी मंगनी हुई तो भी उसे कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई थी कि वो कौन शख्स है। उसे सिर्फ अपने घर के माहौल से, अपने आसपास के माहौल से निकलने में दिलचस्पी थी। हत्ता कि उसकी शादी भी तय हो गई थी तब भी उसने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है, कैसा है। उसने कई बार उसके बारे में सोचा कि एक दादा के अलावा वो क्यों बाकी सबसे ला ताल्लुक़ रहती है, उनके साथ ताल्लुक क्यों नहीं बना पाती, उसकी दोस्तें दूर दूर से दोस्तें ही क्यों रहती हैं, वो उसके और करीब क्यों नहीं जा पाती। उसने दादा को ये सब बताया तो वो खामोश से हो गए। इस वक्त तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में दादा ने उसे बताया कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आज तक सब ने उसे तकलीफ़ ही दी है। उसे सब इंसान एक जैसे लगते हैं, सिर्फ तकलीफ़ देने वाले। अंदर के इस वहम और खौफ की वजह से उसे कोई इतना अच्छा लगता ही नहीं कि वो उसकी ज़ात में दिलचस्पी ले। वो और वीरा प्लेटफील्ड पार्क आगे सैंडविच और कोक उनके हाथ में थी। चलते चलते एकदम वीरा उछली और साथ ही रूसी जबान में गाली दी, फिर तेज़ी से सुपरमैन की तरह उछल कर छलांग लगा कर स्केटिंग करते हुए एक हिप हॉप पॉय को गर्दन से जा लिया और देखते ही देखते उस पर लातों, घुंसों और गालियों की बारिश कर दी। फिर उसने लड़के को किसी बिल्ली के बिलोंगड़े की तरह उठाया और झील के ठंडे पानी में उछाल दिया। शराब की आवाज़ आई और किनारे पर खड़ी वीरा उंगली उस बिलोंगड़े की तरफ लहरा लहरा कर उसे मजीद अलकाबात से नवाज रही थी। वीरा के गुस्से और उंगली लहराने की रफ्तार को देख कर अमरा अंदाज़ा लगा सकती थी कि उस जबान रूसी जबान में इस वक्त क्या नशर किया जा रहा है। बिलोंगड़े ने पानी में डुबकी लगाई और तेज़ी से हाथ पैर मारता दूसरे किनारे से निकलकर भाग गया। क्या कहा था इस पहाड़ी बकरे ने? अमरहा को उसके भागने के अंदाज़ पर बहुत हंसी आई। मेरी कमर पर चुटकी भर कर गया था, तुमने कैसे उस पर तशद्दुद किया, उसे ठंडे पानी में फेंक दिया। कोई मसला हो गया तो वो पुलिस ले आया तो पुलिस ले आई या फौज, मैं तैयार हूँ। एक बार स्कूल ग्राउंड में मेरे एक क्लास फेलो ने मुझे हरासा किया था, मैं 10 साल की थी उस वक्त। वो एक लोफर और गंदा लड़का था और स्कूल की हर कमज़ोर लड़की उससे डरती थी। अगले दिन खौफ से मैं स्कूल नहीं गई। मेरे पापा को मेरे स्कूल ना जाने की वजह मालूम ही तो उन्होंने मुझे घर के पहाड़ की तरह जमी बर्फ़ में गर्दन तक दबा दिया। मेरे बदन पर एक बार गर्म कपड़ा नहीं था, मैं चीखने और चिल्लाने लगी। वो खामोशी से मेरे पास बैठे रहे। जब मैं बिल्कुल मरने के करीब हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बर्फ़ के इस ढेर में दबे रहना बहादुरी है या स्कूल से छुट्टी कर लेना, वो भी नाम नेहाद खौफ और बुजदिली की बिना पर। वो मुझसे बार बार यही एक सवाल पूछते रहे। मेरे होंठ नीले पड़ गए थे और मेरी जान निकलने में कुछ ही वक्त रह गया तो उन्होंने कहा, अगर तुमने बाकी मानदा ज़िंदगी भी ऐसे बुजदिल बनकर गुजारनी है तो ख़ुद को इसी बर्फ़ में दफन कर दो, मर जाओ उससे ढेर में, बुजदिलों को मर ही जाना चाहिए। अमरा दंग वीरा की शक्ल देख रही थी। रूस की तरह ठंड और बर्फ़ को जानती हो क्या? हाँ, अमरहा ने साथ ज़ोर ज़ोर से सर भी हिलाया। क्या ठंड ठंड होती है, बर्फ़ बर्फ़ होती है, क्या जवाब दिया था उसने? ठंड ठंड नहीं होती, बर्फ़ बर्फ़ नहीं होती अमरहा, मौत होती है, सफ़ेद मौत। सर्दियों में पानी फेंको तो वो वहीं फ़जा में ही जम जाए, तुम्हारे मुल्कों के लोग वहीं जाते ही मर जाते हैं। वैसे तुम्हारी दुनिया के बारे में मालूमात इतनी कम क्यों है? मैं जानती हूँ रूस कहाँ है, रूस में क्या क्या है ये जानती हो, पाकिस्तान में क्या क्या है तुम ये जानती हो, पाकिस्तान में क्या क्या नहीं है मैं ये भी जानती हूँ। तुम क्या चाहती हो, मैं ज़्यादा से बात शुरू करूँ या अब्दुल कदीर से? कहो तो मैं क्वेटा के बारे में भी बहुत कुछ बता सकती हूँ, मैं तुम्हारे इन चंद शहरों के नाम भी बता सकती हूँ जो ज़ेरे ज़मीन पेट्रोल के दरिया रखते हैं लेकिन जिनके बारे में ख़ुद पाकिस्तानी नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वो सिर्फ़ इन रिपोर्टों को मानते हैं जो इन्हें नाम नेहाद गैर मुल्की बना कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इन ज़रखेज़ों को काम में लाकर तरक्की करे। वो ऐसा तब करेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि इन ज़रखेज़ों के निकलते ही उन्हें इनके ठेके मिल जाएंगे या इन पर इनका कब्ज़ा हो सकेगा। हमारे रूस में एक बात कही जाती है, पाकिस्तानी इस वक्त सलूट किए जाने के काबिल थे जब वो हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बने थे और तब जब वो एटमी ताकत बने थे और बस पाकिस्तानियों ने ये सलूट दोबारा नहीं ली। अमरहा जानती थी कि वो ठीक कह रही है, खुद वो ये तक ना जानती थी कि पाकिस्तान किस सन में एटमी ताकत बना। तुमने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया,
अमरहा को उसे पुराने मौजू पर लाना ही पड़ा। वो मजीद वीरा के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। अगर वीरा पाकिस्तान को लेकर उससे कोई आम सा सवाल पूछ लेती और उसे उसका जवाब भी ना आता तो बुरा होता। कम से कम एक पाकिस्तानी को तो पाकिस्तान के बारे में मालूम होना चाहिए। ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक किया। ठंडे पानी ने उसके अंदर के गंदे कीड़े को भिगो भिगो कर कुचल डाला होगा। तुम बहुत बहादुर हो वीरा। अगर मुझे ऐसे बर्फ़ में दबाया जाता तो मैं कभी ऐसी बहादुरी ना दिखाती। एक लम्हे के लिए अमरहा बिल्कुल खामोश हो गई। एक वीरा थी जिसे बहादुर बनाया गया था, एक अमरहा थी जिसे मसल मसल रुलाया गया था। वो दोनों इंसान थी, दोनों लड़कियाँ, लेकिन उनमें से एक कहीं गुना मजबूत और एक बहुत कदम आगे थी और दूसरी कहीं गुना कमज़ोर और बहुत पीछे थी। दोनों इंसान ही थी फिर भी बराबर नहीं थी। तो तुम्हारे फादर तुम्हारी ताकत हैं, अमरहा को उस पर रश्क आ रहा था। वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी ताकत मुझे नहीं दी बल्कि मेरे अंदर की ताकत को मेरे अंदर से बेदार किया है। जब एक बाप अपनी बेटी के अंदर इस ताकत को बेदार करता है तो ज़िंदगी की हर बड़े मैदान में फातह बनने के लिए अपनी बेटी को तैयार कर लेता है। और ये पावर एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बुजदली और बहादुरी दोनों का ताल्लुक दिमाग से है, जिस्म से नहीं। अगर वो दिमाग को नडर बना लिया जाए तो जिस्म हरगिज़ डरपोक नहीं बनता। वो कहते हैं ना, कोई आपको उंगली लहरा कर धमकाए आप उसे मुक्का मार कर खामोश करवा दें। तुम्हें कोई भी रद्द अमल में नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, तो क्या नुकसान के खौफ से मैं बुजदिल बनी रहूं, खामोश रहूं? ऐसा मैं नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्या सिखाया है अमरहा? एक गहरा साया अमरहा पर से होकर गुजरा। पापा रात गए घर आते थे, उन्हें दुनिया में एक ही चीज़ की फिक्र रहती थी, अपनी कारपेट शॉप की, वहाँ रखे हर छोटे पड़े कारपेट की, बेगमात के घर वक्त पर डिलीवरी की, हत्ता के शॉप पर लीव्स हो जाने वाले एनर्जी सेवर तक की। यूनिफॉर्म में एक दिन उनके सामने अपनी वैन के लिए निकलने लगी तो उन्होंने पूछा, कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारी स्कूल से? मैं स्कूल नहीं कॉलेज जाती हूँ, अब कहकर वो वैन में आकर बैठ गई और बामुश्किल अपने रोने पर काबू पा सकी। जिस बाप को ये तक मालूम नहीं था कि उसकी बेटी स्कूल नहीं कॉलेज जा रही है, वो बाप उसकी तकलीफ़ों के बारे में क्या जान सकता था? जिस बाप की बाबत वीरा पूछ रही वो उसके लिए दादा बने थे। मैं 12 साल की थी तो बुरी तरह से रो रही थी। मेरे दादा मुझे बहुत बड़े पार्क में ले गए। वो साल के गर्म तरीन दिनों में से एक था। क्या तुम गर्म तरीन दिनों का मतलब जानती हो? अमरहा ने रुककर वीरा से पूछा। हाँ, इतना गर्म कि इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, वीरा सब जानती थी। हाँ, ये वही दिन थे। पार्क में ले जाकर मेरे दादा ने मुझे वो मुर्दा परिंदे दिखाए जो गर्मी से मर चुके थे। वो मुझे एक दरख्त के नीचे लेकर बैठ गए और उन्होंने मुझे परिंदों के देखते रहने के लिए, अमरहा के देखते देखते एक चिड़िया गर्मी की ताब न लाकर मर गई। मेरे दादा मुझे उसके करीब ले गए और मुझसे पूछा, अमरहा, मरने से पहले क्या तुमने इन चिड़िया को रोते आहो बका शिकवे करते देखा? गर्मी ने इसे इतनी तकलीफ दी कि इसकी मीठी चू चू भद्दी आवाज़ में बदली, बल्कि बेचारी तो खामोश हो गई। फिर तो ये मासूम सी चिड़िया इंसानों से बढ़कर हो गई। दादा ने चंद छोटे कंकर उठाकर परिंदों को मार दिए। वो खामोशी से फिर से उड़ने लगे। उन्होंने अपनी जगह बदल ली लेकिन वावेला नहीं किया, ना रोए ना चिल्लाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कायनात की अदना मखलूक, हशरात और दूसरे जानवर कभी इंसान की तरह आहो बका नहीं करते, इंसान की तरह रोते चिल्लाते नहीं, वावेला नहीं मचाते, लेकिन कायनात की अरफा आला मखलूक इंसान ये काम बहुत शौक से करता है। ऐसे गला फाड़ता है जैसे कायनात के रब ने कलम के दुखों के सभी पहाड़ उस पर तोड़ दियो, एक अकेला वहीं उठा दिया। वो ये नहीं देखता कि ये दुख तकलीफ उसे कितना फ़ायदा दे रही है, उसकी उस्ताद बनी उसे क्या क्या सिखा रही है, बस रोते चला जाता है। तो तुम्हारे दादा के पास सारी मशरकी हिकमत है? नहीं, उनके पास सब्र और इलम है थोड़ा सा। वो एक अच्छे उस्ताद रहे हैं और मैं उनकी बुरी शगिर्द। हम अपने उस्ताद को वहाँ नाकाम कर देते हैं जब हम उनकी सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। हर दिन हर रात वो मुझे ऐसी ही बातें सुनाते, लेकिन मैंने तो अपने वजूद को जैसे पत्थर बना लिया था। कतरा कतरा सूझबूझ की कोई भी बूंद उस पर असर नहीं कर रही थी। अब तुम सबको देखती हूँ तो ख्याल आता है कि अपनी ज़िंदगी किन अंधेरों में गुजारती रही हूँ। ज़रा सी हिम्मत करती तो इन अंधेरों से निकल सकती थी। क्या हुआ तुम्हारे साथ माजी में? कुछ बहुत बुरा? तुम सुनोगी तो हंसोगी। मैं हंसना चाहती हूँ, उसने संजीदगी से कहा।
उसने संजीदगी से कहा, लेकिन बताते बताते मैं रो पड़ूंगी। उसने भी संजीदगी से ही, झील में बतखें ऐसे सुकून से तैर रही थी जिस सुकून से इंसान का वास्ता कम ही पड़ता है। स्काइप इज गॉड सेंड, इस बात की कायल वो भी थी। दादा हर दिन उससे बात करके उसे देखकर ही सोते थे। उसने मोबाइल ले लिया था और चलते फिरते हर औकात में दादा से स्काइप पर बात कर लिया करती। मोबाइल के ज़रिए ही उसने दादा को अपनी क्लास फेलोज और यूनिवर्सिटी दिखाई थी। क्लास में सर के आने से पहले उसकी क्लास फेलोज ने हाथ लहरा कर यकज़बान होकर कहा था, हेलो ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा इतने खुश हुए कि फूले नहीं समाए थे। बड़े अच्छे लोग हैं हमारा ये सब तो, वो बहुत खुश हुए। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, वो कहका लगाती। उसने दादा को आइसलैंड की वो खतून भी दिखाई जो 17 साल की उम्र में मास्टर्स कर रही थी और यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट और अपनी क्लास के प्रोफेसर से ये दरख्वास्त करती पाई जाती कि उनको उनकी उम्र बलाए ताक रखकर उन्हें भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आम स्टूडेंट समझा जाए, उन्हें कोई रियायत ना दी जाए। वो इस वक्त भी बुरा मान जाती भी थी जब लाइब्रेरी में कोई उनसे ये कहता कि वो 6 या 8 किताबों पर मुश्तमिल सेट को उनके हॉस्टल रूम तक छोड़ आता है। यूनिवर्सिटी को उनसे बहुत तवक्कुआत थी और सबका मानना था कि वो ज़रूर दुनिया भर में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेगी और कन्वोकेशन डे पर यकीनन दुनिया भर का मीडिया मिसिज रुद्धाल की शानदार कामयाबी को कवरेज देना फ़र्ज़ समझेगा। दादा आप भी यूनिवर्सिटी आ जाइए या छोटा मोटा कोर्स ही कर लें। इस उम्र में मैं क्या करूँगा कोर्स करके, यही सवाल मैंने भी मिसिज रेचल से पूछा था कि इस उम्र में तारीख को कंगाल कर उसमें घुस कर और फिर इसमें डिग्री लेकर क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा, उम्र कोई चीज़ नहीं होती, असल चीज़ ज़िंदगी होती है और मेरे वजूद में ज़िंदगी ऐसे दौड़ती है जैसे किसी नौमौलूद बच्चे के जिस्म में। तो जब ज़िंदगी का मानी एक है ज़िंदा रहना, तो मैं किसी शानदार मकसद को लेकर ज़िंदा क्यों ना रहूं? इससे पहले मेरा मकसद मेरे बच्चों, मेरे ख़ानदान की परवरिश और देखभाल था। अब मैं इनसे फारिग हो गई तो मैंने एक नया मकसद बना लिया। इसमें उम्र और नफ़ा नुकसान की तो बात ही नहीं है, ये तो मकसद पा लेने की बात है जो मैं पा रही हूँ। दादा उसे सालगिरह विश कर रहे थे जब वो किचन में साधना के साथ नाश्ता बना रही थी। उसने मोबाइल स्टैंड में मोबाइल लगा दिया था और काम करते साथ उनसे बातें करती रही थी। साधना ने सुना तो उसे गले लगाया और केक बनाने का वादा किया। वीरा ने फिलहाल एक सुर्ख रिबन उसकी कलाई पर बांध दिया और एक अपनी कलाई में कि याद रहे कि एक ने गिफ्ट लेना है और एक ने देना है। एनॉन ने भी जैसे अपना अलामती चुप का रोज़ा तोड़ा और उसे जापानी गीत गाकर विश किया। नशिस्त गा में किसी छोटी बच्ची की तरह हिल हिल कर गाती वो इन 3 खवातीन को हैरान कर रही थी। लेडी महर उसे थोड़ी तले हाथ रखे देखती रही। जब वो गा चुकी तो लेडी महर ने पुरजोर सर हिलाकर कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे अंदर ज़रूर कोई ना कोई कला मौजूद है। रात को तुम मुझे चंद ऐसे ही गीत सुनाना। अमरा के हाथ पर किस करके एन नून फिर से पुरानी एन नून बन गई जो साल में एक बार मुश्किल से कोई गैर ज़रूरी बात किया करती थी। लेडी महर ने रात के डिनर के अहतमाम का अमरा से वादा किया और यूनिवर्सिटी में कोई रंग बिरंगे फूल लिए उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी क्लासेस ले चुकी थी और अपने अपार्टमेंट की हदूद से निकली ही थी कि आलियान एकदम से उसके आगे आ गया। शायद वो भागता हुआ आया था। ये लो वक्त तुम्हें ज़िंदा रखे, वक्त मुझे ज़िंदा रखे, वो ज़रा ना समझी। तुम्हारी साल गिरा है ना आज, तो तुम्हें दुआ दे रहा हूँ। जैसे वक्त ज़िंदा रखता है उसकी उम्र हज़ारों साल कई सदियाँ होती हैं। वो मुस्कुराने लगी, तुम्हें किसने बताया? मैंने खुद को खुद ही बताया। उसे लगा उसकी तारीफ की गई है। मेरी सालगिरह का किसने बताया पागल? ओह, साधना ने, उसका फ़ोन आया था, केक बनाने की तरकीब पूछ रही थी। आखिर ये बरतानवी लोगों को घर में बेकिंग करने का क्यों शौक है? साधना हिंदुस्तानी है, उसने अतात गुजार बच्चों की तरह उसे कहा कि उसे बुरा ना लगे। अमरहा ने उसके लाए गुलदस्ते में से जो किसी बाग से तोड़े लगते थे सफ़ेद नीले सुर्ख फूल चुन लिए और पीले फूल उसे वापस कर दिए। वो सवालिया उसे देखने लगा। वो दोनों अब यूनिवर्सिटी के मेहराब के पीछे खड़े थे। सामने ऑक्सफोर्ड रोड रवा दवा थी। ये वापस क्यों किए? आलियान को बुरा लगा। पीले फूल किसी को नहीं देते, ये नफरत और नापसंदीदगी की अलामत होते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त ना सही, ऐसे दुश्मन भी नहीं कि मेरी सालगिरह के दिन मुझे ऐसे फूल दिए जाएं। और नफ़रत नापसंदीदगी की अलामत, ये फूल? वो भरपूर संजीदगी से पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, वो भी मुकम्मल संजीदगी से जवाब दे रही थी।
तुमसे किसने कहा ये अमरा? क्या मतलब है तुम्हारा कि किसने कहा? यूनिवर्सिटी की तारीखी मेराब के नीचे एक नई क्लास लगी थी। तुमसे किसने कहा कि ये नफरत और नापसंदीदगी की अलामत है? सबको मालूम है ये, उसने कंधे अचकाए जैसे ये जता रही हो। तुम्हें इतनी सी बात नहीं मालूम? अफसोस, वैसे तुम बड़े मास्टरमाइंड बने फिरते हो। सब कौन? उफ़ ये सारी दुनिया सब और कौन? एकदम से अमरहा के तासरात में गुस्से और कोफत का ग्राफ बढ़ने लगा। फिर भरपूर दिल से कहका लगाया, तुम इतनी सतही हो अमरहा, या तुम इन लोगों की बातों का ध्यान देती रही हो जो नफ़रत और इंतशार की मुअज्जिद हैं, जो हमेशा कुदरत के कवानीन में घुसते हैं और पूरे दिल से इन कवानीन में रद्दोबदल में कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक फूल भी खुद नहीं बना सकते, लेकिन इसी फूल को नापसंदीदा काबिले नफ़रत ज़रूर बना सकते हैं। अलामत आखिर क्या चीज़ होती है? ये फूल है अमरा, सिर्फ फूल। अगर ये इससे ज़्यादा कुछ और भी है तो वो ये है कि अपने वजूद में कामिल है। ये खुद को खुद ही कामिल करता है। इसका खिलता हुआ रंग देखो, कितना कामिल है ये। अपने रंग में ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, एक जैसा। इसकी पंखड़ियाँ कितनी नरम और मुलायम है, कितनी जाजिब नज़र, कोई मिलावट नहीं इनमें। दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों में बनने वाला रेशम भी इस जितना मुलायम नहीं होगा जितना ये ज़मीन के वजूद से निकला हुआ है। देखो कुदरत की काबिलियत, दाद दो कुदरत को, तारीफ़ करो कुदरत की, उल्टा तुम इसे नापसंदीदा अलामतें दे रही हो। तुमने इसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया और इसे नापसंदीदा जान लिया। सर उठाकर आसमान को देखो, अगर सारी दुनिया इस आसमान को कोई फजूल और बकवास अलामत करार दे देगी तो तुम भी इसे बुरा मान लोगी। वसी मंदर, नीली झीलें, सब्ज़ो सफ़ेद पहाड़ कितने कामिल हैं। अगर इन्हें कोई अलामतें दे दी गई तो क्या नफ़रत करने लगोगी? इनसे भी अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं, कायनात की किसी भी चीज़ से नहीं। अपने मकाम पर बादशाह है, इसके सर पर ताज है। इसकी तख्लीक का कि तुम्हारी तख्लीक जैसी होनी मकसूद पाई थी, तुम वैसी ही हो। ये किसी भी तरह हीच नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। कमी है तो इन दिमागों में जिनमें ये फतूर पैदा होता है। कोई फूल, कोई रंग, कुदरत की बनाई कोई चीज़ काबिले नफ़रत नहीं होती। ये खतबी लोगों की बातें में तुम वो सबक क्यों पढ़ रही हो जो दुनिया के मखलूतुल हवास इन लोगों ने दिमाग गायब में लिखा है, कुदरत के ख़िलाफ़ जाकर लिखा है, कुदरत को नाखुश करने के लिए लिखा है, कुदरत को हीच करने के लिए लिखा है। अमरहा हकीकतन चुप हो चुकी थी। उसकी सारी ज़िंदगी पीले फूल को नफ़रत की अलामत समझते गुजर जाती अगर उसे ये सब न बताया जा रहा होता। आखिर उसने आज तक ये बात खुद क्यों ना सोची? दिमाग तो उसके पास भी था ना। मेरा ज़ाती ख्याल है कि फूलों के दो ताजरों ने कारोबारी हसद का नतीजा ये सब। एक ताजर के पास पीले फूल होंगे और वो कारोबार में तरक्की कर रहा होगा, उसके पीले फूलों का बाग तेज़ी से फल फूल रहा होगा। दूसरे रंग के होंगे, चलो सुर्ख लगा लो। अब सुर्ख फूल के मालिक ने यह सोचा होगा कि फूल को किसी ऐसे जज्बे के साथ जोड़ दिया जाए जो रातों रात उसकी मांग में इजाफा हो जाएगा, तो अपने कारोबारी हरीफ के फूल को किसी ऐसे जज्बे के मुंसलिक कर दिया जाए कि लोग उसे लेना ही पसंद न करें। फिर उसने ये किया और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। देखो तुमने कैसे मेरे हाथ में मेरे फूल वापस कर दिए, ये वही फूल जो मुजस्मे शाकार हैं। अमरहा ने उसके हाथ से फूल वापस ले लिए और तेज़ी से बस की तरफ भागी जिसमें बैठकर उसे जाना था। आलियान उससे चंद कदम दूर था। ये बात तुम्हें किसने बताई आलियान? बस की खिड़की से सर निकालकर उसने फूलों की तरफ इशारा करके पूछा। सुमैरा ने, आलियान ने तेज़ आवाज़ में कहा। बस दूर चली गई थी, लेकिन वो वहीं खड़ा बस की गुजरगाह को देखता रहा। रात के डिनर का एहतमाम ठीक ठाक था। दादा ऑनलाइन देखकर उसने साधना का बनाया केक काट लिया। लेडी महर ने उसे यूनिवर्सिटी की तस्वीर वाला क्रॉस बैग दिया था। साधना ने बरीक सी पाजेब और एन ऑन ने हाथ की बनी एक छोटी सी गुड़िया जो उसकी माँ ने उसके बैग में एक दर्जन से ज़्यादा रख दी थी कि यूनिवर्सिटी में उसे जो अच्छा लगे उन्हें देती जाए, एक उसने लेडी महर को दी। अमरा ने इस गुड़िया को यूनिवर्सिटी बैग के ऊपरी सतह पर लगा दिया, सबको मालूम होना चाहिए ताकि एन ऑन उसे पसंद करती है। उसने अपने घर में कभी सालगिरह नहीं की थी क्योंकि उसे अपना दुनिया में आने की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे ये सोच कर ही कोफत होती थी कि वो आज के दिन पैदा हुई थी, एक ऐसी तारीख जिसे दादी साल में कितनी बार दोहराती थी कि इस दिन ये हुआ। इसने साधना को एक बार ऐसे ही सब बताया तो वो हैरत से उसका मुँह देखने लगी।
लेकिन तुम तो मुसलमान हो अमरा, और मुसलमानों में तो ये सब बातें नहीं होती। अमरा उसे क्या बताती कि अब मुसलमानों में क्या क्या होने लगा है। हमारे मोहल्ले में एक मुसलमान ख़ानदान आबाद था, मजीद भाई थे, स्कूल में पढ़ाते थे और अपना ट्यूशन सेंटर चलाते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसी महीने उनकी ट्यूशन सेंटर में आग लग गई और फिर चंद ही दिनों बाद उनके मकान की छत गिर गई। सब ने कहा बहुत सबज कदम है, लेकिन उनकी माता और वो आगे से हंसते रहते, कहते जो होता है अल्लाह के हुक्म से ही होता है। 2-3 साल बराबर उनके साथ ऐसा ही कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी एक बार भी लोगों की बातों पर कान नहीं धरे कि ये सब उनकी शादी के बाद उनकी बीवी के कदमों से हुआ है। वो सबसे यही कहते कि हमारे मज़हब हमें ऐसा कहने और सोचने से मना किया है। उसके पास साधना के सवाल का जवाब नहीं था कि वो मुसलमान वो है और मुसलमान ऐसा है। सोचते उसका जवाब उसकी दादी, उसकी माँ और ख़ानदान के बाकी लोगों के पास था। वहीं बता सकते थे कि कुरान पाक में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। फिर वो कहाँ से सीख सीख कर ये सब कहते और करते हैं, और ये सब करते हुए क्या वो भूल जाते हैं कि एक दिन उनके कहे एक एक लफ्ज़ का हिसाब किताब होगा। जो क्या होगा उसके बारे में पूछा जाएगा, वो कौन सा जवाब घड़ कर देंगी। यही कि वो कम अकल और अनजान थे और उनके जवाब को दुरुस्त माना जाएगा, क्योंकि जो कलाम पाक पढ़ता है वो ना कम अकल होता है और ना ही अनजान रहता है, अगर वो ठीक ठीक पढ़ता है तो। तो ये है इस नावल की पहली एपिसोड। मैं पहले इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर इसको आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। बेशक इसके दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं पहले रिकॉर्ड ही करूँगी फिर आप लोगों को दूँगी। इसके अलावा ये नावल तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन अभी आप लोगों ने इस नावल में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जाना आपने। अभी जो इसका मेन किरदार, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कारण, वो अभी नहीं आया है। सिर्फ अमरहा और उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रही है। पूरे नावल में अमरहा और आर्यन के इर्द गिर्द ही कहानी है, लेकिन इसमें बहुत सारे अभी करेक्टर्स ऐसे हैं जो आने हैं, मतलब बहुत सारे। यूनिवर्सिटी में पता है ना हर तरह के लोग होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा और करेक्टर्स हैं ना जिनके बारे में वक्तन फवक्तन राइटर बताती रहेंगी। और बहुत मज़े का ये नावल है। अगर आप लोगों ने सच में अभी तक नहीं सुना तो गलती किया यार आप लोगों ने, इतने अच्छे नावल को अभी तक मिस करके। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे नावल हैं जो कि यूट्यूब पर अपलोड नहीं है, तो मैं ऐसे करूँगी कि आप लोगों को वो नावल सुना दूँगी अच्छे, जो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और आप लोग इस एपिसोड के बारे में मुझे अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है, फिर मैं उसी के हिसाब से आप लोगों को जल्दी जल्दी नावल प्रोवाइड कर दूँगी। मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन फिर भी अगर टाइम लग जाए तो माजरत मैं पहले ही कर देती हूँ आप लोगों से। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।